वेट, व्हाट इज डिजिटल फुटप्रिंट? डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है? डिजिटल फुटप्रिंट इज द इम्प्रेशन यू क्रिएट ऑन द इंटरनेट थ्रू योर ऑनलाइन एक्टिविटी। डिजिटल फुटप्रिंट क्या है? इम्प्रेशन है जो इंटरनेट पे आप बनाते हो, किसके थ्रू? अपनी ऑनलाइन एक्टिविटीज के थ्रू, वो एक्टिविटीज जो आप इंटरनेट पर परफॉर्म करते हो, राइट? विच इंक्लूड्स ब्राउजिंग, जो क्या इंक्लूड करती है कि आप कैसा डेटा ब्राउज करते हो, कौन सी इंफॉर्मेशन सर्च करते हो, इंटरेक्शन विद द पीपल, आप कैसे लोगों से इंटरेक्ट करते हो, ओके? एंड द पब्लिकेशन ऑफ कंटेंट, आप किस टाइप का कंटेंट पब्लिश करते हो, किस टाइप का डेटा अपलोड करते हो इंटरनेट पर, ओके? इन अदर वर्ड्स इट इज द ट्रेल ऑफ डेटा। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ये क्या है? डेटा का ट्रेल है। ट्रेल मींस ये डेटा की ट्रेसेस है, एक डेटा का निशान है, एक रिकॉर्ड है जो आप इंटरनेट पे छोड़ रहे हो कि आप किस टाइप का डेटा सर्च करते हो, कैसे आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो, आप किस टाइप का डेटा पब्लिश करते हो, आप कैसे कमेंट करते हो, राइट? सो दिस इज द रिकॉर्ड ऑफ योर एक्टिविटीज, राइट? जो आप इंटरनेट पर क्या कर रहे हो, छोड़ रहे हो, मतलब इंटरनेट को प्रोवाइड कर रहे हो, कैसे? इंटेंशनली, आप खुद आप जानते हो कि आप क्या इंटरनेट पे अपलोड कर रहे हो। एंड अनइंटेंशनली मींस जहां पे आपको नहीं पता बट आपकी इंफॉर्मेशन क्या हो रही है, वो लीक हो रही है पर्टिकुलर वेबसाइट्स पे, आप डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे आपका डेटा, आपका आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री क्या हो रही है पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके रिकॉर्ड हो रही है, फाइन? यू लीव बिहाइंड बाई सर्फिंग द इंटरनेट। और ये सारा का सारा इम्प्रेशन डेटा कब आप इंटरनेट को प्रोवाइड करते हो? जब आप इंटरनेट पे सर्फिंग करते हो, डेटा इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन सर्च करते हो या कोई भी एक्टिविटी करते हो, फाइन? नाउ वी हैव टाइप ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट, ओके? सो देयर आर टू मेन क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट्स। डिजिटल फुटप्रिंट दो टाइप्स के होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। फर्स्ट वी हैव एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट। एन एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट कैन बी डिफाइंड एज द इंटेंशनल डेटा ट्रेल दैट एन इंडिविजुअल लीव्स बिहाइंड इंटेंशनली। एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है? वो डेटा जो एक इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल इंटेंशनली इंटरनेट पर प्रोवाइड करता है, ओके? लाइक फेसबुक, ट्विटर एंड ब्लॉग पोस्ट। जो आप क्या करते हो, फेसबुक पे, ट्विटर पे या ब्लॉग, जो जो भी आपके ब्लॉग्स होते हैं वहां पे पोस्ट करते हो, राइट? तो ये डेटा क्या है, आप इंटेंशनली प्रोवाइड कर रहे हो, फाइन? सोशल नेटवर्क कनेक्शंस, आप अपने सोशल जो आपकी साइट्स होती है उन पे जो भी कंटेंट अपलोड करते हो, राइट? इमेज एंड वीडियोस अपलोड, जो आप इमेज एंड वीडियोस जो अपलोड करते हो, ईमेल्स, आप जो ईमेल सेंड करते हो, फोन कॉल्स करते हो, चैट्स करते हो, तो ये सारा क्या है, ये डेटा आप खुद प्रोवाइड कर रहे हो, ओके? राइट? तो ये सच टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड एज एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट। द डेटा जिसके बारे में आप अवेयर हो कि यस आई एम डूइंग दिस, ओके, आई एम प्रोवाइडिंग दिस पर्टिकुलर डेटा टू द इंटरनेट। मैं अपने, जैसे आप फेसबुक अकाउंट होता है आपका, तो आप क्या करते हो, आप सोच समझ के उस पे वीडियोस अपलोड करते हो, इमेजेस अपलोड करते हो, तो यहाँ पे क्या है, ये आप अपना डेटा खुद प्रोवाइड कर रहे हो, ओके? आप अपना डिजिटल फुटप्रिंट खुद क्रिएट कर रहे हो, तो दिस सच टाइप ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट इज कॉल्ड एज एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट, फाइन? ओके, सेकेंड इज पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट। पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है? अ पैसिव फुटप्रिंट इज डिफाइंड एज द अनइंटेंशनल ट्रेसेस दैट एन इंडिविजुअल क्रिएट्स ऑन द इंटरनेट अननोइंगली। वो डेटा जो क्या होता है, जब कोई भी पर्सन इंटरनेट पे कोई भी एक्टिविटी करता है, तो उसके नॉलेज के बिना वो डेटा क्या होता है, डिफरेंट वेबसाइट्स क्या करती हैं, स्टील कर लेती हैं। स्टील मींस, व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड स्टील, बिकॉज क्या होता है, जब आप कोई भी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन सर्च करते हो, तो आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री क्या होती है, समटाइम्स आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री वो पर्टिकुलर वेबसाइट कुकीज की हेल्प से रिकॉर्ड कर लेती है कि आप किस टाइप की एक्टिविटीज कर रहे हो। यहाँ पे आपको पता नहीं है कि आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री को क्या किया जा रहा है, रिकॉर्ड किया जा रहा है, ओके? यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस। तो यहाँ पे क्या है, अनइंटेंशनली आप डेटा प्रोवाइड कर रहे हो, फाइन? आप यू आर अनअवेयर ऑफ दैट, आपको नहीं पता है कि जो भी आप ब्राउज कर रहे हो उसका एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड कहीं पे जाके स्टोर हो रहा है। तो इन इन दैट केस इट बिकम्स
पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट मींस आपका डेटा रिकॉर्ड तो हो रहा है बट यू डोंट नो अबाउट इट, आपको नहीं पता है कि आपका ब्राउजिंग हिस्ट्री या जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हो वो कहीं पर जाके रिकॉर्ड हो रही है. फाइन, तो इसके एग्जांपल क्या है, यूजिंग एप्स एंड वेबसाइट दैट यूज जियो लोकेशन टू पिन पॉइंट अ यूजर्स वेयर अबाउट. आप समटाइम्स आप क्या यूज करते हो, ऐसी एप्स या ऐसी वेबसाइट्स यूज करते हो जो जियो लोकेशन की हेल्प से पता कर लेते हैं कि जो यूजर है वो कहाँ पर है, उसका रीजन क्या है, मतलब उस किस पर्टिकुलर स्टेट में है, किस पर्टिकुलर प्लेस पर है वो. फाइन, आपने इन्फॉर्मेशन नहीं बताई, आपने अपना एड्रेस नहीं बताया, बट विद द हेल्प ऑफ जियो लोकेशन द पर्टिकुलर ऐप और द वेबसाइट कैन नो योर लोकेशन. फाइन, ब्राउजिंग प्रोडक्ट्स एंड एक्टिविटीज विच एडवर्टाइजर्स कंपाइल एंड एनालाइज टू प्रोफाइल यू एंड प्रोवाइड टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट. अब क्या होता है, जब भी आप कुछ एप्स होती हैं जहाँ पे प्रोडक्ट्स को सर्च करते हो, ओके, जो भी एक्टिविटीज करते हो वो क्या होता है, वो जो एडवर्टाइजिंग कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, जो एडवर्टाइजर्स होते हैं वो उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, कंपाइल करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं कि आपको किस टाइप का प्रोडक्ट्स चाहिए, आप कौन सी एक्टिविटीज करते हो, और वैसे ही आपके पास क्या आते हैं, एडवर्टाइजमेंट आते हैं. जैसे आपने एक एग्जांपल लेते हैं, आप यूट्यूब पे इंफॉर्मेशन सर्च करते हो तो आप नोटिस करना कि जैसे वीडियोस आप यूट्यूब पे सर्च करते हो वैसे ही वीडियोस आपके पास क्या आती है, व्हेन यू विल ओपन द यूट्यूब आपके पास वैसा ही डेटा अवेलेबल होगा, आपके पास वैसे ही वीडियोज आएंगे. फाइन, अगर आप स्टडी मटेरियल सर्च करते हो तो आपके पास स्टडी से रिलेटेड ही सारी वीडियोज आएंगी. ओके, ना हाउ डू वी लीव डिजिटल फुटप्रिंट्स, हम कैसे डिजिटल फुटप्रिंट्स प्रोवाइड करते हैं इंटरनेट को. ओके, तो बहुत सारे वेज हैं, इसमें से हम कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे. पोस्टिंग ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, तो ये क्या है, एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट है, जहाँ पे आप क्या करते हो, खुद पोस्ट करते हो फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, स्नैपचैट पर, तो यू आर प्रोवाइडिंग द डिजिटल फुटप्रिंट देयर. राइट, फिलिंग आउट द ऑनलाइन फॉर्म्स, आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हो जहाँ अपनी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो, सच एज व्हेन साइनिंग अप टू रिसीव ईमेल्स और टैक्स. और क्या होता है, समटाइम्स कुछ वेबसाइट्स आपसे क्या करती हैं, आपसे कंडीशंस पे टिक कराती है कि इन ऑर्डर टू सेंड यू द ईमेल्स, कि आप यहाँ पे एग्री करो तो आपको ईमेल्स आएंगे, टैक्स आएंगे, तो आप उसको क्या करते हो, एग्री करते हो. फाइन, सो यू आर प्रोवाइडिंग योर ओन कंसेंट, आप यहाँ पे कंसेंट प्रोवाइड कर रहे हो, सो डेट दे कैन सेंड यू ई मेल, दे कैन एक्सेस योर डेटा. और जो एग्रीमेंट्स होते हैं उसमें बहुत सारी क्लॉसेस होते हैं कि दे कैन एक्सेस योर अकाउंट, दे कैन एक्सेस योर दिस एंड दैट, सो मेनी थिंग्स. तो आप क्या करते हो, एग्री करके खुद अपना डेटा प्रोवाइड कर देते हो. फाइन, एग्रीइंग टू इंस्टॉल कुकीज ऑन योर डिवाइस व्हेन प्रॉम्प्टेड बाय द ब्राउजर्स. आप समटाइम्स क्या होता है, जब हम इंफॉर्मेशन कोई भी सर्च कर रहे होते हैं तो वेबसाइट पे आता होता है कि दिस वेबसाइट यूजेस कुकीज टू ब्राउज योर इन्फॉर्मेशन, तो हम क्या करते हैं, अननोइंगली ओके पे क्लिक कर देते हैं, तो क्या होता है, वो पर्टिकुलर वेबसाइट की कुकीज हमारे सिस्टम पे स्टॉल हो जाती है और वो सारा हमारा ब्राउजिंग रिकॉर्ड अपनी वेबसाइट को प्रोवाइड करता रहता है. तो इस केस में थोड़ा अवेयर रहना चाहिए कि जहाँ पे कुकीज हो वहाँ पे ओके नहीं करना चाहिए. फाइन, इट इज नॉट हार्मफुल, बट क्या होता है, समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी क्या हो जाए, शेयर हो जाए. फाइन, नाउ वी हैव टिप्स टू मैनेज योर डिजिटल फुटप्रिंट्स, आप अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स को कैसे मैनेज कर सकते हो. राइट, ट्रीट योर पासवर्ड लाइक योर टूथब्रश, डोंट शेयर इट विद एनी वन एंड चेंज इट ऑफन. ओके, तो आपको अपने पासवर्ड को बहुत सिक्योर रखना चाहिए, उसको किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए और अपने पासवर्ड को टाइम टू टाइम चेंज करते रहना चाहिए. फाइन, ऑलवेज रिमेंबर टू लॉग ऑफ वेन यू हैव फिनिश्ड विद एन ऑनलाइन सर्विस. जब भी आप अपने कोई भी ऑनलाइन सर्विस यूज कर रहे हो, आपने अपना अकाउंट ओपन किया हुआ है, तो हमेशा अपने अकाउंट को क्या करना चाहिए, लॉग ऑफ करना चाहिए, लॉग आउट करना चाहिए. फाइन, जिससे आपका अकाउंट क्लोज हो जाए. ओके, यूज योर ओन डिजिटल फुटप्रिंट टू रिमेंबर योर फेवरेट वेबसाइट्स लाइक द हिस्ट्री बटन एंड बुक मार्क्स. आप अपने खुद के डिजिटल फुटप्रिंट्स बना सकते हो, कैसे, जो भी वेबसाइट आपको पसंद हो, ओके, उनको हिस्ट्री बटन पे क्लिक करके या फिर उनको बुक मार्क, उनका बुक मार्क क्रिएट करके. फाइन,
Remember that most of the website you visit will make a note of your visit and may also track the website you visit before and after their website. तो हमेशा याद रखो, जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, जैसे आप किसी वेबसाइट को विजिट कर रहे हो, तो यहाँ पे रिकॉर्ड होगा, जो आपकी एक्टिविटी पूरी रिकॉर्ड होगी कि आपने इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट किया और क्या क्या वहाँ पे इंफॉर्मेशन सर्च की, फाइन। और वो वेबसाइट ये भी सर्च कर सकती है कि आपने उस वेबसाइट से पहले कौन सी वेबसाइट को विजिट किया और उसके बाद आपने कौन सी वेबसाइट को विजिट किया, फाइन। Let an adult know if anything you read or see makes you feel worried or upset. अगर आपके पास कोई ऐसा कमेंट आता है या कोई ऐसा डेटा आता है जो आपको वरीड कर, जो आपको अपसेट करता है, तो इसकी इंफॉर्मेशन हमेशा अपने घर में अडल्ट को देनी चाहिए, मीन्स अपने से बड़े जो भी आपके पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको देनी चाहिए। okay? आई थिंक यू हैव हर्ड अबाउट एटिकेट। एटिकेट क्या होता है? जो मैनर्स होते हैं, जो मैनर्स हम फॉलो करते हैं इन आर डे टू डे लाइफ, ओके, उसको हम बोलते हैं एटिकेट। ओके, तो यहाँ पे नेटिकेट है, नेट प्लस एटिकेट, राइट। नेटिकेट शॉर्ट फॉर इंटरनेट एटिकेट, इंटरनेट एटिकेट और नेटवर्क एटिकेट, राइट, आर गाइडलाइंस फॉर कर्टियस कम्युनिकेशन इन द ऑनलाइन एनवायरमेंट। ओके, तो नेटिकेट क्या है? नेटिकेट वो एटिकेट है जो आप इंटरनेट पे फॉलो करते हो, जो आप नेटवर्क पे फॉलो करते हो, राइट, इन ऑर्डर टू हैव अ कर्टियस, कर्टियस मीन्स पोलाइट, रिस्पेक्टफुल, एक रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन करने के लिए, एक पोलाइट कम्युनिकेशन करने के लिए इंटरनेट पे जो गाइडलाइंस आप फॉलो करते हो, जो रूल्स आप फॉलो करते हो, उसको बोलते हैं नेटिकेट, राइट। जैसे हमारे डे टू डे लाइफ लाइफ में हम लोग क्या करते हैं? एटिकेट्स फॉलो करते हैं, राइट, गुड मैनर्स फॉलो करते हैं, वैसे ही इंटरनेट पर कम्युनिकेशन करने के लिए जो आप गुड मैनर्स यूज करते हो, ओके, उसको क्या बोलते हैं? इंटरनेट नेटिकेट, ओके। और ये किसकी शॉर्ट फॉर्म है? इंटरनेट एटिकेट, ओके, या फिर नेटवर्क एटिकेट, राइट। नाउ नेटिकेट इंक्लूड्स रूल्स डेट प्रोवाइड गाइडेंस फॉर अप्रोप्रिएट सोशल इंटरेक्शन एंड टेक्निकल परफॉर्मेंस ऑनलाइन। ओके, तो ये क्या है? ये कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करते हैं, करने होते हैं जब आप क्या करते हो, सोशली इंटरेक्ट, मतलब सोशल इंटरेक्शन करते हो, टेक्निकल आप टेक्निकली कोई वर्क कर रहे हो ऑनलाइन, जो भी रूल्स आप फॉलो करते हो वो किसके अंदर, किसके अंडर आते हैं? नेटिकेट्स के अंडर आते हैं, राइट। This simply means the use of good manners in online communication such as email, forums, blogs and social networking sites. तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है नेटिकेट्स वो रूल्स हैं, वो गुड मैनर्स हैं जो आप फॉलो करते हो जब आप ऑनलाइन कम्युनिकेशन करते हो, जैसे आप ईमेल सेंड कर रहे हो, आप ब्लॉग राइटिंग कर रहे हो, आप सोशल इंटरेक्शन कर रहे हो, राइट, ओके। मच लाइक ट्रेडिशनल एटिकेट्स विच प्रोवाइड रूल्स ऑफ कंडक्ट इन सोशल सिचुएशन, द पर्पस ऑफ द नेटिकेट इज टू हेल्प कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन अ प्लेजेंट, कंफर्टेबल एंड एफिशिएंट एनवायरनमेंट फॉर ऑनलाइन कम्युनिकेशन। तो नेटिकेट का पर्पस क्या होता है? एक रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन हो, एक पोलाइट एनवायरनमेंट क्रिएट हो जब आप क्या कर रहे हो, आप ऑनलाइन इंटरेक्शन कर रहे हो, जब आप एक ऑनलाइन कम्युनिकेशन कर रहे हो, ओके, एज वेल एज टू अवॉइड प्लेसिंग स्ट्रेन ऑन द सिस्टम एंड जनरेटिंग कंफ्लिक्ट अमंग यूजर्स, जिससे क्या हो, किसी भी जो भी पर्सन ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं उनके उनके ऊपर कोई स्ट्रेन ना आए, कोई दबाव ना आए, ओके, और एक पीसफुल एनवायरनमेंट बना रहे, कोई भी कंफ्लिक्ट पैदा ना हो, कोई भी कंफ्लिक्ट ना हो आपस में जो लोग क्या करें, ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, एक दूसरे से ऑनलाइन इंटरेक्ट कर रहे हैं, फाइन, ओके। तो नेटिकेट्स क्या है? वो रूल्स हैं, वो मैनर्स हैं जो आप कब यूज करते हो, जब आप इंटरनेट पर वर्क कर रहे हो, राइट, या इंटरनेट पर इंटरेक्शन कर रहे हो, ओके। नाउ व्हाइल देयर इज नो ऑफिशियल लिस्ट ऑफ नेटिकेट रूल्स और गाइडलाइंस, द जनरल आइडिया इज टू रिस्पेक्ट अदर्स ऑनलाइन। तो ये क्या कहा जा रहा है कि ऐसी कोई लिस्ट हमारे पास नहीं है, कोई हमारे पास गाइडलाइंस की लिस्ट नहीं है, रूल्स की लिस्ट नहीं है कि ये आपको फॉलो करना है, ओके, लेकिन नेटिकेट्स का एक क्या, एक जनरल आइडिया क्या है? एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना ऑनलाइन, जब आप ऑनलाइन इंटरेक्ट कर रहे हो तो आप एक दूसरे यूजर्स की क्या करें, रिस्पेक्ट करें, ओके। बिलो आर 10 एग्जाम्पल ऑफ रूल्स टू फॉलो फॉर गुड नेटिकेट्स, ओके। तो यहाँ पे आपको 10 एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं कुछ रूल्स के जो आपको क्या करने चाहिए, फॉलो करने चाहिए, जो क्या है, फॉर गुड नेटिकेट्स, जो आपके नेटिकेट्स दिखाएंगे, आपके नेटवर्क एटिकेट्स शो करेंगे, राइट।
फर्स्ट वन, अवॉइड पोस्टिंग इन्फ्लेमेटरी और ऑफेंसिव कमेंट्स ऑनलाइन। कभी भी ऐसे कमेंट्स ऑनलाइन, ऑफेंसिव कमेंट्स ऑनलाइन नहीं करने चाहिए जो किसी को हर्ट करे या जो कुछ गलत सिचुएशन को क्रिएट करे। ओके, नाउ द सेकेंड वन, रिस्पेक्ट अदर्स प्राइवेसी बाय नॉट शेयरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन, फोटोज और वीडियोज दैट अनदर पर्सन मे नॉट वॉन्ट पब्लिश्ड ऑनलाइन। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि आप किसी और की पर्सनल इंफॉर्मेशन या किसी और की फोटोज वीडियोज को ऑनलाइन शेयर करते हैं। जब आप दूसरा पर्सन ऐसा नहीं चाहता है, तो आपको क्या करना चाहिए, दूसरों की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, राइट? किसी की भी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन शेयर नहीं करनी चाहिए, राइट? Never spam others by sending large amount of unsolicited email. कभी भी नहीं करना चाहिए कि आप बहुत सारे useless email send करें, दूसरे IDs पे, तो आपको हमेशा इसका ध्यान रखना चाहिए। Fine. Show good sportsmanship when playing online games, whether you win or loss. कभी बच्चे क्या करते हैं, ऑनलाइन गेम खेलते हैं तो अगर उनका लॉस होता है तो क्या करते हैं, दे गेट फ्रस्ट्रेटेड, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कुछ यूजलेस कमेंट्स कर देते हैं या वट एवर, राइट? तो आपको क्या करना चाहिए, एक स्पोर्ट्समैनशिप, एक फीलिंग होनी चाहिए आपके अंदर, अगर आप विन भी करते हैं तब भी और अगर आप लॉस करते हैं तब भी, राइट? ऑनलाइन गेम्स खेलते टाइम, राइट? डोंट ट्रोल पीपल इन वेब फोरम्स और वेबसाइट कमेंट्स बाय रिपीटेडली नेगिंग और अनोइंग देम। बार बार किसी को ट्रोल नहीं करना चाहिए, यूजलेस कमेंट्स नहीं करने चाहिए, राइट? डोंट ट्राई टू अनोय द पीपल, राइट? ओके, स्टिक टू द टॉपिक व्हेन पोस्टिंग इन ऑनलाइन फोरम्स। ऑनलाइन फोरम्स कौन क्या होता है, वेबसाइट्स होते हैं जहाँ पे आप क्वेश्चंस भी टाइप कर सकते हैं, आप आंसर्स भी टाइप कर सकते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन फोरम्स पे वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, जो टॉपिक है उस पर्टिकुलर टॉपिक पर ही आपको पोस्ट करना चाहिए, यूजलेस इंफॉर्मेशन या यूजलेस क्वेश्चंस वहाँ पे पोस्ट नहीं करने चाहिए। और व्हेन कमेंटिंग ऑन फोटोज और वीडियो सच एज यूट्यूब और फेसबुक कमेंट्स, और हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जब आप कमेंट कर रहे हैं फोटोज पे वीडियोज पे तो वो यूजलेस कमेंट्स नहीं होने चाहिए, राइट? डोंट स्वियर और यूज ऑफेंसिव लैंग्वेज। कभी भी आपको स्वियर नहीं करना चाहिए, राइट? आपको कसम नहीं खानी चाहिए ऑनलाइन कि मैं ये आई स्वियर ऑन गॉड, आई स्वियर ऑन माय मदर, नो नॉट एट ऑल, राइट? और यूज ऑफेंसिव, और कभी भी ऑफेंसिव लैंग्वेज का यूज नहीं करना चाहिए। जब आप ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं या ऑनलाइन इफ यू आर यूजिंग समथिंग, राइट? अवॉइड रिप्लाइंग टू नेगेटिव कमेंट्स विद मोर नेगेटिव कमेंट्स, इंस्टेड ब्रेक द साइकिल विद अ पॉजिटिव पोस्ट। समटाइम्स व्हाट हैपन, आप एक नेगेटिव कमेंट करते हैं किसी पर्टिकुलर पोस्ट पे या किसी, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ वीडियो ऑन यूट्यूब, आप उस पे कुछ नेगेटिव कमेंट करते हो तो आपको क्या होता है, उससे ज्यादा नेगेटिव कमेंट मिल जाता है, देन यू अगेन रिप्लाई बैक। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, स्टॉप दैट, आइदर स्टॉप गिविंग द कमेंट और ब्रेक द साइकिल बाय गिविंग अ पॉजिटिव कमेंट, राइट? नाउ नेक्स्ट वन, इफ समवन आस्क अ क्वेश्चन एंड यू नो द आंसर, ऑफर द हेल्प। अगर आपको ऑनलाइन कोई क्वेश्चन पूछता है, कोई हेल्प मांगता है एंड यू नो इट, तो व्हाट यू शुड डू, यू शुड गिव द आंसर, राइट? थैंक अदर्स हु हेल्प यू ऑनलाइन। अगर आपको कोई ऑनलाइन हेल्प करता है तो आपको उसका थैंक्स करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने कुछ रूल्स का कुछ रूल्स डिस्कस किए, विच कम्स अंडर नेटिकेट्स, नेटवर्क, जो किसके अंडर आते हैं, नेटवर्क एटिकेट्स के अंडर आते हैं, राइट? बेसिकली है क्या, डेटा प्रोटेक्शन है कि आप अपना डेटा, पर्सनल इंफॉर्मेशन कब, कैसे और कितना शेयर करना चाहते हो ऑनलाइन। तो हियर वी हैव दिस, डेटा प्रोटेक्शन जनरली मीन्स द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू डिटरमाइन फॉर देम सेल्स व्हेन, हाउ एंड टू व्हाट एक्सटेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन अबाउट देम इज शेयर्ड विद और कम्युनिकेटेड टू अदर्स।
तो डेटा प्रोटेक्शन क्या है, ये एक पर्सन की एबिलिटी है ये डिसाइड करने की कि उसको कितना अपना अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, ओके, किस टाइम पर और कितने लोगों के साथ उसको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, राइट। दिस पर्सनल इंफॉर्मेशन कैन बी वंस नेम, लोकेशन, कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन और ऑनलाइन और रियल वर्ल्ड बिहेवियर। तो ये पर्सनल इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है, ओके, किसी का नाम हो सकता है, उसकी लोकेशन हो सकती है, उसकी कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन हो सकती है, ओके। तो डेटा प्रोटेक्शन क्या है, डेटा प्रोटेक्शन है अपनी इंफॉर्मेशन को आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपको कितनी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन शेयर करनी है, ओके। व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग विद अदर्स ऑनलाइन, हाउ यू विल प्रोटेक्ट योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, ओके। As internet usage has increased over the years, so has the importance of data privacy. Okay, जैसे जैसे इंटरनेट का यूज इंक्रीज होता जा रहा है, इंटरनेट का यूसेज बढ़ता चला जा रहा है, वैसे ही हमारी जो पर्सनल डेटा है, डेटा प्राइवेसी है, उसकी भी इंपॉर्टेंस इंक्रीज होती जा रही है, राइट, ओके। हमें अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको क्या करना है, प्रोटेक्ट करके रखना होता है व्हेन वी आर यूजिंग द इंटरनेट, ओके। वेबसाइट्स, एप्लीकेशंस एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑफन नीड टू कलेक्ट एंड स्टोर पर्सनल डेटा अबाउट यूजर्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सर्विसेज। तो क्या होता है, हम जब ऑनलाइन क्या करते हैं, वर्क करते हैं या ऑनलाइन हम कुछ भी यूज करते हैं, तो क्या होता है, कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं, कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं, ओके, जो क्या करती है, हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं, ओके, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ सर्विस, हमें सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, राइट, ओके। हाउएवर सम एप्लीकेशन एंड प्लेटफॉर्म्स मे एक्सीड यूजर्स एक्सपेक्टेशंस फॉर डेटा कलेक्शन एंड यूसेज, लीविंग यूजर्स विद लेस प्राइवेसी देन दे रियलाइज। लेकिन क्या होता है, कुछ 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 टाइम ऐसा होता है, समटाइम्स क्या होता है, कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती है ऑनलाइन, कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे होते हैं जो हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा क्या करते हैं, हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ओके, जिससे हमारी प्राइवेसी को क्या होता है, खतरा होता है, ओके, वी लीव विद लेस प्राइवेसी। वो बहुत कुछ हमारी, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर आपका ले लेंगे, आपका एड्रेस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या, आपने अपना ऑलमोस्ट सभी डेटा, प्राइवेट डेटा दे दिया ऑनलाइन, राइट। तो इन दैट केस आपका क्या है, ये दिस इज एक्सीडिंग द लिमिट ऑफ गिविंग द डेटा, पर्सनल डेटा, राइट। अदर एप्स एंड प्लेटफॉर्म्स मे नॉट प्लेस एडिक्वेट सेफगार्ड्स अराउंड द डेटा दे कलेक्ट, विच कैन रिजल्ट इन डेटा ब्रीच डेट कॉम्प्रोमाइजेस यूजर प्राइवेसी। और समटाइम्स क्या होता है, कुछ एप्स ऐसे होते हैं, कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे होते हैं जो आपका डेटा ले लेते हैं और उसकी उसकी प्रोटेक्शन नहीं करते हैं, ओके, और वो डेटा क्या होता है, वो डेटा आपका चोरी हो सकता है, जिससे आपकी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, ओके, जिससे आपका एड्रेस, आपका कॉन्टेक्ट नंबर कहीं पर भी मिसयूज हो सकता है, कहीं पर भी शेयर किया जा सकता है, राइट, ओके, ओके। नो व्हाई इज डेटा प्रोटेक्शन इम्पोर्टेंट, डेटा प्रोटेक्शन इम्पोर्टेंट क्यों है, पर्सनल डेटा कैन बी मिस यूज इन अ नंबर ऑफ वेज इफ इट इज नॉट केप्ट प्राइवेट, ओके। जो हमारा पर्सनल डेटा है उसको बहुत किसी भी तरीके से मिस यूज किया जाता है अगर हम उसको प्राइवेट नहीं रख पाते हैं, ओके, और इफ पीपल डोंट हैव द एबिलिटी टू कंट्रोल हाउ देयर इंफॉर्मेशन इज यूज्ड, अगर लोग ये लोगों के अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि वो कंट्रोल कर सके कि उनकी इंफॉर्मेशन कैसे यूज हो रही है, ओके, तो डेटा प्रोटेक्शन इज मैंडेटरी, इट इज रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट योर प्राइवेट डेटा, फाइन। इसका कैसे मिस यूज हो सकता है, क्रिमिनल्स कैन यूज पर्सनल डेटा टू डिफ्रॉड और हैरेस यूजर्स। क्रिमिनल्स आपके कॉन्टेक्ट नंबर का, आपके हाउस एड्रेस का, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन का यूज कर सकते हैं, राइट, ओके, आपको हैरेस करने के लिए, फ्रॉड करने के लिए, राइट। एंटिटीज मे सेल पर्सनल डेटा टू एडवर्टाइजर्स और अदर आउटसाइड पार्टीज विदाउट यूजर्स कंसेंट। आपका डेटा एडवर्टाइजर्स के पास सेल किया जा सकता है, बेचा जा सकता है, दूसरी पार्टीज के पास बेचा जा सकता है विदाउट आपकी कंसेंट के, विच कैन रिजल्ट इन यूजर्स रिसीविंग अनवांटेड मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग। जिसके रिजल्ट से क्या होता है, आपके पास अनवांटेड एड्स आते हैं,
आपके पास अनवांटेड मार्केटिंग एड्स आते हैं, राइट? समटाइम्स आपने ये देखा भी होगा, आपका जो आईडी होता है, ईमेल आईडी होता है, उसमें बहुत सारे स्पैम मेल्स आए होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो अनवांटेड एडवर्टाइजिंग मेल्स होते हैं, राइट? When a person's activities are tracked and monitored, this may restrict their ability to express themselves freely, especially under repressive governments. अगर आपकी एक्टिविटीज को ट्रैक किया जा रहा है, मॉनिटर किया जा रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, ये आपकी फ्रीडम को छीना जा रहा है, राइट? दिस में रेस्ट्रिक्ट द एबिलिटी टू एक्सप्रेस, आप अपने आप को एक्सप्रेस करने से डरोगे, स्पेशली अंडर द रिप्रेसिव गवर्नमेंट्स, और जहाँ पे गवर्नमेंट्स क्या है, रिप्रेसिव है मतलब जो गवर्नमेंट्स दबाती है, राइट? इन दैट केस, फाइन, इन मेनी ज्यूरिडिक्शंस प्राइवेसी इज कंसिडर्ड अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट. बहुत सारे ज्यूरिडिक्शंस मतलब बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ के ज्यूरिडिक्शंस में क्या है, जहाँ के लॉज में क्या है, प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट कंसीडर किया जाता है, राइट? कि आपके डेटा की प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है, एंड डेटा प्रोटेक्शन लॉज एग्जिस्ट टू गार्ड दैट राइट. और वहां पर डेटा प्रोटेक्शन लॉज है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट योर पर्सनल डेटा, योर पर्सनल लाइफ, फाइन. डेटा प्राइवेसी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज इन ऑर्डर फॉर इंडिविजुअल्स टू बी विलिंग टू एंगेज ऑनलाइन, दे हैव टू ट्रस्ट दैट देयर पर्सनल डेटा विल बी हैंडल्ड विद केयर. अब जो लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, वो तभी ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं जब उनको ट्रस्ट हो कि उनके उनका डेटा बहुत ही अच्छे से हैंडल किया जा रहा है, केयर के साथ हैंडल किया जा रहा है. जैसे आप क्या है, हम लोग क्या होता है, ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, अगर हमारा डेटा सेफ ना हो, अगर हमें ट्रस्ट ना हो, तो हम ऑनलाइन बैंकिंग कर ही नहीं सकते, राइट? ऑर्गेनाइजेशंस यूज डेटा प्रोटेक्शन प्रैक्टिसेस टू डेमोंस्ट्रेट टू देयर कस्टमर्स एंड यूजर्स दैट दे कैन बी ट्रस्टेड विद देयर पर्सनल डेटा. तो ऑर्गेनाइजेशन, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो क्या होती है, अपने कस्टमर्स को पूरा का पूरा एश्योरेंस देते हैं कि उनका प्राइवेट डेटा, उनका पर्सनल डेटा बिल्कुल सेफ रहेगा, राइट? सो दैट द यूजर्स कैन ट्रस्ट देम एंड कैन हैव देयर सर्विसेज ऑनलाइन. तो यूजर्स उन पे ट्रस्ट करें और उनकी सर्विसेज को ऑनलाइन यूज कर सके, फाइन. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, वो प्रॉपर्टी जो आपने अपने माइंड को यूज करके क्रिएट की है, जो आपने अपने इंटेलेक्ट को यूज करके क्रिएट की है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर द राइट्स गिवन टू द पर्सन्स ओवर द क्रिएशंस ऑफ देयर माइंड्स. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वो राइट्स हैं जो एक पर्सन को दिए गए हैं, किसके लिए, जो भी उसने क्रिएशन किया है, जो भी उसने क्रिएट किया है अपने माइंड को यूज करके, फाइन. तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वो राइट्स हैं जो लोगों को, उन लोगों को दिए गए हैं जिन्होंने कुछ क्रिएशंस किए हैं अपने इंटेलेक्ट को यूज करके, अपने माइंड को यूज करके, सच एज इन्वेंशंस, कोई इन्वेंशंस की है, लिटरेरी वर्क है, लिटरेरी मीन्स टेक्सचुअल वर्क, विद और विदाउट इलस्ट्रेशंस, राइट? आर्टिस्टिक वर्क है, डिजाइंस है, कुछ सिंबल्स, नेम और वट एवर इमेजेस, कुछ भी ऐसा काम है जो आपने क्या किया है, यूजर ने, या क्या किया है, एक पर्सन ने, नॉट यूजर, एक पर्सन ने अपने माइंड से क्रिएट किया है, राइट? अपने इंटेलेक्ट को यूज करके किया है, राइट? दे यूजली गिव द क्रिएटर एन एक्सक्लूसिव राइट ओवर द यूज ऑफ हिज हर क्रिएशन फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. तो जो भी एक पर्टिकुलर पर्सन ने क्या किया, अपने इंटेलेक्ट को यूज करके अपना एक वर्क क्रिएट किया है, एक आर्ट क्रिएट किया है, वट एवर, जो भी आप कुछ क्रिएट किया है, उस पर क्या होता है, उसका एक एक्सक्लूसिव राइट होता है उस काम पर, ठीक है? तो वो क्या है, वो वर्क उसका है, ऐसा नहीं है कि एक पर्सन ने किया और दूसरे ने उसको अपना कह दिया कि ये वर्क मेरा है, नो. तो उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, राइट? आईपी इज प्रोटेक्टेड इन लॉ. अब जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, किसी भी पर्सन की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसको लॉ प्रोटेक्ट करता है, कैसे, बाय यूजिंग द पेटेंट, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क्स. अब हम इसको पेटेंट, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क्स क्या होते हैं, वन बाय वन इसको समझेंगे, राइट? विच इनेबल पीपल टू अर्न रिकॉग्निशन और फाइनेंशियल बेनिफिट्स फ्रॉम व्हाट दे इन्वेंट और क्रिएट. जिससे क्या है, इसकी हेल्प से
जिन लोगों ने अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट की है वो उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से नाम कमा सके, रिकॉग्निशन मतलब उनको पहचाना जाए, ओके, और इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से जिन वो एक बेनिशियल बेनिफिट अर्न कर सके, राइट, उनको एक फाइनेंशियल बेनिफिट हो सके, राइट। उसके लिए क्या है, उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ लॉज हैं, ओके। इट एम्स टू फोस्टर एन एनवायरनमेंट इन विच क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन कैन फ्लोरिश, ओके। अगर किसी ने कोई इन्वेंशन की है, ओके, और उस इन्वेंशन से उसे रिकॉग्नाइजेशन मिल रही है, उसको मनी मिल रही है, तो क्या होगा, दैट पर्सन विल बी मोर मोटिवेटेड, उस वो पर्सन और मोटिवेट होगा और इन्वेंशंस करने के लिए, राइट। अगर लेकिन अगर उसकी इन्वेंशन स्टील हो जाती है, वो चोरी हो जाती है और दूसरे लोग उसका यूज करते हैं, ओके, बाय गिविंग देयर ओन नेम, अपना अपने नाम करके, तो क्या होगा, वो पर्सन डीमोटिवेट होगा। तो यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का क्या रोल है, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जिससे लोग क्या करें और क्रिएटिविटी अपनी यूज करें और इनोवेशन यूज करें, ओके, और ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जहाँ पे लोग सेफली फील करें कि वो अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, राइट, ओके। तो अब हम ये टर्म वन बाय वन देखेंगे कि क्या है, पेटेंट क्या है, कॉपीराइट क्या है, ट्रेडमार्क क्या है, जिसकी हेल्प से क्या होता है, हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करते हैं, फाइन। नाउ वी हैव कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या है, कॉपीराइट रेफर्स टू द लीगल राइट ऑफ द ओनर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये एक राइट है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ओनर को दिया जाता है, एक लीगल राइट है, ओके। इसका क्या है मीनिंग है, इन सिंपलर टर्म कॉपीराइट इज द राइट टू कॉपी। दिस मींस दैट द ओरिजिनल क्रिएटर्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड एनीवन दे गिव ऑथोराइजेशन टू आर द ओनली वन विद द एक्सक्लूसिव राइट टू रिप्रोड्यूस द वर्क। कॉपीराइट क्या है, कॉपीराइट है कि जो एक ओरिजिनल प्रोडक्ट है, जो एक ओरिजिनल क्रिएशन है, उसको कॉपी करने का राइट, ओके, उसको कॉपी करने का राइट सिर्फ किसके पास है, जिसने उसको क्रिएट किया है, फाइन। कॉपीराइट लीगल ओनर को दिया जाता है जिसकी वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, कि वो ही उसकी कॉपीज बना सकता है जिसने उसको क्रिएट किया है, या सिर्फ वो पर्सन उसकी कॉपीज बना सकता है जिसको रियल ओनर ने ऑथोराइजेशन दिया है कि ये पर्सन इसकी कॉपीज, मेरे वर्क की कॉपीज बना सकता है, राइट, रीयूज कर सकता है, मेरे वर्क को रीयूज कर सकता है, फाइन। तो दिस इज द कॉपीराइट। वर्क्स कवर्ड बाय कॉपीराइट रेंज फ्रॉम बुक्स, म्यूजिक। तो कॉपीराइट में क्या क्या आता है, बुक्स आती हैं, ओके, बुक्स पे कॉपीराइट होता है कि ओरिजिनल बुक्स जो उसका क्रिएटर है वही उसको रीयूज कर सकता है, कोई दूसरा पर्सन उसको रीयूज नहीं कर सकता है। म्यूजिक का कॉपीराइट, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, फिल्म्स, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, डेटाबेसेस, एडवर्टाइजमेंट्स, मैप्स, टेक्निकल ड्राइंग्स, तो ये डिफरेंट डिफरेंट क्या है, क्रिएटिव वर्क्स है जिनपे क्या मिलता है, जो ओनर होता है उसको कॉपीराइट मिलता है, कि ओनली द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैन रीयूज इट, कैन कॉपी इट, नो अदर पर्सन, फाइन। या फिर अगर ओनर किसी और को ऑथोराइजेशन देता है तो वो पर्सन उसको कॉपी कर सकता है, उसको रीयूज कर सकता है, दूसरा कोई भी उसको रीयूज नहीं कर सकता। सो दिस इज द कॉपीराइट, दिस इज द कॉपीराइट लॉ, राइट, ओके। नेक्स्ट वी हैव द पेटेंट। नाउ पेटेंट क्या है, अ पेटेंट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट फॉर अ टेक्निकल इन्वेंशन, राइट। पेटेंट दिया जाता है टेक्निकल इन्वेंशन के लिए। इट अलाउज यू टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम यूजिंग योर इन्वेंशन फॉर कमर्शियल पर्पस फॉर अप टू 20 ईयर्स। और ये किस लिए दिया जा रहा है, कि जो आपकी इन्वेंशन है उसको कोई भी कमर्शियल पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकता 20 ईयर्स तक, राइट। जो आपने इन्वेंशन की है, जो आपकी टेक्निकल इन्वेंशन है, ओके, वो कोई और यूज नहीं कर सकता एटलीस्ट फॉर 20 ईयर्स, फाइन। यू डिसाइड हु इज अलाउड टू प्रोड्यूस, सेल और इम्पोर्ट योर इन्वेंशन टू अदर कंट्रीज। आप डिसाइड कर सकते हो, जो रियल ऑनर है वो डिसाइड कर सकता है कि कौन इसको प्रोड्यूस कर सकता है या सेल कर सकता है, उसको मतलब बेच सकता है या उसको इम्पोर्ट कर सकता है, ओके, इन दोज कंट्रीज इन विच यू यू ओन अ वैलिड पेटेंट, ओके, जहाँ पे आपको पेटेंट दिया गया है वहां पे आप ये वर्क कर सकते हो, फाइन। तो पेटेंट इज अ राइट
विच इज प्रोवाइडेड टू प्रोटेक्ट योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी योर टेक्निकल इन्वेंशन राइट. देन वी हैव द ट्रेडमार्क. ओके ट्रेडमार्क क्या है. द टर्म ट्रेडमार्क रेफर्स टू अ रिकॉग्नाइजेबल डिजाइन फ्रेज वर्क और सिंबल दैट डिनोट्स अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट एंड लीगली डिफरेंशिएट इट फ्रॉम ऑल अदर प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स काइंड. ट्रेडमार्क क्या होता है. एक सिंबल होता है. ओके या कुछ भी एक डिजाइन हो गई वर्ड हो गया फ्रेज हो गया सिंबल हो गया जो क्या होता है एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करता है. एक कंपनी के प्रोडक्ट को दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करता है. फाइन आ ट्रेडमार्क एक्सक्लूसिवली आइडेंटिफाइज अ प्रोडक्ट एज बिलोंगिंग टू अ स्पेसिफिक कंपनी. तो एक पर्टिकुलर कंपनी का ट्रेडमार्क उसको डिफरेंशिएट करता है दूसरी कंपनी के सेम प्रोडक्ट से. जैसे मिल्क है. मिल्क में भी बहुत सारी वैरायटीज आती हैं. फाइन तो एक जैसे अमूल का मिल्क है फिर मदर डेयरी है. तो सबके ट्रेडमार्क्स अलग होते हैं. जो क्या होता है उस मिल्क को क्या करते हैं डिफरेंशिएट करता है कि ये अमूल का मिल्क है ये मदर डेयरी का मिल्क है. ओके तो यहाँ पे ट्रेडमार्क क्या इज यूज फॉर डिफरेंशिएशन राइट एंड रिकॉग्नाइज द कंपनीज ओनरशिप ऑफ द ब्रांड. और ट्रेडमार्क की हेल्प से हम पता करते हैं कि किस ब्रांड का प्रोडक्ट है राइट. जैसे मैंने अभी आपको मिल्क का एग्जाम्पल दिया था ये अमूल का मिल्क है या मदर डेयरी का मिल्क है. ओके तो लाइक दिस. ओके तो दीज आर द डिफरेंट लॉज विच आर प्रोवाइडेड टू प्रोटेक्ट योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. ओके इनको बोला जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. कॉपी राइट पेटेंट ट्रेडमार्क तो ये क्या है आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है. फाइन प्लैगरिज्म क्या होता है. प्लैगरिज्म इज स्टीलिंग समवन एज इंटेलेक्चुअल वर्क. प्लैगरिज्म क्या होता है. किसी भी पर्सन के इंटेलेक्चुअल वर्क को स्टील करना चुरा लेना. इंटेलेक्चुअल वर्क मीन्स वो वर्क जो उसने अपनी क्रिएटिविटी से बनाया है अपने इंटेलेक्ट का यूज करके बनाया है अपने माइंड का यूज करके बनाया है. किसी पर्सन के वर्क को इंटेलेक्चुअल वर्क को स्टील कर लेना मतलब चुरा लेना उसको बोलते हैं हम लोग प्लेगरिज्म. तो इंटेलेक्चुअल वर्क क्या क्या हो सकता है. इट कैन बी एन आइडिया किसी का आइडिया. लिटरेरी वर्क. लिटरेरी वर्क क्या होता है. लिटरेरी वर्क लाइक बुक्स. किसी ने बुक्स लिखी है जर्नल्स न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स आर्टिकल्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स तो ये सब क्या है लिटरेरी वर्क. और एकेडमिक वर्क. किसी ने कुछ अपना एकेडमिक वर्क दिया है कुछ लेट अस सपोज एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बनाया है. या फिर कोई प्रेजेंटेशन दी है तो ये सब क्या है. ये क्या है. एक पर्सन ने अपने माइंड से क्रिएट किया है अपने इनोवेटिव आइडियाज की हेल्प से क्रिएट किया है. अगर हम किसी और के इंटेलेक्चुअल वर्क को स्टील कर लेते हैं ठीक है तो उसको क्या बोलते हैं प्लेगरिज्म बोलते हैं राइट. एंड रिप्रेजेंटिंग इट एज योर ओन वर्क विदाउट गिविंग क्रेडिट टू द क्रिएटर और विदाउट साइटिंग द सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन. तो अगर आप क्या करते हो किसी और के वर्क को अपना वर्क बनाकर प्रेजेंट कर देते हो और जिस पर्सन का वो इंटेलेक्चुअल वर्क है आप उसको कोई क्रेडिट नहीं देते हो ना ही आप ये साइट करते हो ये बताते हो ये रेफर करते हो कि ये इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिली है. फाइन समझ में आया. तो प्लेगरिज्म क्या है. प्लेगरिज्म इज स्टीलिंग ऑफ समवंस इंटेलेक्चुअल वर्क. इंटेलेक्चुअल वर्क जिस जो वर्क किसी ने अपने माइंड का अपने इंटेलेक्ट का यूज करके बनाया है जो वर्क किया है राइट. सो प्लेगरिज्म कैन बी क्लासिफाइड एज. प्लेगरिज्म को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं एक्सीडेंटल और अनइंटेंशनल प्लेगरिज्म. एंड सेकेंड इज डेलिब्रेट और इंटेंशनल प्लेगरिज्म राइट. तो फर्स्ट वी हैव एक्सीडेंटल और अनइंटेंशनल प्लेगरिज्म. वो प्लेगरिज्म जो आपने किया है आपने प्लेगरिज्म किया है मतलब आपने स्टील किया है बट एक्सीडेंटली किया है अनइंटेंशनली किया है आपको पता नहीं था बट आपसे हो गया. तो इसमें क्या आता है. इट इन्वॉल्व्स केयरलेस पैराफ्रेजिंग. पैराफ्रेजिंग क्या होता है. पैराफ्रेजिंग होता है आपने कहीं से कुछ भी कॉपी किया और आपने उसको अपने खुद के वर्ड्स में कन्वर्ट करके समझा दिया. लेट अस सपोज आपने इंटरनेट से कोई इन्फॉर्मेशन ली किसी ने इंटरनेट पे इन्फॉर्मेशन डाली थी आपने वो इन्फॉर्मेशन ली और आपने उसको अपने वर्ड्स में चेंज करके समझा दिया तो उसको बोलते हैं पैराफ्रेजिंग राइट. चेंजिंग द वर्ड्स और सेंटेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉपी डॉक्यूमेंट. आपने कोई भी डॉक्यूमेंट कॉपी किया उसके वर्ड्स को क्या किया चेंज कर दिया. उसके सेंटेंसेस को चेंज कर दिया
राइट, इसको बोलते पैराफ्रेजिंग। क्वोटिंग टेक्स एक्सेसिवली अलोंग विद पुअर डॉक्यूमेंटेशन। ओके, और आपने क्या किया, जो आपको कोर्स मिलते हैं, मतलब जो आपके, जैसे आपने क्या किया, कोई भी इंफॉर्मेशन कॉपी की, फाइन, उसके साथ आपने क्या किया, अपने खुद की डॉक्यूमेंटेशन, अपने खुद के रिटन मटेरियल को भी एड ऑन कर दिया, फाइन, आपने कुछ कॉपी पेस्ट कर लिया, कुछ अपना लगा दिया, तो क्या हुआ, मिक्स एंड मैच हो गया, मतलब मिक्स कर दिया आपने, कुछ इंफॉर्मेशन कहीं से उठाई, कुछ इंफॉर्मेशन कहीं से उठाई, और अपना खुद का डॉक्यूमेंटेशन भी उसमें यूज कर लिया, तो वो क्या हुआ, यू आर स्टीलिंग समवन एल्स आइडियाज, यू आर स्टीलिंग समवन एल्स इंटेलेक्चुअल वर्क हियर। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप एक्सीडेंटली ये सब कर रहे हो, अनइंटेंशनली ये सब कर रहे हो, तो ये कौन सा प्लेगरिज्म हो गया, ये हो गया एक्सीडेंटल और अनइंटेंशनल प्लेगरिज्म। ओके, नाउ वी हैव डेलिब्रेट और इंटेंशनल प्लेगरिज्म। इट इंक्लूड्स कॉपिंग समवन एल्स वर्क, कटिंग एंड पेस्टिंग ब्लॉक्स ऑफ टेक्स्ट और एनी काइंड ऑफ मीडिया। तो इसमें क्या है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डेलीबरेटली इंटेंशनली क्या कर रहे हैं, प्लैगरिज्म कर रहे हैं। हम जानते हैं कि दैट वी आर डूइंग रॉन्ग। ओके, हम किसी और के इंटेलेक्चुअल वर्क को स्टील कर रहे हैं, बट हम फिर भी उसको कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या है, वी आर कॉपिंग समवन एल्स वर्क, हम किसी और का वर्क पूरा का पूरा कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। कटिंग एंड पेस्टिंग ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट और एनी काइंड ऑफ मीडिया, हम क्या कर रहे हैं, किसी ने इंफॉर्मेशन, मान लो कोई आर्टिकल लिखा है या ब्लॉग पोस्ट किया है, हमने उसको क्या किया, कट और पेस्ट करके पूरा का पूरा एज इट इज अपने ब्लॉग में या अपने आर्टिकल्स में डाल दिया, ठीक है। एनी काइंड ऑफ मीडिया, हमने क्या किया, ऑडियो आया, ऑडियो स्टील कर लिया, ओके, उसको यूज कर लिया, वीडियो फाइल्स को यूज कर लिया, मूवी क्लिप्स को यूज कर लिया, तो ये क्या है, ये है डेलिब्रेट प्लेगरिज्म, राइट, इंटेंशनल प्लेगरिज्म। ओके, फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज विदाउट डॉक्यूमेंटिंग एंड एट सेम टाइम पब्लिशिंग इट ऑन द वेब। ओके, तो यहाँ पे क्या है, हम स्टील भी कर रहे हैं, ओके, और उसको एट द सेम टाइम हम पब्लिश भी कर रहे हैं, ओके, इंटरनेट पर, वर्ल्ड वाइड वेब पे हम उसको पब्लिश भी कर रहे हैं विदाउट द परमिशन ऑफ द डेवलपर्स एंड क्रिएटर्स। और जिसका वो रियल वर्क है, ओके, रियल पर्सन से परमिशन लिए बगैर हम ये सब काम कर रहे हैं, ठीक है। क्रिएटर्स से हम कोई परमिशन नहीं ले रहे हैं, डेवलपर्स से हम कोई परमिशन नहीं ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है डेलिब्रेट और इंटेंशनल प्लैगरिज्म। हियर वी नो दैट दैट वी आर डूइंग प्लैगरिज्म, राइट। नाउ हियर वी हैव सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्लैगरिज्म, एग्जाम्पल ऑफ सम कॉमन टाइप्स ऑफ प्लैगरिज्म, यूजिंग सम अदर ऑथर्स वर्क विदाउट गिविंग क्रेडिट टू द ऑथर। अब क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, कुछ ऑथर्स का वर्क क्या करते हैं, स्टील कर लेते हैं, ओके, और यहाँ पे उनको क्रेडिट नहीं देते कि ये किसी इस पर्टिकुलर ऑथर का है, ओके, किसी ऑथर का, किसी ने कुछ आर्टिकल लिखा है, कुछ बुक वर्क किया है, तो क्या करना, उसके वर्क को स्टील कर लेना, उसके वर्क को एज इट इज उठा के कॉपी पेस्ट कर देना विदाउट गिविंग क्रेडिट टू डेट पर्सन, फाइन, ओके। देन मॉडिफाइंग लिफ्टिंग समवन्स प्रोडक्शन सच एज म्यूजिक कंपोजिशन एक्सेट्रा विदाउट एट्रीब्यूटिंग इट टू द क्रिएटर ऑफ द वर्क, क्रिएटर ऑफ द वर्क, ओके। तो किसी का म्यूजिक कंपोजिशन है, वो आप वो स्टील कर लेना एज इट इज, उसको अपने मूवी में या अपने किसी वीडियोस में यूज कर लेना, ओके। और जिसका जो वो रियल जो प्रोडक्ट है, रियल म्यूजिक कंपोजिशन है, उसको कोई क्रेडिट नहीं देना, तो ये भी क्या है, प्लैगरिज्म है, ओके। नाउ गिविंग इनकरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज रॉन्गफुल साइटेशन, मतलब समटाइम्स क्या होता है, आप इंफॉर्मेशन का सोर्स बता रहे हो लेकिन वो करेक्ट नहीं है, आपने उसको इंफॉर्मेशन कहीं और से लिए, बट आप सोर्स कहीं और बता रहे हो, ओके। तो दिस इज ऑल्सो प्लैगरिज्म, राइट। फेलियर इन गिविंग क्रेडिट और एक्नोलॉजिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ अदर्स इन अ कोलेबोरेटिव इफर्ट टू विच यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ। अब मान लो कोई प्रोजेक्ट है, वो बहुत सारे, मान लो एक प्रोजेक्ट है जो चार लोगों ने मिलकर बनाया है, ठीक है, तो वहां पे क्या है, आप पूरा का पूरा क्रेडिट खुद ले जाओ कि ये सिर्फ मैंने क्रिएट किया है, ओके। फेलियर इन गिविंग क्रेडिट और एक्नोलेजिंग, और आप एक्नोलेज नहीं कर रहे हो कि इसमें बाकी तीन लोगों ने भी क्या किया है, उन्होंने भी अपना सपोर्ट दिया है, राइट। नाउ यूजिंग ग्राफ्स, चार्ट्स, फिगर्स और इमेजेस फ्रॉम अ सोर्स
विदाउट सेटिंग। तो समटाइम्स व्हाट हैपेंस, बच्चे क्या करते हैं कि ग्राफ, चार्ट, फिगर्स, इमेज, इन सबको क्या करते हैं अपने वर्क के लिए यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो ये सोर्स नहीं बताते कि या किस सोर्स से, कहाँ, किस वेबसाइट से उन्होंने इसको क्या किया है, कॉपी किया है। ओके, तो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्लेगरिज्म, राइट? कि आप कहीं से ग्राफ्स, चार्ट, फिगर्स या इमेजेस को क्या कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो एज इट इज, बट यू आर नॉट टेलिंग द सोर्स ऑफ द फ्रॉम बट यू आर नॉट टेलिंग द सोर्स फ्रॉम वेयर यू आर टेकिंग दीज ऑल दीज थिंग्स। ओके, नाउ नेक्स्ट, इनकॉर्पोरेटिंग अनदर राइटर्स वर्ड्स और फ्रेजेस विद इन अ लार्जर पैराफ्रेज विदाउट क्वोटेशन मार्क और साइटेशन। अगर आप किसी का एज इट इज वर्ड्स कॉपी करते हो तो क्या होता है, उसे क्वोटेशन मार्क्स में हमेशा आपको एनक्लोज करना चाहिए। ओके, तो जिससे ही पता चलता है कि हाँ ये किसी ने कहा है, ये किसी और, किसी ऑथर ने कहा है, किसी का वर्क है, राइट? तो यहाँ पे क्या है, इनकॉर्पोरेटिंग अनदर राइटर्स वर्ड्स और फ्रेसेस विद इन अ लार्ज पैराफ्रेज, मतलब आप खुद का एक क्या कर रहे हो, किसी चीज की एक्सप्लेनेशन कर रहे हो, फाइन, और वहां पे उस एक्सप्लेनेशन में आप क्या करते हो, दूसरे राइटर्स के वर्ड्स को यूज करते हो, उनके फ्रेसेस को यूज करते हो, लेकिन क्वोटेशन मार्क्स से उनको एनक्लोज नहीं करते हो, ना ही उनको रेफर करते हो कि ये इस पर्टिकुलर राइटर का की सेइंग है या इस पर्टिकुलर राइटर ने ये लिखा है। ओके, तो यहाँ पे क्या, दिस इज ऑल्सो अ प्लेगरिज्म। ओके, सो हियर वी हैव द डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ द प्लेगरिज्म की क्या क्या चीजें हैं जो क्या करते हैं, जिनकी वजह से प्लेगरिज्म होता है। ओके, किसी का वर्क स्टील कर लेना बट उसको क्रेडिट ना देना। ओके, म्यूजिक कंपोजिशन या आप सॉफ्टवेयर ले लो, सॉफ्टवेयर स्टील कर लेना। ओके, और उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके उसको डिफरेंट सॉफ्टवेयर बना के क्या करना, दोबारा से पब्लिश कर देना। ओके, सो हियर वी हैव दीज एग्जाम्पल ऑफ प्लेगरिज्म, राइट? ओके, नाउ वी हैव हाउ टू अवॉइड प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म को कैसे अवॉइड करें, प्लेगरिज्म शुड बी अवॉइडेड बाय द फॉलोइंग सिंपल मेजर्स। ओके, यूज योर ओन आइडियाज एंड वर्ड्स इंस्टेड ऑफ कॉपिंग एवरीथिंग फ्रॉम द इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट से सब कुछ कॉपी करने के बजाय आपको क्या करना चाहिए, अपने खुद की क्रिएटिविटी, खुद के इनोवेटिव माइंड को यूज करना चाहिए, खुद के आइडियाज, खुद के वर्ड से आपको को यूज करना चाहिए, राइट? इंस्टेड ऑफ कॉपिंग एवरीथिंग फ्रॉम द इंटरनेट, फाइन। नेक्स्ट, वी हैव ऑलवेज प्रोवाइड अ रेफरेंस और गिव क्रेडिट टू द सोर्स फ्रॉम वेयर यू हैव रिसीव्ड इन्फॉर्मेशन। अगर आपको जरूरत पड़ती है और आप कहीं से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए, आपको हमेशा उस पर्टिकुलर सोर्स को क्या करना चाहिए, क्रेडिट देना चाहिए, उसको साइट करना चाहिए, मतलब उसको रेफर करना चाहिए कि हाँ मैंने यहाँ से कॉपी किया, इस पर्टिकुलर वेबसाइट से किया है या इस पर्टिकुलर बुक से किया है, जो भी है वो आपको क्या करना चाहिए, उस पर्टिकुलर साइट या बुक को रेफरेंस देनी चाहिए, उसको क्रेडिट देना चाहिए, उस पर्टिकुलर ऑथर को क्रेडिट देना चाहिए, राइट? साइट द नेम ऑफ द वेबसाइट और यूआरएल और द नेम ऑफ द ऑथर्स एंड एक्नॉलेज देम इफ यू हैव यूज्ड देयर वर्क। सेम, अगर आप किसी वेबसाइट से कॉपी पेस्ट करें तो आपको उस वेबसाइट को रेफर करना चाहिए, उसका नेम आपको बताना चाहिए, उसका यूएल बताना चाहिए। ओके, या फिर आप किसी ऑथर का वर्क ले रहे हैं तो उस ऑथर को एक्नॉलेज करना चाहिए, मींस उसके बारे में बताना चाहिए। ओके, कि आई हैव टेकन दिस वर्क फ्रॉम दिस ऑथर्स बुक और दिस ऑथर्स जर्नल, वट एवर, राइट? नाउ यूज ऑनलाइन टूल्स टू चेक फॉर प्लेगरिज्म। अगर आप नहीं, आप अनइंटेंशनली प्लेगरिज्म कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप ना करें, तो आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन टूल्स की हेल्प ले सकते हो प्लेगरिज्म को चेक करने के लिए, फाइन। डेवलप योर राइटिंग स्किल्स और अपने राइटिंग स्किल्स को डेवलप करो, जिससे क्या होगा, आप खुद से लिखना स्टार्ट करोगे। ओके, इससे क्या होगा, आप लेस, द मोर यू विल स्टार्ट राइटिंग योर सेल्फ, लेस यू विल स्टील रिटन वर्क फ्रॉम इंटरनेट, फाइन। तो अपनी राइटिंग स्किल्स को आप डेवलप करो। स्टार्ट, ऑल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस रिक्वायर अ सॉफ्टवेयर लाइसेंस इन ऑर्डर टू रन। जितने भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होते हैं वो तभी रन करते हैं जब आप उसके जो उसका एक पर्टिकुलर लाइसेंस होता है उसके लिए एग्री करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन रिक्वायर्स, जितने भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो उनके लिए रिक्वायरमेंट होती है एक सॉफ्टवेयर लाइसेंस की इन ऑर्डर टू रन। उनको तभी आप चला सकते हो जब आप सॉफ्टवेयर लाइसेंस के लिए एग्री होते हो,
फाइन। अ सॉफ्टवेयर लाइसेंस इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। सॉफ्टवेयर लाइसेंस क्या होता है? एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, ओके, दैट गवर्न्स हाउ द सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड, जो ये बताता है कि सॉफ्टवेयर को कैसे यूज किया जा सकता है, ओके, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब उस सॉफ्टवेयर को आप कैसे यूज करेंगे और कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट आप कर सकते हैं, ओके। तो सॉफ्टवेयर लाइसेंस क्या है? एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो आपको एग्री करना पड़ता है इन ऑर्डर टू यूज द सॉफ्टवेयर, ओके। और ये लीगल डॉक्यूमेंट क्या बताता है कि आप सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करोगे और कैसे आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ओके। व्हेन यू डाउनलोड और इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, यू आर आस्क्ड टू एग्री टू द टर्म्स ऑफ अ लाइसेंस। जब भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो और इंस्टॉल करते हो, ठीक है, तो आपसे कहा जाता है कि आप सॉफ्टवेयर लाइसेंस के लिए अगर आप एग्री हो, देन यू आर एबल टू इंस्टॉल इट, अदरवाइज नॉट, ठीक है। आपने जब भी देखा होगा, जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो एक इन द एंड एग्रीमेंट का एक वो आता है पेज, ओके। उस पे आप एग्री के कॉलम पे आप जब टिक करते हो, तब आपका प्रोसेस क्या होता है? इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है, राइट, ओके। तो वो क्या होता है? सॉफ्टवेयर लाइसेंस होता है, राइट। सॉफ्टवेयर इज जनरली कॉपीराइट प्रोटेक्टेड। सॉफ्टवेयर क्या होता है? मोस्टली कॉपीराइट प्रोटेक्टेड होता है। कॉपीराइट मैंने आपको पहले वीडियोस में भी बताया। कॉपीराइट क्या होता है कि जिस पर्टिकुलर कंपनी ने, जिस पर्टिकुलर पर्सन ने उसे बनाया है, सिर्फ वही उसकी कॉपीज बना सकता है, कोई दूसरा पर्सन उसकी कॉपीज नहीं बना सकता, ओके। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? मोस्टली कॉपीराइट प्रोटेक्टेड होते हैं, अनलेस इट इज स्पेसिफिकली मेड अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन। जब तक कि वो ऐसे नहीं बनाए जाते, उन्हें स्पेसिफिकली ऐसे नहीं बनाया जाता कि पब्लिक के लिए वो अवेलेबल हो, ओके। तो क्या है? अनलेस इट इज स्पेसिफिकली मेड अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन, जब तक कि वो एग्री नहीं किया जाता, वो कंपनी जिसने सॉफ्टवेयर बनाया है वो खुद राइट्स नहीं देती पब्लिक को उसकी कॉपीज बनाने के लिए, फाइन। अ टिपिकल लाइसेंस ग्रांट्स अ यूजर परमिशन टू यूज वन और मोर कॉपीज ऑफ द सॉफ्टवेयर विदाउट कॉपी राइट इंफ्रिंजमेंट, ओके। जो एक टिपिकल लाइसेंस होता है वो क्या होता है? यूजर को परमिशन देता है कि वो एक या एक से ज्यादा, वन या उससे ज्यादा कॉपी सॉफ्टवेयर की यूज कर सकता है, ओके। सॉफ्टवेयर की कॉपीज यूज कर सकता है विदाउट कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट, मतलब कॉपीराइट का उल्लंघन किए बगैर वो एक या एक से ज्यादा कॉपी सॉफ्टवेयर की यूज कर सकता है। ये किसके थ्रू दिया जाता है? ये परमिशन दी जाती है सॉफ्टवेयर लाइसेंस के थ्रू, फाइन। द सॉफ्टवेयर लाइसेंस यूजली आंसर क्वेश्चन सच एज, जो सॉफ्टवेयर लाइसेंस के थ्रू आपको क्या क्या आंसर्स मिलते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन के आंसर मिलते हैं? कैन यू कॉपी, मॉडिफाई और रीडिस्ट्रीब्यूट अ सॉफ्टवेयर, क्या आप अब इस सॉफ्टवेयर को कॉपी कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो और रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, मतलब और लोगों में इसको अगेन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ओके। वेयर एंड हाउ मेनी टाइम्स कैन यू इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर, आप कितनी बार इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हो और कौन से सिस्टम पे, मतलब किस सिस्टम पे इंस्टॉल होगा, फाइन। यू कैन लुक एट द अंडरलाइंग सोर्स कोड, कैन यू लुक एट द अंडरलाइंग सोर्स कोड, क्या आप इसके सोर्स कोड को देख सकते हो, क्या वो आपके लिए अवेलेबल होगा? नाउ वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर लाइसेंस, ओके। सॉफ्टवेयर लाइसेंस कैन बी क्लासिफाइड इंटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया ऑफ देयर यूज, ओके। तो सॉफ्टवेयर लाइसेंस को बेसिकली हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, प्रोप्राइटरी लाइसेंसेस एंड फ्री एंड ओपन सोर्स लाइसेंसेस, ओके। इनकी किस क्राइटेरिया के ऊपर इनको डिवाइड किया गया है? इनके यूज के क्राइटेरिया पे, मतलब इनको हम कैसे यूज कर सकते हैं, राइट। एंड फर्दर फ्री एंड ओपन सोर्स जो लाइसेंसेस होते हैं वो डिवाइड होते हैं कॉपीलेफ्ट लाइसेंस एंड परमिसिव लाइसेंस, ओके। डेट वी विल डू वन बाय वन, ओके। लेट अस स्टार्ट विद प्रोप्राइटरी लाइसेंस, ओके। फर्स्ट वी हैव प्रोप्राइटरी लाइसेंस। इन प्रोप्राइटरी लाइसेंसेस एक्सक्लूसिव राइट्स इन द सॉफ्टवेयर आर रिटेन विद द ओनर और डेवलपर और पब्लिशर, ठीक है। तो प्रोप्राइटरी जो लाइसेंस होते हैं, ओके, उसमें क्या होता है? जो सॉफ्टवेयर के जितने भी राइट्स होते हैं वो किसके पास रहते हैं? वो जिस जो सॉफ्टवेयर का ओनर होता है या सॉफ्टवेयर का डेवलपर होता है या पब्लिशर होता है उसके पास होते हैं। मतलब सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सारे के सारे राइट अगर प्रोप्राइटरी लाइसेंस है, सॉफ्टवेयर
सॉफ्टवेयर का, तो उसके सारे के सारे राइट किसके पास रहते हैं? ओनर ऑफ द सॉफ्टवेयर, जो उसका मालिक है सॉफ्टवेयर का, जिसने डेवलप किया है उसके पास होते हैं सारे राइट्स। ओके, दे रिजर्व ऑल द फ्रीडम्स एंड राइट्स टू यूज एंड डिस्ट्रीब्यूट दीज प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। ओके, तो जिसने सॉफ्टवेयर बनाया है, जिस कंपनी ने बनाया है या जिस पर्सन ने बनाया है, उसके ही पास सारी की सारी राइट्स और सारे के सारे फ्रीडम होते हैं कि कैसे सॉफ्टवेयर को यूज किया जाएगा। ओके, और कैसे सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ओके, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इज ओन्ड बाय इट्स ओनर, यूजली अ लार्ज कंपनी लाइक गूगल और माइक्रोसॉफ्ट। ओके, तो क्या कह रहा है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर ओन किए जाते हैं, ओनर मतलब टोटली किसके होते हैं, उसके ओनर के होते हैं। जैसे कि बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, राइट? तो इनके सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इनके सॉफ्टवेयर के जितने भी राइट्स है वो सारे इनके इनके पास ही रिटेन होते हैं, मतलब इनके पास ही होते हैं। ओके, द ओनर और द पब्लिशर ऑफ द सॉफ्टवेयर विल होल्ड द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स टू दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। तो जितने भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, ओनर के पास होते हैं। ओके, कोई और उनकी प्रॉपर्टी को, उनके सॉफ्टवेयर को क्या कर सकता है, मॉडिफाई नहीं कर सकता, रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, कोई चेंज नहीं कर सकता उनके सॉफ्टवेयर में, फाइन? और उनको सॉफ्टवेयर को रीयूज नहीं कर सकता। ओके, ओनली दे आर अलाउड टू चेंज द सोर्स कोड ऑफ द सॉफ्टवेयर। सिर्फ और सिर्फ कंपनी, जो जिस कंपनी ने सॉफ्टवेयर बनाया है, जो ओनर है सॉफ्टवेयर का, सिर्फ वही उसके सोर्स कोड को चेंज कर सकता है, कोई और उसके सोर्स कोड को चेंज नहीं कर सकता, फाइन? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इज सॉफ्टवेयर दैट इज सोली ओन्ड बाय द इंडिविजुअल और द ऑर्गेनाइजेशन दैट डेवलप इट। अभी मैंने आपको बताया प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, जो कंप्लीटली किसके अंडर होते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने या जिस इंडिविजुअल ने उसको बनाया है। ओके, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर एज द नेम सजेस्ट आर एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ देयर क्रिएटर्स और पब्लिशर्स, एंड एनी वन आउटसाइड द कम्युनिटी आर नॉट अलाउड टू यूज, मॉडिफाई, कॉपी और डिस्ट्रीब्यूट मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर। ओके, तो ये कंप्लीटली क्या होते हैं, ओनर के अंडर होते हैं, जिन्होंने डेवलपर के अंडर होते हैं जिन्होंने इसको बनाया है। ओके, कोई और इसको ना तो यूज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, ना ही इसकी कॉपी बना सकता है, ना ही को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, फाइन? और ना ही इसका कोई मॉडिफाइड वर्जन बना के डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। ऐसा नहीं कर सकता उससे मिलता जुलता वर्जन बनाए उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे, नो, ऐसा भी नहीं हो सकता। ओके, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड एडोब फोटोशॉप आर एग्जांपल्स ऑफ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड एडोब फोटोशॉप एग्जाम्पल्स है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के। ओके, जो कम्प्लीटली ओनर के अंडर है। ओके, कोई और कंपनी या कोई और डेवलपर उसको रीयूज नहीं कर सकता, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। ओके ओके, नाउ सेकंड वन इज फ्री एंड ओपन सोर्स लाइसेंस। द फ्री एंड ओपन सोर्स लाइसेंस ऑफ अ सॉफ्टवेयर गिव्स यूजर द राइट टू मॉडिफाई एंड डिस्ट्रीब्यूट द सॉफ्टवेयर। अगर किसी सॉफ्टवेयर को फ्री एंड ओपन सोर्स लाइसेंस मिला हुआ है, ओके, तो उसके यूजर्स को ये राइट मिल जाता है कि वो उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं और उस सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, फाइन? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एज द नेम सजेस्ट इज सॉफ्टवेयर फॉर विच द सोर्स कोड इज रिलीज्ड। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं, ओके, जिनका सोर्स कोड, मतलब जिनकी जो कोडिंग होती है वो पब्लिक के लिए रिलीज कर दी जाती है। पब्लिक इजिली उसको देख सकती है कि ये सॉफ्टवेयर कैसे बनाया गया है, इसके फ्रंट एंड में कौन सी कोडिंग की गई है, इसके बैक एंड में कौन सी कोडिंग की गई है, राइट? दिस मीन्स दैट द यूजर कैन लुक एट एग्जैक्टली हाउ द सॉफ्टवेयर वॉज क्रिएटेड यूजिंग वन और मोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका क्या मीनिंग है कि यूजर देख सकते हैं कि इस सॉफ्टवेयर को कैसे बनाया गया है, ठीक है, कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया गया है इसको बनाने में। ओके, दिस इज डन ऑन पर्पज सो डेट एनी वन कैन बेनिफिट फ्रॉम यूजिंग द कोड। और ये इसलिए किया जाता है कि इसको कोई भी यूज कर सके, इसके कोड को कोई भी यूज कर सके, उसे कोई भी बेनिफिट ले सके। ओके, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज टिपिकली फ्री टू यूज। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जो बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल होते हैं यूज करने के लिए। ओके, विच हैज लेड टू द यूज ऑफ द टर्म फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसलिए इनको फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी कहा जा सकता है। ओके, फोर्स
फोर्स मीन्स फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, फाइन। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज फोर्स? तो यू शुड नो व्हाट इज फोर्स, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, राइट। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज ओपन डेवलप्ड इन अ कोलैबोरेटिव मैनर। ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो मोस्टली कोलैबोरेटिव मैनर्स में डेवलप किए जाते हैं। कोलैबोरेटिव मैनर्स मीन्स बहुत सारे लोग या बहुत सारी कंपनी, एक से ज्यादा कंपनीज मिलकर उनको डेवलप करेगी, या एक से ज्यादा इंडिविजुअल मिलके एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे, ओके। वे मेनी यूजर्स कंट्रीब्यूट टू ऑन गोइंग इम्प्रूवमेंट। यहाँ पे यूजर्स भी इसके इम्प्रूवमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, फाइन। Typically, a user community maintains a website where the latest version of the software can be obtained and where users can share ideas on how to use and improve the software. ओके तो टिपिकली क्या होता है, जो यूजर कम्युनिटी होती है वो एक वेबसाइट मेंटेन की जाती है जहाँ पे सॉफ्टवेयर के लेटेस्ट वर्जन को शेयर किया जाता है, ओके। वहाँ से यूजर्स क्या करते हैं, उसमें अपने आइडियाज को शेयर कर सकते हैं कि कैसे इसको यूज किया जाए और कैसे इस सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव किया जाए, ओके। सो इन दिस वे दे कैन शेयर देयर आइडियाज, दे कैन शेयर देयर नॉलेज विद द कंपनीज ऑफ द सॉफ्टवेयर, ठीक है, जिस जो कंपनीज वो सॉफ्टवेयर बना रही है, फाइन। लिब्रे ऑफिस एंड जीएनयू इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम आर एग्जांपल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ये यहाँ पे ये दो एग्जांपल दिए गए हैं, ठीक है, जो क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिनको जो फ्रीली अवेलेबल है और आप जिसके सोर्स कोड में चेंजेस कर सकते हैं, फाइन। ओके, नाउ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लाइसेंस इज फर्दर कैटेगराइज एज, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लाइसेंस को हम फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं परमिसिव लाइसेंस में एंड कॉपी लेफ्ट लाइसेंस में, फाइन। बोथ कॉपी लेफ्ट एंड परमिसिव लाइसेंसेस अलाउ यूजर्स टू कॉपी, मोडिफाई एंड रीडिस्ट्रीब्यूट कॉपी फ्रीली। अब ये दोनों लाइसेंस क्या करते हैं, दोनों अलाउ करते हैं यूजर्स को कॉपी कर सॉफ्टवेयर की कॉपी कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर को रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, ओके, उसके कोड को रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हाउएवर द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू लाइज इन द डिग्री ऑफ रेस्ट्रिक्टिवनेस रिगार्डिंग देयर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो परमिसिव और कॉपीलेफ्ट लाइसेंस किसके पार्ट है, मतलब कि वो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के। तो ये दोनों सॉफ्टवेयर सॉरी ये दोनों लाइसेंस क्या प्रोवाइड करते हैं कि आप सॉफ्टवेयर को कॉपी भी कर सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो, उसे उसके कोड को रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो, ओके। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस है कि डिग्री ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, मतलब कौन सा लाइसेंस कितने रेस्ट्रिक्शंस लगाता है, फाइन। तो अब हम देखेंगे, ओके, व्हेन वन मॉडिफाइज अ कॉपी लेफ्ट सॉफ्टवेयर, अगर किसी सॉफ्टवेयर ने कौन सा लाइसेंस, सॉफ्टवेयर का कौन सा लाइसेंस है, कॉपी लेफ्ट लाइसेंस, ठीक है। व्हेन वन मॉडिफाइज अ कॉपी लेफ्ट सॉफ्टवेयर, वन इज ऑब्लिगेटेड टू कीप देयर न्यू अल्टर्ड कोड अंडर ओपन सोर्स सो इट कैन बी पब्लिकली अवेलेबल, ठीक है। तो अगर किसी सॉफ्टवेयर के पास क्या है, कॉपी लेफ्ट लाइसेंस है और कोई भी इंडिविजुअल उसको मॉडिफाई करता है, तो वन इज ऑब्लिगेटेड टू कीप देयर न्यू अल्टर्ड कोड। तो वो इंडिविजुअल करेगा क्या करेगा, जो भी कोड उसने अल्टर्ड किया है, मॉडिफाई किया है, वो उसको भी पब्लिकली अवेलेबल कराएगा, फाइन, ओके। कॉपी लेफ्ट सॉफ्टवेयर जो है उसमें जो भी मॉडिफिकेशन होगा, या वो कंपनी करती है या कोई पर्सन करता है, वो उसका मॉडिफाइड वर्जन भी पब्लिक में क्या करेगा, फ्रीली अवेलेबल कराएगा और उसे पब्लिक करेगा, फाइन। द मेन आइडिया बिहाइंड अ कॉपी लेफ्ट लाइसेंस इज दैट इफ अ यूजर इज यूजिंग एनी फ्री कंटेंट, ओके, देन एनीथिंग दैट इज मेड आउट ऑफ इट शुड बी फ्री एज वेल। तो इसका इसके पीछे कॉपी लेफ्ट जो लाइसेंस है उसका क्या आइडिया है, उस लाइसेंस का ये आइडिया है कि अगर कोई यूजर यूज कर रहा है फ्री कंटेंट, ओके ओके, एंड देन एनीथिंग दैट इज मेड आउट ऑफ इट, और उस फ्री कंटेंट से वो कुछ और बना रहा है, ओके, तो जो उसने मॉडिफाइड वर्जन बनाया है वो भी पब्लिकली फ्री होना चाहिए, ओके। तो इसमें कॉपी लेफ्ट सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर है, उसको कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी मॉडिफाई कर सकता है, लेकिन अगर मॉडिफाइड जो सॉफ्टवेयर बनता है वो भी पब्लिकली अवेलेबल होना चाहिए, फाइन। एग्जाम्पल ऑफ कॉपी लेफ्ट लाइसेंस इंक्लूड, जो कॉपी लेफ्ट लाइसेंस के एग्जाम्पल्स है, जर्नल पब्लिक लाइसेंस, ओके, क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस, लेसर जर्नल पब्लिक लाइसेंस, मोजिला पब्लिक लाइसेंस। तो ये सारे क्या है, ये कॉपी लेफ्ट लाइसेंसेस है, फाइन।
Whereas, when one modifies a permissive software, there is no such restriction except to give credit to the original work. लेकिन अगर किसी सॉफ्टवेयर के पास क्या है, परमिसिव लाइसेंस है, तो वो सॉफ्टवेयर क्या हो गया, परमिसिव सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो अगर कोई भी कंपनी या पर्सन परमिसिव सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करता है, तो उसके ऊपर ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो मॉडिफाइड वर्जन को पब्लिकली अवेलेबल कराए। वो ओरिजिनल वर्क को क्रेडिट तो देगा, मतलब कि ये मैंने इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में ही चेंजेस किए हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मॉडिफाइड वर्जन उसने बनाया है वो पब्लिक को अवेलेबल कराए। द यूजर हैज द फ्रीडम टू यूज द अल्टर्ड कोड हाउ एवर वन विशेष टू। जिस पर्सन ने उस कोड को एल्टर किया है, मॉडिफाइड वर्जन बनाया है, वो उसकी विश है कि वो उसे कैसे यूज कर सकता है, ठीक है। वन ऑल्सो हैज द फ्रीडम टू मेक इट प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। अगर वो चाहता है कि जो एल्टर्ड, जो मॉडिफाइड वर्जन उसने बनाया है, वो उसे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर बना दे, तो वो उसको प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर भी बना सकता है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिसमें सारे राइट्स ओनर के पास होते हैं, तो वो क्या होगा, अगर मॉडिफाइड वर्जन को अपने अंडर लेना चाहता है तो उसको ले सकता है। फाइन, तो कॉपी लेफ्ट और परमिसिव सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस हो गया। कॉपी लेफ्ट में क्या होगा, अगर कोई यूजर से यूज करता है, मॉडिफाई करता है, तो मॉडिफाइड वर्जन पब्लिक में अवेलेबल कराना पड़ेगा, ठीक है। परमिसिव सॉफ्टवेयर में क्या है, अगर पर्सन उसका, कोई भी कंपनी या इंडिविजुअल उसका मॉडिफाइड वर्जन बनाता है, तो उसके ऊपर डिपेंड है कि वो उसे पब्लिक में अवेलेबल कराए या नहीं कराए। अगर वो कराना चाहता है तो वो पब्लिकली अवेलेबल करा सकता है, अगर नहीं कराना चाहता तो उस मॉडिफाइड वर्जन को प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर भी बना सकता है, मतलब उसके सारे राइट्स अपने अंडर ले सकता है। फाइन, तो परमिसिव लाइसेंस इंक्लूड करता है अपाची W3C, ठीक है। नाउ ड्यू टू द ऑप्शन ऑफ टर्निंग एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इन टू प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, परमिसिव सॉफ्टवेयर इज यूजली प्रेफर्ड बाई कंपनीज ओवर अ कॉपी लेफ्ट सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे क्या है, इस ऑप्शन की वजह से कि हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो क्या होता है, परमिसिव सॉफ्टवेयर इज यूजली, तो कंपनीज किसको प्रेफर करती है, परमिसिव सॉफ्टवेयर को प्रेफर करती है, क्योंकि उनके पास इसका बेनिफिट है। वो क्या करेंगे, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करके परमिसिव बना देंगे, एक कंप्लीटली अपने अंदर ले लेंगे, तो दे विल गेट द बेनिफिट। तो मोस्टली किसको प्रेफर करते हैं, वो परमिसिव सॉफ्टवेयर को प्रेफर करते हैं कंपनीज, ठीक है। ओके, ओवर द कॉपीलेफ्ट सॉफ्टवेयर दे कैन एक्सप्लॉइट फॉर देयर कमर्शियल पर्पसेस विदाउट हैविंग टू डिस्क्लोज देयर अल्टर्ड कोड। तो जब परमिसिव सॉफ्टवेयर बन जाएगा तो क्या होगा, वो क्या कर देंगे, उसको कॉपीराइट उसका अपने अंडर ले लेंगे, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, जो कंपनीज होती है वो किसको प्रेफरेंस देती है, वो परमिसिव लाइसेंस को प्रेफरेंस देती है, परमिसिव सॉफ्टवेयर को प्रेफरेंस देती है। नाउ वी हैव सम ब्रॉडली यूज लाइसेंस। तो यहाँ पे हम कुछ लाइसेंस को पढ़ेंगे जो बहुत कॉमनली यूज होते हैं। फाइन, देन फर्स्ट वी हैव क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस। इट हैज फोर बेसिक पार्ट्स, इसके फोर बेसिक पार्ट्स हैं। सबसे पहले है एक्रीडेशन ऑथर। एक्रीडेशन क्या होता है, मतलब एक पर्सन है उसको एक्नॉलेज किया जाए, उसके बारे में बताया जाए, जिसने कोई भी अचीवमेंट किया है या उसने कुछ भी बनाया है। फाइन, ऑथर मस्ट बी एक्नॉलेज एज द क्रिएटर ऑफ द वर्क। जो भी क्रिएटर है वर्क का, जिसने जो भी क्रिएट किया है, उसको एक्नॉलेजमेंट दिया जाए, उसको एक पहचान दी जाए, मतलब उस द वर्क कैन देन बी मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूटेड कॉपीड एंड यूज्ड अदरवाइज। मतलब आप उस वर्क को मॉडिफाई भी कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो, उसकी कॉपी भी बना सकते हो, उसको अलग तरीके से यूज भी किया जा सकता है, लेकिन आपको ये सब अपने नाम से नहीं, सिर्फ उस पर्सन के या उस कंपनी के नाम से ही करना होगा जिसने वो पर्टिकुलर वर्क किया है, उसको आपको पहचान देनी होगी, उसको एक्नॉलेज करना होगा। आप ये नहीं कह सकते कि मान लो एक सॉफ्टवेयर बनाया किसी कंपनी के, नहीं आपने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, कह दिया ये सॉफ्टवेयर मैंने बनाया है, नहीं। अगर क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस है तो आपको आप उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो, ठीक है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, उसको कॉपी भी कर सकते हो, लेकिन आपको ये बताना होगा कि ये जो मॉडिफाइड वर्जन है, इसका ओरिजिनल वर्जन इस पर्टिकुलर कंपनी ने बनाया था। फाइन, देन यू हैव सेकेंड पॉइंट, शेयर्ड विद सीसी।
द वर्क कैन बी मॉडिफाइड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बट ओनली अंडर द सीसी लाइसेंस। आप उस वर्क को मॉडिफाई भी कर सकते हो और उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो, लेकिन उसका लाइसेंस क्या रहेगा, उसका क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस ही रहेगा, कोई दूसरा लाइसेंस आप उसमें अप्लाई नहीं कर सकते, राइट? ओके, नॉन कमर्शियल वर्क कैन बी मॉडिफाइड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बट नॉट फॉर कमर्शियल पर्पसेस। आप वर्क को मॉडिफाई भी कर सकते हो, ओरिजिनल वर्क को मॉडिफाई भी कर सकते हो, उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो, ओके, लेकिन कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं कर सकते। कमर्शियल पर्पस के लिए मींस आप अपने फायदे के लिए उसको मॉडिफाई करके उसको सेल नहीं कर सकते, ओके, आप उसको फ्रीली अवेलेबल ही कराओगे, फाइन, उसको कमर्शियल पर्पस के लिए यूज नहीं किया जा सकता, आप उससे बेनिफिट नहीं उठा सकते, आप उसे मनी नहीं अर्न कर सकते, फाइन। नो डेरिवेटिव वर्क, यू कैन कॉपी एंड डिस्ट्रीब्यूट द लाइसेंस्ड वर्क बट यू कांट मॉडिफाई इट इन एनी वे और क्रिएट वर्क बेस्ड ऑन द ओरिजिन। ओके, आप उसकी कॉपी बना सकते हो, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है, जो भी सॉफ्टवेयर के पास क्या है, क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस है, ओके, डिस्ट्रीब्यूट द लाइसेंस वर्क बट यू कांट मॉडिफाई इट इन एनी वे और क्रिएट वर्क बेस्ड ऑन द ओरिजिन। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, लेकिन आप क्या नहीं कर सकते, उसके डेरिवेटिव्स नहीं बना सकते। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, उसकी मतलब उसकी नेक्स्ट डेरिवेटिव्स मींस बेसिकली क्या होता है, इट इज लाइक द नेक्स्ट जनरेशन, ओके, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको आपने दूसरे से ड्राइव किया है, मतलब एक जिसके सोर्स कोड से आपने दूसरा सोर्स कोड बनाया है, ओके, तो आप उसके दूसरे डेरिवेटिव्स नहीं क्रिएट कर सकते। तो ये सारे के सारे फीचर्स किसके हैं, क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस सॉफ्टवेयर के हैं, फाइन। ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके पास कौन सा लाइसेंस है, क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस, फाइन। नेक्स्ट वी हैव जर्नल पब्लिक लाइसेंस, जीपीएल। ओके, तो क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस एंड जर्नल पब्लिक लाइसेंस हमारे कौन से लाइसेंस हैं, हमारे ये हैं कॉपी लेफ्ट लाइसेंसेस, फाइन। ये किसके एग्जांपल है, कॉपी लेफ्ट लाइसेंसेस के एग्जांपल हैं, ओके, सो इट हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉपिंग द सॉफ्टवेयर, देयर इज नो लिमिट टू कॉपिंग द कोड, यू कैन कॉपी इट ऑन योर ऑन सर्वर, ऑन योर लोकल वर्क स्टेशन, एनी वेयर, एज मेनी टाइम्स एज यू वॉन्ट, ओके। तो इसकी सॉफ्टवेयर, इस सॉफ्टवेयर की हम कितनी भी कॉपीज बना सकते हैं, इसके कोड की कितनी भी कॉपीज बना सकते हैं, इसको हम अपने सर्वर पे कॉपी कर सकते हैं, इसे वर्क लोकल जो वर्क स्टेशन होते हैं उन पे कॉपी कर सकते हैं, इसको हम कहीं पर भी कॉपी कर सकते हैं, और जितने टाइम चाहे उतने टाइम इस सॉफ्टवेयर को कॉपी कर सकते हैं, ओके, जिस सॉफ्टवेयर के पास क्या है, जनरल पब्लिक लाइसेंस है, ओके। देन डिस्ट्रीब्यूशन, यू कैन डिस्ट्रीब्यूट इट इन योर थंब और हार्ड ड्राइव, हम इसको अपने पेन ड्राइव, थंब ड्राइव, हार्ड ड्राइव में शेयर कर सकते हैं। यू कैन डिस्ट्रीब्यूट द कोड अंडर दिस लाइसेंस विद अ डाउनलोड लिंक ऑन योर वेबसाइट, आप इस सॉफ्टवेयर को अपनी वेबसाइट पे भी शेयर कर सकते हो इस सॉफ्टवेयर का लिंक, फाइन, और यू कैन प्रिंट द कोड ऑन द पेपर, इसके कोड को आप पेपर पे प्रिंट भी करा सकते हो, इनफैक्ट वॉट एवर फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यू प्रेफर, तो आप किसी भी तरीके से इस सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, फाइन। चार्ज अ फी, यू कैन चार्ज समवन फॉर द सॉफ्टवेयर बट रिमेंबर टू गिव देम अ कॉपी ऑफ द जीपीएल लाइसेंस। आप इवन इसको अगर दूसरे को देने, अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करें और आप इसके लिए कुछ अमाउंट चाहते हो, कुछ चार्ज करना चाहते हो, तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन आपको इसकी जीपीएल लाइसेंस की कॉपी भी देनी पड़ेगी सॉफ्टवेयर के साथ, फाइन, विच वुड टेल देम दैट दे कुड गेट द सॉफ्टवेयर फ्री फ्रॉम एल्सवेयर। और इस लाइसेंस से जो इंडिविजुअल उसको बाय कर रहा है, वो उसको पता चल सकता है कि ये फ्रीली अवेलेबल है और वो कहीं और से इसको फ्रीली खरीद सकता है, इंस्टेड ऑफ गिविंग यू चार्ज, ओके। दिस ऑल्सो गिव यू अ चांस टू टेल देम वाई यू आर चार्जिंग फॉर इट। और ये आपको इस लाइसेंस के थ्रू आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आप जो चार्ज ले रहे हो वो आप किस लिए ले रहे हो, फाइन, जो अमाउंट आप लेना चाहते हो वो क्यों लेना चाहते हो, ओके। नेक्स्ट लाइसेंस इज अपाची लाइसेंस, इट ऑफर्स द फॉलोइंग सेलियंट फीचर्स, ओके। अपाची लाइसेंस के फीचर्स क्या क्या है, राइट्स आर नेवर एंडिंग, Once the rights under Apache license have been granted, you can continue to use them forever. There is no need to renew them. एक बार आपको इस अपाची लाइसेंस मिल जाता है, ठीक है, तो आप उस लाइसेंस को हमेशा यूज कर सकते हैं, आप उसको कभी भी आपको रीयूज करने की जरूरत नहीं है, ओके। तो ये जो हमारा जो सीसी लाइसेंस था और जीपीएल लाइसेंस था, वो कौन से थे, वो कॉपी लेफ्ट लाइसेंस थे, और अपाची लाइसेंस क्या है, अपाची लाइसेंस हमारा परमिसिव लाइसेंस है। तो अपाची लाइसेंस आपको एक बार लेना है, और एक बार आप आपको लेना पड़ेगा, और आपको इसको, आप उसको हमेशा यूज कर सकते हैं, आपको उसको रिन्यू कराने की जरूरत नहीं होती, फाइन। वर्ल्ड वाइड
अथॉरिटी ऑफ राइट्स, इवन इफ राइट्स आर ग्रांटेड टू वन कंट्री ऑटोमेटिकली दे आर कंसीडर्ड एज ग्रांटेड टू ऑल कंट्रीज। फाइन, आपने एक कंट्रीज में उस सॉफ्टवेयर के जो राइट्स लिए हैं वो ऑटोमेटिकली आप वो क्या होते हैं, वो सारे कंट्रीज में वो राइट्स आप यूज कर सकते हो, सेम राइट्स आप वर्ल्ड वाइड आप यूज कर सकते हो। ओके, इवन इफ राइट्स आर ग्रांटेड, अगर आप एक कंट्री में आपको वो राइट्स दिए गए हैं, ऑटोमेटिकली दे आर कंसीडर्ड एज ग्रांटेड टू ऑल कंट्रीज। तो उनको ऐसे कंसीडर किया जाता है कि आप वो राइट्स किसी भी कंट्री में यूज कर सकते हो, उस सॉफ्टवेयर के राइट्स। फाइन, राइट्स फॉर नो फी और रॉयल्टी। फाइन, तो रॉयल्टी क्या होती है, अ सम पेड टू अ पेटेंटी फॉर द यूज ऑफ अ पेटेंट, ओके, और टू एन ऑथर और कंपोजर ऑफ ईच कॉपी ऑफ अ बुक। तो ये क्या है, जो रॉयल्टी क्या होती है, एक एक सम, एक अमाउंट जो दिया जाता है, ठीक है, किसी कंपोजर को या ऑथर को। फाइन, तो आपको ऐसी कोई फी या ऐसी कोई रॉयल्टी नहीं देनी है। ओके, एनी चार्ज, नाइदर अपफ्रंट, अपफ्रंट क्या होता है, एडवांस में, ओके, ना तो आपको एडवांस में देना है, ना ही उसके यूज करने के बाद देना है, नॉर पर यूसेज, ना ही यूसेज पे देना है, और एनी अदर बेसिस ऑफ इज एप्लीकेबल। आपको किसी इस लाइसेंस के लिए किसी तरह का कोई चार्ज नहीं देना है, ना ही एडवांस में देना है, ना ही उसके यूसेज पे देना है। फाइन, तो आपको कोई भी इसको आपको राइट्स मिलते हैं, आप किसी तरह की कोई भी फी या रॉयल्टी इसके लिए पे नहीं करेंगे। फाइन, कॉपीराइट रेफर्स टू द लीगल राइट ऑफ द ओनर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो कॉपीराइट क्या है, एक लीगल राइट है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ओनर को दिया जाता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, जो कोई भी पर्सन अपने इंटेलेक्ट की हेल्प से क्रिएट करता है, अपने माइंड की, अपने आइडियाज की हेल्प से क्रिएट करता है, कोई भी पर्सन, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। राइट, इन सिंपलर टर्म्स कॉपीराइट इज द राइट टू कॉपी। बेसिकली ये क्या है, कॉपीराइट एक राइट है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कॉपी करने के लिए दिया जाता है। मींस हु कैन कॉपी दैट प्रॉपर्टी, कौन उस प्रॉपर्टी को कॉपी कर सकता है। फाइन, दिस मींस दैट द ओरिजिनल क्रिएटर्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड एनीवन दे गिव ऑथोराइजेशन टू आर द ओनली वंस विद द एक्सक्लूसिव राइट टू रिप्रोड्यूस द वर्क। कॉपीराइट वो राइट है जो ये निश्चित करता है, ये एंश्योर करता है कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है किसी भी इंडिविजुअल की या ऑर्गेनाइजेशन की, जो उसका ओरिजिनल क्रिएटर है, सिर्फ वही पर्सन या सिर्फ वही ऑर्गेनाइजेशन उसकी कॉपीज क्रिएट कर सकती है, या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन जिसको रियल क्रिएटर ने ऑथोराइजेशन दी है ऐसा करने की, ठीक है, ऐसा करने के लिए ऑथोराइज किया है कि यू कैन क्रिएट द कॉपी ऑफ माई वर्क। फाइन, ओके, तो ये क्या है, इट इज द एक्सक्लूसिव राइट टू रिप्रोड्यूस द वर्क, ओनली द रियल क्रिएटर्स ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैन रिप्रोड्यूस इट। वो उसकी कॉपीज बना सकते हैं, उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल जिसको ऑथोराइजेशन दी गई है रियल क्रिएटर्स के द्वारा। ओके, वर्क्स कवर्ड बाय कॉपीराइट रेंज फ्रॉम बुक्स। अब इसके अंदर कौन कौन से वर्क आते हैं, वो सारे वर्क आते हैं जो एक इंटेलेक्चुअल जो एक इंटेलेक्ट को यूज करके बनाए गए हैं, जैसे बुक लिखना, ओके, म्यूजिक क्रिएट करना, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, फिल्म्स, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, डेटाबेसेस, एडवर्टाइजमेंट्स, मैप्स एंड टेक्निकल ड्राइंग्स एक्सेट्रा। फाइन, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के। फाइन, कॉपीराइट लॉ ग्रेंट्स राइट टू कंट्रोल द रिप्रोडक्शन। ये जो कॉपीराइट लॉ है वो कौन कौन से राइट्स देता है कि जो रियल क्रिएटर्स है वो कंट्रोल कर सकता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मींस अपनी प्रॉपर्टी का जो उसने क्रिएट किया है उसका रिप्रोडक्शन, मतलब दैट इंडिविजुअल द रियल क्रिएटर और द ऑर्गेनाइजेशन कैन रिप्रोड्यूस इट, नो वन एल्स। ओके, मेकिंग डेरिवेटिव वर्क, मतलब उस रियल वर्क में से और उसके उसकी कॉपीज क्रिएट करना, उसके उसमें से डेरिवेटिव, डेरिवेटिव क्या होता है, ड्राइव करके बनाना, एक रियल चीज में से ड्राइव करके दूसरी चीज को बनाना। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पब्लिक परफॉर्मेंस, रियल वर्क की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, उसकी पब्लिक परफॉर्मेंस और उसको पब्लिकली कैसे डिस्प्ले करना है, ये सारे के सारे राइट्स किसके होते हैं, रियल क्रिएटर्स के होते हैं। ओके, इन इंडिया ओरिजिनल ओनर्स
आर प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट लॉस ऑल ऑफ देयर लाइव्स प्लस 60 मोर ईयर्स आफ्टर देयर डेथ। तो इंडिया में क्या है, जो भी कॉपीराइट लॉ क्या करते हैं, लेते हैं अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए, वो उनकी थ्रू आउट लाइफ कंसीडर होती है, इवन उनकी डेथ के बाद भी 60 मोर ईयर्स तक वो रहती है। फाइन, तो इंटेलेक्चुअल जो सॉरी कॉपीराइट है वो क्या है, एक ऐसा राइट है जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है। फाइन, नाउ वी हैव हाउ कॉपीराइट वर्क्स, कॉपीराइट कैसे काम करता है। अंडर कॉपीराइट लॉ अ वर्क इज कंसीडर्ड ओरिजिनल इफ ऑथर क्रिएटेड इट फ्रॉम इंडिपेंडेंट थिंकिंग वॉइड ऑफ डुप्लीकेशन। कॉपीराइट लॉ के अंदर सिर्फ वही उसी काम को ओरिजिनल माना जाता है जिसको ऑथर ने अपनी थिंकिंग से बनाया है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग से बनाया है, कोई किसी भी तरह की उसमें डुप्लीकेशन नहीं है, किसी का भी उसने आइडिया स्टील नहीं किया है, उसने खुद के आइडियाज को खुद के इंटेलेक्ट को यूज करके अपने वर्क को क्रिएट किया है। ओके, दिस टाइप ऑफ वर्क इज नोन एज ओरिजिनल वर्क ऑफ ऑथरशिप। ओके, तो इस टाइप के वर्क को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिनल वर्क ऑफ ऑथरशिप। ओके, एनीवन विद एन ओरिजिनल वर्क ऑफ ऑथरशिप ऑटोमेटिकली हैज द कॉपीराइट टू दैट वर्क। तो जिसने भी अपने वर्क को इंडिपेंडेंटली क्रिएट किया है, ओके, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, वो कॉपीराइटेड वर्क माना जाता है। फाइन, प्रिवेंटिंग एनी वन एल्स फ्रॉम यूजिंग और रेप्लीकेटिंग इट। और कॉपीराइट वर्क क्या होता है, कोई भी दूसरा पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन ना तो उसको यूज कर सकता है, ना ही उसकी कॉपीज बना सकता है। ओके, रेप्लीकेशन मीन्स कॉपीज बनाना। द कॉपीराइट कैन बी रजिस्टर्ड वॉलंटरीली बाय द ओरिजिनल ओनर। और कोई भी इंडिविजुअली ऑर्गेनाइजेशन अपने वर्क के लिए कॉपीराइट लॉ को रजिस्टर करवा सकता है। फाइन, फॉर एन ओरिजिनल वर्क टू बी कॉपीराइटेड इट हैज टू बी इन टेंजिबल फॉर्म। और क्या कंडीशन है कि जो ओरिजिनल वर्क है, ओके, जिसको जिसके लिए आपको कॉपीराइट करवाना है, वो टेंजिबल फॉर्म में होना चाहिए। टेंजिबल फॉर्म कौन सी होती है, जिसको आप टच कर सको। ओके, दिस मीन्स डेट एनी स्पीच, डिस्कवरीज, म्यूजिकल स्कोर्स और आइडियाज हैव टू बी रिटर्न डाउन इन फिजिकल फॉर्म। तो आपको क्या, जो भी आपका जो इंटेलेक्चुअल वर्क है, उसको आपको एक टेंजिबल फॉर्म में लाने के लिए उसको आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट कॉपी, और यू कैन राइट इट ऑन द पेपर्स। ओके, इन ऑर्डर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कॉपीराइट, तभी वो कॉपीराइट लॉ के अंदर आता है। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन है कि जो इंटेलेक्चुअल वर्क है वो दैट शुड बी टेंजिबल। जो भी आपने डिस्कवरी की है, जो भी आपने अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट की है, उसको आपको क्या करना है, आपको एक रिटर्न फॉर्म में उसको लाना है। ओके, नाउ वी हैव कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट। कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट क्या होता है, कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट मींस कॉपीराइट का उल्लंघन करना, उसके अगेंस्ट जाना। ओके, कॉपीराइट लॉ के अगेंस्ट जाना। कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट इज द यूज और प्रोडक्शन ऑफ कॉपीराइट प्रोटेक्टेड मटेरियल विदाउट द परमिशन ऑफ द कॉपीराइट होल्डर। तो कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट क्या है, कॉपीराइट मटेरियल को यूज करना, ओके, क्रिएटर की जिसने वो जिसका वो मटेरियल है उसकी परमिशन के बिना। ओके, तो ये क्या हो गया, कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट हो गया, कॉपीराइट के अगेंस्ट जाना, उसका उल्लंघन करना। फाइन, म्यूजिक एंड मूवीज आर टू ऑफ द मोस्ट वेल नोन फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट दैट सफर फ्रॉम सिग्निफिकेंट अमाउंट्स ऑफ कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट। तो सबसे ज्यादा जो कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट कहाँ होता है, म्यूजिक एंड मूवी इंडस्ट्रीज में होता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा क्या होता है, स्टीलिंग होती है म्यूजिक की भी और मूवीज की भी। फाइन, ओके, इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज हु डेवलप न्यू वर्क्स रजिस्टर फॉर कॉपीराइट प्रोटेक्शन टू एंश्योर दैट दे कैन गेट प्रॉफिट फ्रॉम देयर एफर्ट्स। तो जो भी इंडिविजुअल और कंपनीज है जिन्होंने अपनी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाई है, वो क्या करते हैं, ये अपने वर्क के लिए कॉपीराइट लॉ को रजिस्टर कराते हैं, इस ताकि उनको उनकी प्रॉपर्टी से फायदा हो सके। ओनली दे कैन गेट द प्रॉफिट फ्रॉम देयर एफर्ट्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनकी उन्होंने जो भी क्रिएट किया उसको दूसरे लोग यूज करें और वो उससे फायदा उठाए, इसलिए वो क्या करते हैं, कॉपीराइट कराते हैं अपनी प्रॉपर्टी को। फाइन, अदर पार्टीज मे बी ग्रांटेड परमिशन टू यूज दोज वर्क्स थ्रू लाइसेंसिंग अरेंजमेंट्स और बाय द वर्क्स फ्रॉम द कॉपीराइट होल्डर। तो अगर किसी और को वो वर्क यूज करना है तो वो कैसे कर सकता है, या तो लाइसेंस लेके, ठीक है, एक पर्टिकुलर अमाउंट दे के, लाइसेंस दे के, या फिर वो कॉपीराइट होल्डर से उस वर्क को बाय करके, खरीद कर।
ओके तो इस तरीके से आप कॉपीराइट मटेरियल को यूज कर सकते हैं। फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज बोथ फ्री सॉफ्टवेयर एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। फोर्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो क्या है, एक फ्री सॉफ्टवेयर है, ओके, एज वेल एज क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ओके, वेयर एनीवन इज फ्रीली लाइसेंस टू यूज कॉपी स्टडी एंड चेंज द सॉफ्टवेयर इन एनी वे। जहाँ पे ये क्या होता है, पब्लिकली अवेलेबल होता है, ओके, और कोई भी पर्सन, इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज कर सकती है, कॉपी कर सकती है, स्टडी कर सकती है। अगर वो सॉफ्टवेयर में कोई चेंज करना चाहती है तो वो चेंज कर सकते हैं, मतलब यूजर्स, ओके, इन एनी वे। एंड द सोर्स कोड इज ओपनली शेयर्ड सो दैट पीपल आर एनकरेज्ड टू वॉलंटेरली इम्प्रूव द डिजाइन ऑफ द सॉफ्टवेयर, ओके। तो इसका सोर्स कोड होता है वो क्या होता है, ओपनली शेयर किया जाता है, जिससे पीपल, जो लोग हैं, वो एनकरेज हों, ओके, उसके सॉफ्टवेयर डिजाइन में चेंज करने के लिए। अगर वो कोई इनोवेटिव अमेंडमेंट करना चाहते हैं, कोई चेंज करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर में, वो कर सकते हैं, ओके। दिस इज इन कंट्रास्ट टू द प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर विद द सॉफ्टवेयर इज अंडर रेस्ट्रिक्टिव कॉपीराइट लाइसेंसिंग एंड द सोर्स कोड इज यूजली हिडन फ्रॉम द यूजर्स। तो ये क्या कह रहा है, ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर से बिल्कुल अलग है, क्योंकि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो उसके अंदर कॉपीराइट रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, आप उसको ऐसे ही यूज नहीं कर सकते। उसका सॉफ्टवेयर, उसका जो सोर्स कोड होता है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का, वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं होता है, ओके। तो दिस इज डिफरेंट, दिस इज टोटली अपोजिट टू द प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, क्योंकि फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, जहाँ पे जो फ्रीली अवेलेबल है, वी कैन डाउनलोड इट फ्रॉम इंटरनेट, ओके, एंड विदाउट गिविंग एनी कॉस्ट, एज वेल एज वी कैन चेंज द सोर्स कोड ऑफ द सॉफ्टवेयर, फाइन, ओके। और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिनको आपको बाय करना पड़ता है, ओके, यू कैन नॉट गेट, यू कैन नॉट फ्रीली इंस्टॉल डाउनलोड देम फ्रॉम द इंटरनेट, आपको इसके लिए कुछ ना कुछ अमाउंट देना पड़ेगा, फाइन। फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अलाउस यूजर्स एंड प्रोग्रामर्स टू एडिट, मोडिफाई और रीयूज द सॉफ्टवेयर सोर्स कोड। जो फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो यूजर्स को, जो उनको यूज कर रहे हैं, प्रोग्रामर्स को, जो उनको बना रहे हैं, उनको पूरी का पूरा वो क्या कहते हैं, एक फ्रीडम देते हैं कि वो उसको एडिट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, उसको रीयूज भी कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड को, ओके। तो दिस इज टोटली फ्री, फ्रीली अवेलेबल, ओके। दिस गिव्स डेवलपर्स द अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव प्रोग्राम फंक्शनैलिटी बाय मॉडिफाइंग इट, ओके। तो ये क्या है, ये डेवलपर्स को एक अपॉर्चुनिटी देता है कि वो उस प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ओके। द टर्म फ्री इंडिकेट्स दैट द सॉफ्टवेयर डज नॉट हैव कंस्ट्रेंट्स ऑन कॉपीराइट। तो यहाँ पे फ्री का एक मीनिंग ये भी है कि सॉफ्टवेयर के ऊपर कोई भी कॉपीराइट नहीं है, कोई भी लाइसेंस नहीं है, फॉर सॉफ्टवेयर के ऊपर जो कॉपीराइट कंस्ट्रेंट्स नहीं है, फाइन। द टर्म फ्री सॉफ्टवेयर रेफर्स टू अ लैक ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंडिविजुअल यूजर्स एज वेल एज जीरो कॉस्ट। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो फ्री सॉफ्टवेयर है उसका क्या मीनिंग है, एक तो कोई भी इस सॉफ्टवेयर पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती है, और इसकी जो कॉस्ट होती है वो भी जीरो कॉस्ट होती है, फाइन। द टर्म ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर रेफर्स टू कोलैबोरेटिव और नेटवर्क डेवलपमेंट। और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कैसे होते हैं, जो एक कोलैबोरेटिव मीन्स लोग मिलकर उसको बनाते हैं, ओके, नेटवर्क मतलब एक लोगों का नेटवर्क मिलके उसका डेवलपमेंट करता है। तो एक समरी जो हम बोलेंगे फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की, वो क्या है, दीज आर द सॉफ्टवेयर विच आर फ्रीली अवेलेबल, ओके, वी डोंट हैव टू पे एनी कॉस्ट फॉर देम, ओके, वी डोंट हैव टू बाय देम, एंड वी कैन डू एनी चेंज इन द सोर्स कोड ऑफ द सॉफ्टवेयर। हम उसके सोर्स कोड में कोई भी चेंज कर सकते हैं, ओके, फाइन। तो अब देखेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल्स। नाउ हियर वी हैव सम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जो हम फोर सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं यहाँ पे, आपका GNU लिनक्स, मोजिला फायरफॉक्स, ओके, VLC मीडिया प्लेयर, सुगर CRM, गेम, VNC, अपाची वेब सर्वर, लिब्रे ऑफिस, जेक्वेरी। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के। फोर्स
साइबर क्राइम इज एनी क्रिमिनल एक्टिविटी डेट इन्वॉल्व द कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस और अ नेटवर्क। तो साइबर क्राइम क्या है? साइबर क्राइम एक क्रिमिनल एक्टिविटी है जो किसके थ्रू होती है? कंप्यूटर्स के यूज से होती है, नेटवर्क डिवाइसेस, वो डिवाइसेस जो नेटवर्क से अटैच हैं या फिर नेटवर्क के थ्रू होती है। तो यहाँ पे नेटवर्क बेसिकली इंटरनेट के लिए कहा जा रहा है। ओके, द क्राइम डेट यू आर कमिटिंग ऑन द साइबर स्पेस, ओके, जो आप इंटरनेट पर क्राइम कमिट कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं? साइबर क्राइम। वेल, मोस्ट साइबर क्राइम्स आर कैरिड आउट इन ऑर्डर टू जनरेट प्रॉफिट फॉर द साइबर क्रिमिनल्स। सम साइबर क्राइम्स आर कैरिड आउट अगेंस्ट कंप्यूटर्स और डिवाइसेस डायरेक्टली टू डैमेज और डिसेबल देम। कुछ साइबर क्राइम्स कमिट किए जाते हैं प्रॉफिट के लिए, फ्रॉड्स के लिए। मनी फ्रॉड्स होते हैं साइबर क्राइम्स के थ्रू, साइबर क्रिमिनल्स मनी फ्रॉड्स करते हैं, उन्हें प्रॉफिट होता है इससे। ओके, और कुछ साइबर क्राइम किए जाते हैं किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशंस के सेटअप को, कंप्यूटर्स को, डिवाइसेस को डैमेज करने के लिए या किसी इंडिविजुअल के डिवाइस को डैमेज और डिसेबल करने के लिए। ओके, साइबर क्राइम इज अ जनरल टर्म दैट कवर्स क्राइम्स लाइक फिशिंग, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स, इलीगल डाउनलोडिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, स्कैम्स, साइबर टेररिज्म, क्रिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वायरस, स्पैम, स्टीलिंग आइडेंटिटीज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंफ्रिंजमेंट, ऑनलाइन हैरेसमेंट, साइबर स्टॉकिंग एंड सो ऑन। तो यहाँ पे कुछ जर्नल क्या है, साइबर क्राइम्स दिए गए हैं। ओके, जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नाउ वी हैव सम कॉमन साइबर क्राइम्स। फर्स्ट वी हैव द साइबर ट्रोल्स। साइबर ट्रोल रेफर टू अ पर्सन हु पर्पसली पोस्ट अपोजिंग, सरकास्टिक, डी मीनिंग और इंसल्टिंग कमेंट्स अबाउट समथिंग और समवन विद एन एम ऑफ टारगेटिंग अ पर्सन ऑनलाइन। तो साइबर ट्रोल्स कौन होते हैं? साइबर ट्रोल्स वो लोग होते हैं जो दूसरे लोगों के लिए अपोजिंग, अपोजिंग मीन्स अगर मान लो किसी ने कोई कमेंट लिखा है तो उसके अगेंस्ट में जाके लिखेंगे। ओके, दूसरे लोगों के लिए, दूसरे लोगों को के लिए अपोजिंग पोस्ट लिखते हैं या सरकास्टिक कमेंट्स करते हैं। सरकास्टिक क्या होता है? दूसरों की कमेंट्स का मजाक उड़ाना, व्यंगपूर्ण कमेंट। ओके, मोकिंग करना। तो यहाँ पे अगर किसी ने किसी की पिक्चर पे या किसी के कमेंट पे क्या करेंगे? सरकाज्म करेंगे, डी मीनिंग मतलब डी मीनिंग कमेंट्स लिखेंगे, किसी को नीचा दिखाएंगे, इंसल्टिंग कमेंट्स लिखेंगे। ओके, अबाउट समथिंग और समवन विद एन एम। उनका एम क्या होता है? विद एन एम ऑफ टारगेटिंग अ पर्सन ऑनलाइन, किसी पर्सन को ऑनलाइन टारगेट करना। ओके, ट्रोलिंग इज अ साइबर क्राइम। तो जो साइबर ट्रॉलिंग होती है वो भी एक साइबर क्राइम है। ओके, इनफैक्ट इट इज अ फॉर्म ऑफ साइबर बुलिंग। और ये किसके अंडर आती है? साइबर बुलिंग के अंदर। बुलिंग क्या होता है? किसी को आप क्या करते हो, बुलिंग क्या होता है? आप किसी को परेशान करना। ओके, तो जब आप इंटरनेट के थ्रू, कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू किसी को परेशान कर रहे हो तो क्या होता है? साइबर बुलिंग। ओके, सो दिस इज साइबर ट्रोल्स। नाउ नेक्स्ट वी हैव द साइबर बुलिंग, अ फॉर्म ऑफ हैरेसमेंट और बुलिंग इन्फ्लिक्टेड थ्रू द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स एक्सेट्रा। तो साइबर बुलिंग क्या है? साइबर बुलिंग है एक टाइप ऑफ हैरेसमेंट। ओके, एक हैरेसमेंट है या बुलिंग है, आप किसी को परेशान कर रहे हो, किसी को हैरेस कर रहे हो, किसके थ्रू? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू, कम्युनिकेशन डिवाइसेस के थ्रू। ओके, लाइक कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन, लैपटॉप्स, आईपैड्स। ओके, तो जो साइबर बुलिंग क्या है? जब आप कम्युनिकेशन डिवाइसेस के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू किसी को हैरेस करते हो या किसी को परेशान करते हो तो वो होता है साइबर बुलिंग। ओके, नेक्स्ट वी हैव साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग मीन्स जब आप इंटरनेट के थ्रू, कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू किसी का पीछा, स्टॉकिंग का मीनिंग क्या होता है? पीछा करना। ओके, साइबर स्टॉकिंग द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बाय अ पर्सन टू फॉलो अ पर्सन। साइबर स्टॉकिंग क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का यूज करके जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को फॉलो करता है उसको बोलते हैं साइबर स्टॉकिंग। और अटेम्प्ट्स टू कॉन्टेक्ट अ पर्सन टू फोस्टर पर्सनल इंट्रेक्शन रिपीटेडली डिस्पाइट अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ दिस इंटरेस्ट बाय सच पर्सन। या फिर आप बार बार किसी दूसरे पर्सन को क्या करोगे, कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करोगे इन ऑर्डर टू इम्पोज योर पर्सनल इंटरेक्शन, अपने खुद के फायदे के लिए, अपने खुद के पर्सनल इंटरेस्ट के लिए। बार बार आप किसी को मैसेज करोगे, कॉल करोगे या ऑनलाइन बार बार ईमेल्स या मैसेजेस आप सेंड करोगे डिस्पाइट
अ क्लियर इंडिकेशन, जबकि आपको क्लियर इंडिकेशन दिया जा चुका है कि दैट पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू एट ऑल, ओके। और मॉनिटर्स द इंटरनेट, या फिर आप जब किसी का के इंटरनेट को पूरा मॉनिटर करते हो, उसके ईमेल अकाउंट को मॉनिटर करते हो, उसकी टाइमिंग को मॉनिटर करते हो, व्हेन ही और शी इज कमिंग ऑनलाइन, ओके ओके, इन ऑर्डर, ओके, फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कमिट्स द ऑफेंस ऑफ स्टॉकिंग। तो जब आप उसको ऑनलाइन बार बार फॉलो करते हो, तो ये क्या है? साइबर स्टॉकिंग। फाइन, किसी को इंटरनेट के थ्रू या कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू फॉलो करना, कॉन्टिन्यूसली फॉलो करना क्या होता है? साइबर स्टॉकिंग। ओके, नेक्स्ट वी हैव ऑनलाइन जॉब फ्रॉड। ऑनलाइन जॉब फ्रॉड इज एन अटेम्प्ट टू डिफ्रॉड पीपल हु आर इन नीड ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय गिविंग देम फॉल्स होप, प्रॉमिस ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट विथ हायर वेजेस। तो ऑनलाइन जॉब फ्रॉड क्या है? ऑनलाइन जॉब फ्रॉड में क्या होता है? ऑनलाइन लोगों को क्या किया जाता है? लर किया जाता है। लर मीन्स उनको एक लालच दिया जाता है, ओके, एम्प्लॉयमेंट का लालच दिया जाता है कि उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, उनको जॉब दी जाएंगी, नौकरी दी जाएंगी, ओके। उनको एक फॉल्स होप, एक झूठी आशा दी जाती है, उनसे झूठे प्रोमिसेस किए जाते हैं ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट विद हायर वेजेस, ठीक है, कि उन्हें बहुत अच्छे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा जिसमें उनको हायर वेजेस मतलब एक फिक्स इनकम मिलेगी, एक रेगुलर पेमेंट मिलेगी और वो काफी ज्यादा होगी, ओके। तो ये ऑनलाइन जॉब फ्रॉड्स में क्या होता है? ऑनलाइन लोगों को फंसाया जाता है जॉब्स के लिए। ऐसा होता कुछ नहीं है, वो उनसे स्टार्टिंग में कुछ अमाउंट मांगा जाता है, दैट यू हैव टू पे सम अमाउंट फॉर दिस, और जब लोग पे कर देते हैं तो उसके बाद क्या होता है, वो जॉब्स वर्क नहीं करती है, ऐसी कोई जॉब्स होती नहीं है, राइट। नेक्स्ट वी हैव फिशिंग, राइट। फिशिंग, फिशिंग इज अ टाइप ऑफ फ्रॉड दैट इन्वॉल्व स्टीलिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन सच एज कस्टमर आईडी, आई पिन, क्रेडिट डेबिट कार्ड नंबर, कार्ड एक्सपायरी डेट, सीवीवी नंबर एक्सेट्रा, थ्रू ईमेल्स दैट अपीयर टू बी फ्रॉम अ लेजिटिमेट सोर्स, ओके। फिशिंग क्या होता है? फिशिंग फ्रॉड किया जाता है किसके थ्रू? ईमेल मैसेजेस के थ्रू, राइट। आपके पास मैसेजेस आएंगे, ईमेल्स आएंगे, और आपको लगेगा कि जो जहां से ईमेल्स आ रहे हैं वो साइट्स क्या है? लीगल साइट से। मान लो आपको आपके पास ईमेल आया और आपको लगेगा ये मेरी बैंक की साइट से आया है, आपको बिल्कुल वही लगेगा, क्योंकि जो लिंक्स होते हैं मोस्टली आपको जिस वेबसाइट पे ले जाते हैं वो आपको लीगल ही लगती है, वो आपको फ्रॉड नहीं लगती। लेकिन वहां पे क्या होता है, उसका जो आउटलुक होता है, जो उसका बनाया जाता है, वो सेम वैसा बनाया जाता है, बट वो क्या होती है? फेक साइट्स होती है। फाइन, तो फिशिंग क्या है? फिशिंग, और वो साइट्स पे जाके आपसे क्या करवाया जाता है? आपका कुछ ना कुछ, आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है, लाइक आपका डेबिट कार्ड नंबर या क्रेडिट कार्ड नंबर या आपका सीवीवी नंबर, क्या करते हैं उसमें आपसे वो फिल कराया जाता है कि फिल दिस फॉर दिस फॉर दिस लाइक दिस, ओके। तो जब आप फिशिंग क्या है, आप ईमेल्स जो आपके पास आते हैं लिंक उस पर क्लिक करने से पहले आपको बहुत ही अच्छे से उसको देखना चाहिए कि इज इट कमिंग फ्रॉम द लीगल वेबसाइट और नॉट, ओके। तो फिशिंग इज व्हाट? फिशिंग इज द ऑनलाइन फ्रॉड विद द हेल्प ऑफ लेजिटिमेट, नॉट लेजिटिमेट लुकिंग सोर्सेस, ओके। दीज आर नॉट लेजिटिमेट, मतलब वो लीगल सोर्सेस नहीं है, वो वैसे लगते हैं, फाइन। तो जो ईमेल्स के थ्रू फ्रॉड किया जाता है उसको बोलते हैं फिशिंग। नेक्स्ट वी हैव विशिंग। विशिंग इज एन अटेम्प्ट वेयर फ्रॉडस्टर ट्राई टू सीक पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक कस्टमर आईडी, नेट बैंकिंग पासवर्ड, एटीएम पिन, ओटीपी, कार्ड एक्सपायरी डेट, सीवीवी एक्सेट्रा थ्रू अ फोन कॉल, ओके। तो फिशिंग क्या था? जो फ्रॉड किया जाता है ईमेल के थ्रू, राइट। यहाँ पे विशिंग क्या है? यहाँ पे आपके पास फोन कॉल्स आएंगे और फोन कॉल्स के थ्रू वो आपको क्या करेंगे, आपको आपके साथ फ्रॉड करेंगे किसी ना किसी तरीके से। वो आप आपसे आपका नेट बैंकिंग पासवर्ड लेने की कोशिश करेंगे या एटीएम पिन लेने की कोशिश करेंगे, सीवीवी नंबर लेने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो फ्रॉड किसके थ्रू किया जाता है? फोन कॉल्स के थ्रू किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? विशिंग। फाइन, ईमेल्स के थ्रू जो फ्रॉड किया जाता है उसको बोलते हैं फिशिंग, राइट। और जो फोन कॉल्स के थ्रू किया जाता है उसको बोलते हैं विशिंग, राइट। नाउ नेक्स्ट वी हैव स्मिशिंग।
स्मिशिंग इज अ टाइप ऑफ फ्रॉड दैट यूज मोबाइल फोन टेक्स्ट मैसेजेस टू लर्ड विक्टिम्स इनटू कॉलिंग बैक ऑन अ फ्रॉडुलेंट फोन नंबर, विजिटिंग फ्रॉडुलेंट वेबसाइट्स और डाउनलोडिंग मैलिशियस कंटेंट वाया फोन और वेब. तो स्मिशिंग क्या है? स्मिशिंग आपके पास जो स्मिशिंग इज अ काइंड ऑफ फ्रॉड जो कैसे किया जाता है, आपके पास टेक्स्ट मैसेजेस आएंगे जो आपको लर करेंगे, मतलब आपको लालच देंगे उनको उस पर्टिकुलर नंबर पे जिस जहां से मैसेज आया वहां पे कॉल बैक करने का. या फिर आपको लिंक भेजेंगे कि इस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करो तो आप कहाँ पे पहुंच जाएंगे, एक फ्रॉड वेबसाइट के ऊपर आप चले जाएंगे. या फिर आपको कुछ डाउनलोड करने के लिए कहेंगे, मैलिशियस कंटेंट मतलब हार्मफुल कंटेंट. तो जो आपके साथ फ्रॉड किया जाता है मैसेजेस के थ्रू, टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू, उसको हम कहते हैं स्मिशिंग. नेक्स्ट वी हैव सिम स्वैप स्कैम. सिम स्वैप स्कैम अकर्स व्हेन फ्रॉडस्टर्स मैनेज टू गेट अ न्यू सिम कार्ड इश्यूड अगेंस्ट अ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फ्रॉडुलेंटली थ्रू द मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर. तो सिम स्वैप स्कैम कैसे होता है? जब क्या कर जो फ्रॉड फ्रॉस्टर होता है, जो फ्रॉड पर्सन होता है, वो क्या करता है, मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर से जो किसी के लिए सिम ऑलरेडी इशू हो चुकी है, वही नंबर पे क्या करता है, सेम सिम इशू कराता है. मान लो आपका नंबर है, आपका ही नंबर क्या है, दूसरे पर्सन ने फ्रॉड के थ्रू ले लिया है. विद द हेल्प ऑफ न्यू सिम कार्ड दे गॉट वन टाइम पासवर्ड. तो अगर आप कुछ भी अपना ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो जो वन टाइम पासवर्ड है वो क्या होगा, उस सिम पर भी जाएगा क्योंकि नंबर सेम है. एंड अलर्ट्स, जितने भी आपके बैंक के ट्रांजेक्शन है उसके अलर्ट्स भी फ्रॉड पर्सन के पास भी जाएंगे. रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन थ्रू द विक्टिम्स बैंक अकाउंट. तो जो भी आप अपना ट्रांजेक्शन कर रहे हो वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी, बिकॉज यू बोथ आर हैविंग द सेम फोन नंबर, सेम. तो क्या होगा, दोनों के पास सेम इंफॉर्मेशन जाएगी. गेटिंग अ न्यू सिम कार्ड अगेंस्ट अ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फ्रॉडुलेंटली इज नोन एज सिम स्वैप स्कैम. ठीक है, तो यहाँ पे जो ये स्कैम किया जा रहा है, स्कैम मीन्स घोटाला, किसके थ्रू कैसे घोटाला किया जा रहा है, कि सेम नंबर किसी और दूसरे पर्सन को प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, उस पर्सन के पास आपका सारा अकाउंट, सारे अलर्ट, सारा ट्रांजेक्शन क्या होगा, चला जाएगा. तो ये जो स्कैम होता है उसको बोलते हैं सिम स्वैप स्कैम. राइट, नेक्स्ट वी हैव क्रेडिट कार्ड फ्रॉड और डेबिट कार्ड फ्रॉड. इन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड फ्रॉड द क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड डिटेल्स ऑफ यूजर आर स्टोलन फ्रॉम हिज हर ऑनलाइन एक्टिविटीज एंड देन सम पेमेंट फ्रॉड्स आर कैरिड आउट विद दिस स्टोलन इन्फॉर्मेशन. तो किसी भी एक्टिविटी, ऑनलाइन एक्टिविटी के थ्रू, जैसे आपने किसी फेक लिंक पे क्लिक कर दिया और या फिर आपने किसी फेक वेबसाइट पे जाके अपनी इन्फॉर्मेशन दे दी क्रेडिट कार्ड की या डेबिट कार्ड की, तो वहां से क्या होगा, आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन स्टील हो जाएगी. और आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड हैक हो जाएगा. फाइन, और उसके थ्रू क्या होगा, आपकी इट इन्वॉल्व द अनऑथोराइज यूज ऑफ अनदर पर्सन क्रेडिट और डेबिट कार्ड. आपके क्रेडिट और डेबिट कार्ड का अनऑथोराइज यूज किया जाएगा. फॉर द पर्पस ऑफ परचेजेस और विड्रॉइंग फंड्स. जिसके जिससे क्या होगा, आपके क्रेडिट कार्ड से परचेज मीन्स सामान खरीदा जाएगा या फिर आपके फंड्स को विड्रॉ कर लिया जाएगा. तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड फ्रॉड क्या है, आपकी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के इंफॉर्मेशन को स्टील करके आपके क्रेडिट कार्ड का यूज करना या डेबिट कार्ड का यूज करना परचेजेस करने के लिए या फिर आपके फंड्स को विड्रॉ करने के लिए. नेक्स्ट वी हैव इम्पर्सोनेशन और एंड आइडेंटिटी थेफ्ट. तो इम्पर्सोनेशन क्या होता है, आप किसी और का क्या करना, किसी और की तरह प्रिटेंड करना या किसी और का वेश बना लेना. या किसी और की आइडेंटिटी को थेफ्ट, मतलब आइडेंटिटी थेफ्ट मींस किसी और की आइडेंटिटी क्रिएट करना.
फाइन, मतलब किसी और पर्सन जैसा आप बनना. ओके, इम्पर्सोनेशन एंड आइडेंटिटी थेफ्ट इज एन एक्ट ऑफ फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली मेकिंग यूज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स, पासवर्ड्स और एनी अदर यूनिक आइडेंटिफिकेशन फीचर ऑफ एनी अदर पर्सन. तो यहाँ पे क्या है, आप क्या कर रहे हो, किसी और दूसरे पर्सन को कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स को कॉपी कर रहे हो, पासवर्ड को कॉपी कर रहे हो, या किसी दूसरे पर्सन की एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है उसको आप कॉपी कर रहे हो. इसको क्या बोलते हैं हम, आइडेंटिटी थेफ्ट. जब आप मान लो कोई पर्सन है, आप कोई सेलिब्रिटी है, ओके, आपने उसके ही जैसा उसकी फोटोग्राफ लगा के उसके जैसा अकाउंट क्रिएट कर लिया, ओके, तो लोग क्या सोचेंगे, शायद दिस इज द रियल पर्सन. तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आइडेंटिटी थेफ्ट कर रहे हो, आप उसके जैसा वेश बना रहे हो, इम्पर्सोनेशन. फाइन, तो दिस इज इम्पर्सोनेशन और आइडेंटिटी थेफ्ट. जब आप किसी और का वेश बना रहे हो और आप इसके थ्रू फ्रॉड कर रहे हो, किसी और के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स को आप कॉपी कर रहे हो, या पासवर्ड को कॉपी कर रहे हो, या किसी की आइडेंटिटी को आप कॉपी कर रहे हो. फाइन, ओके, नेक्स्ट वी हैव स्पैमिंग. स्पैमिंग अकर्स व्हेन समवन रिसीव्स एन अनसॉलिसिटेड कमर्शियल मैसेजेस सेंट वाया ईमेल, एसएमएस, एमएमएस एंड एनी अदर सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग मीडिया. ओके, तो स्पैमिंग क्या होती है, स्पैमिंग होती है जब किसी के पास बहुत सारे अनसॉलिसिटेड, अनसॉलिसिटेड क्या होते हैं, अनचाहे, ओके, जो हम नहीं चाहते ऐसे मैसेजेस, ओके, अनचाहे कमर्शियल, कमर्शियल मैसेजेस आते हैं. कमर्शियल मतलब लोग अपना एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि ये हमारे प्रोडक्ट्स बाय कर लो, या फिर कम टू आर साइट्स, या हमारा ये प्लान ले लो. तो बहुत सारे जब किसी इंडिविजुअल के पास मेल्स आते हैं, ओके, या एसएमएस आते हैं, एमएमएस आते हैं, ओके, या और एनी अदर सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, या किसी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू मैसेजेस आते हैं, उसको बोलते हैं स्पैमिंग. दे मे ट्राई टू परसुएट द रेसिपिएंट टू बाय अ प्रोडक्ट और सर्विस और विजिट अ वेबसाइट वेयर ही कैन मेक परचेजेस. और तो ये क्या करता है, जो भी इंडिविजुअल होता है, रेसिपिएंट होता है जिसको ये मैसेजेस भेज रहे हैं, उसको परसुएट करते हैं, उसको मनाते हैं किसी प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, खरीदने के लिए, या किसी सर्विस को खरीदने के लिए, या किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाने के लिए जहाँ पर वो क्या करे, सामान को परचेज करे. और दे मे अटेम्प्ट टू ट्रिक हिम हर इनटू डाइवर्जिंग बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स. और क्या करते हैं, वो ये कोशिश करते हैं कि जो भी पर्सन है, रेसिपिएंट है, वो अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल्स या क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स वहां पर फिल करे. फाइन, तो जहाँ स्पैमिंग क्या है, जब आपके पास बहुत सारे अनचाहे ईमेल्स या मैसेजेस या एसएमएस आते हैं जो आपको परसुएट करने के लिए, आपको मनाने की कोशिश करते हैं कि आप किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाएं, कुछ सामान खरीदें या कुछ प्रोडक्ट्स खरीदें, ओके, या फिर अपनी बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन फिल करें. ओके, नेक्स्ट वी हैव रैंसम वेयर. रैंसम क्या होते हैं, फिरौती. ओके, रैंसम वेयर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मालवेयर दैट एनक्रिप्ट द फाइल स्टोरेज मीडिया ऑन कम्युनिकेशन डिवाइसेस लाइक डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल फोन एक्सेट्रा, होल्डिंग डेटा इंफॉर्मेशन एज अ होस्टेज. तो रैंसम वेयर एक टाइप का क्या है, वायरस है, मालवेयर है, ठीक है, जो क्या करता है, जो आपके सिस्टम में आके आपकी सारी फाइल्स को, इंपॉर्टेंट डेटा को एनक्रिप्ट कर देता है, मतलब वो कोडेड फॉर्म में कर देगा. आपका सारा स्टोरेज मीडिया, आपका जो भी कम्युनिकेशन डिवाइस है, लाइक आपका डेस्कटॉप है या लैपटॉप है, मोबाइल फोन है, उसको कंप्लीटली क्या करेगा, होस्टेज बना लेगा, अपने अंडर ले लेगा, आपका पूरा डेटा, सारी इंफॉर्मेशन उसको अपने अंडर ले लेगा. ओके, द विक्टिम इज आस्क्ड टू पे द डिमांडेड रैंसम टू गेट हिज डिवाइस डिक्रिप्टेड. और क्या किया जाता है, जब वो पूरे आपके डिवाइस को कंप्लीटली क्या करता है, अपने होस्टेज बना लेता है, उसको किडनैप कर लेता है, तो क्या करता है, आपसे कुछ फिरौती, रैंसम की मांग की जाती है, कुछ अमाउंट की मांग की जाती है, जिसके बदले में वो कहते हैं कि आपके डिवाइस को डिक्रिप्ट कर दिया जाएगा, मतलब आपके डिवाइस में जिन फाइल्स को कोडेड कर दिया गया है, एनक्रिप्ट कर दिया गया है, उसको दोबारा से रियल फॉर्म में वो डिक्रिप्ट कर देंगे. फाइन, तो दिस इज रैंसमवेयर. नेक्स्ट वी हैव डेटा ब्रीच. अ डेटा ब्रीच, डेटा ब्रीच क्या होता है, डेटा के अंदर घुस जाना, उसको ले लेना. ओके, अ डेटा ब्रीच इज एन इंसिडेंट इन विच इंफॉर्मेशन इज एक्सेस विदाउट ऑथोराइजेशन. तो डेटा ब्रीच क्या है, जिसमें आपकी डेटा को स्टील कर लिया जाता है, आपके डेटा को एक्सेस कर लिया जाता है बिना ऑथोराइजेशन के.
ठीक है, ऑथोराइजेशन, बिना ऑथोराइजेशन दिए आपके डेटा को आप क्या ले लिया जाता है, सो दिस इज डेटा ब्रीच, फाइन। नेक्स्ट वी हैव डेनियल ऑफ सर्विसेज अटैक। ओके, अ डेनियल ऑफ सर्विसेज अटैक इज एन अटैक मीन टू शट डाउन अ मशीन और अ नेटवर्क, मेकिंग इट इनएक्सेसिबल टू इट्स इंटेंडेड यूजर्स। तो डेनियल ऑफ सर्विसेज अटैक क्या होता है, ये आपके मशीन को कंप्लीटली क्या करता है, बिल्कुल डैमेज कर देता है। ओके, शट डाउन कर देता है, मेकिंग इट, ताकि जो उसका यूजर है वो उसको एक्सेस ही ना कर पाए, राइट। या आपकी मशीन को या जो नेटवर्क आप यूज कर रहे हो उसको कंप्लीटली क्या कर देगा, शट डाउन कर देगा, बंद कर देगा, सो दैट द यूजर इज नॉट एबल टू एक्सेस दैट। ओके, डॉस अटैक अकम्प्लिश दिस बाय फ्लडिंग द टारगेट विद ट्रैफिक और सेंडिंग इट इंफॉर्मेशन दैट ट्रिगर्स अ क्रैश। तो डॉस अटैक कैसे होता है, अगर मान लो आप नेटवर्क यूज कर रहे हो, ओके, तो वो आपके नेटवर्क को बिल्कुल कंप्लीटली क्या कर देंगे, फ्लड कर देंगे, बहुत सारे मेल्स या बहुत सारा उस पर ट्रैफिक क्रिएट कर देंगे कि आप उसको एक्सेस कर ही नहीं पाओगे, राइट। और सेंडिंग इट इन्फॉर्मेशन डेट ट्रिगर्स अ क्रैश, या फिर आपके पास आपके सिस्टम पे इन्फॉर्मेशन सेंड की जाएगी जिस पे आप क्लिक करते क्या होगा, आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, बिल्कुल कंप्लीटली डैमेज हो जाएगा, यू आर नॉट एबल टू यूज दैट। ओके, आप उसकी कोई भी अपने नेटवर्क की या अपने सिस्टम की सर्विसेज को यूज नहीं कर पाओगे, फाइन। अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विसेज अटैक इज एन अटेम्प्ट टू मेक एन ऑनलाइन सर्विस अनअवेलेबल बाय ओवरवेलमिंग इट विद ट्रैफिक फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विसेज अटैक क्या है, जहां पे किसी भी ऑनलाइन सर्विस को अनअवेलेबल कर दिया जाता है। कैसे अब अनअवेलेबल कर दिया जाता है, कैसे उसको लोगों तक पहुंचने से बंद कर दिया जाता है, विद द हेल्प ऑफ ट्रैफिक फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। उस पर बहुत सारा ट्रैफिक क्रिएट कर दिया जाता है, उसको मल्टीपल सोर्सेज से उस पर रिक्वेस्ट सेंड कर दी जाती है, जिससे क्या होता है कि वो जो इंडिविजुअल्स उसको यूज करना चाहते हैं ऑनलाइन सर्विस को, वो उसको यूज नहीं कर पाते। समटाइम्स क्या होता है, आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हो तो आपके पास आता है सर्वर डाउन, सर्वर डाउन, तो वो यही होता है कि वहां पे इतना ज्यादा ट्रैफिक क्रिएट कर दिया जाता है कि वो आप उस सर्विस को एक्सेस नहीं कर सकते, फाइन। ओके, नेक्स्ट वी हैव वेबसाइट डिफेसमेंट। डिफेसमेंट क्या होता है, डिस्टॉर्शन, किसी वेबसाइट का डिस्टॉर्शन कर देना। ओके, ये क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ स्पॉइलिंग द सरफेस और अपीयरेंस ऑफ समथिंग, किसी के अपीयरेंस को चेंज कर देना, राइट, दिस इज कॉल्ड एज डिफेसमेंट। तो वेबसाइट डिफेसमेंट, व्हाट इज वेबसाइट डिफेसमेंट, वेबसाइट डिफेसमेंट इज एन अटैक ऑन अ वेबसाइट इन विच मेलिशियस पार्टीज पेंट्रेट अ वेबसाइट एंड रिप्लेस कंटेंट ऑन द साइट विद देयर ओन मैसेजेस इंटेंडेड टू चेंज द विजुअल अपीयरेंस ऑफ द वेबसाइट और मेक इट फंक्शनल। तो ये क्या है, वेबसाइट डिफेसमेंट क्या है, यहाँ पे किसी वेबसाइट को अटैक किया जाता है, ठीक है, ओके, उसको पेंट्रेट मतलब उस वेबसाइट में घुस के क्या करते हैं, उसके कंटेंट को रिप्लेस कर देते हैं, ओके, विद देयर ओन मैसेज, अपने खुद के मैसेज उसके ऊपर पब्लिश करा देते हैं, उसका पूरा विजुअल अपीयरेंस चेंज कर देते हैं वेबसाइट का, ठीक है, और या फिर उसको बिल्कुल फंक्शनल, उसको डिसफंक्शन कर देते हैं, उसका फंक्शन बंद कर देते हैं। ओके, द अटैकर मे पोस्ट इनडिसेंट होस्टाइल एंड ऑब्सीन इमेजेस मैसेजेस वीडियो। सो अटैकर जो होते हैं, जो वेबसाइट को क्या कर रहे हैं, जिन्होंने वेबसाइट को क्या कर लिया, उसको वेबसाइट को हैक कर लिया है, वो क्या करते हैं, उसके ऊपर इनडिसेंट मैसेजेस डाल सकते हैं, उल्टी सीधी इमेजेस डाल सकते हैं, मैसेजेस या वीडियोस, बेकार मैसेजेस या वीडियोस डाल सकते हैं, ठीक है, वेबसाइट पर। तो वेबसाइट डिफेसमेंट क्या है, किसी वेबसाइट को हैक करके कंप्लीटली उसको अपने अंडर लेके उसका पूरे उसकी फंक्शनिंग को डिस्ट्रॉय कर देना, या फिर उसके पूरे आउटलुक को चेंज कर देना, वहां पे अपने खुद के मैसेजेस, खुद के वीडियोस को पब्लिश करा देना, फाइन। नेक्स्ट भी है फार्मिंग अटैक। फार्मिंग अटैक, फार्मिंग इज अ फॉर्म ऑफ साइबर अटैक दैट सेंड्स यू टू फेक वेबसाइट दैट लुक्स लाइक द रियल वन। फार्मिंग क्या होता है, फार्मिंग एक ऐसा अटैक है, साइबर अटैक है, जहां पे जो यूजर होता है उसको कहाँ पे भेज दिया जाता है, फेक वेबसाइट पे भेज दिया जाता है जो कि रियल लगती है, फाइन। द यूजर विल टाइप
इन अ लेजिटिमेट वेब एड्रेस एंड इज रीडायरेक्टेड टू अ फेक वेबसाइट दैट रिजेम्बल्स द रियल वन। यूजर क्या करता है, एक लीगल एड्रेस मतलब एक सही एड्रेस को टाइप करेगा, लेकिन उसको कहाँ भेज दिया जाता है, उसको फेक वेबसाइट पे भेज दिया जाता है जो रियल जैसी होती है। फाइन, वंस ऑन द फेक साइट हैकर्स विल आइदर अटेम्प्ट टू गेन एक्सेस टू द पर्सनल और द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जैसे ही आप फेक वेबसाइट पे जाओगे, हैकर क्या करेंगे, कोशिश करेंगे एक्सेस करने की आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को या आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, और दे विल यूज द फेक साइट टू इन्फेक्ट योर कंप्यूटर, या फिर वो आप जो जिस फेक साइट पे आप गए हो, वो उसकी हेल्प से क्या करेंगे, आपके कंप्यूटर में अटैक करेंगे विद द हेल्प ऑफ वायरस, वायरस के थ्रू, मैलवेयर के थ्रू, और अदर मेलिशियस सॉफ्टवेयर या दूसरे मेलिशियस सॉफ्टवेयर के थ्रू आपके सिस्टम पे अटैक करेंगे। तो दिस इज फार्मिंग अटैक। ओके, नेक्स्ट वी हैव हैकिंग, एन इफर्ट टू अटैक अ कंप्यूटर सिस्टम और अ प्राइवेट नेटवर्क इनसाइड अ कंप्यूटर इज नोन एज हैकिंग। हैकिंग क्या होता है, एक इफर्ट करना किस चीज के लिए, कंप्यूटर सिस्टम को अटैक करने के लिए या फिर एक प्राइवेट नेटवर्क को किडनैप करने के लिए, उसको हैक मतलब उसको अपने अंडर लेने के लिए जो इफर्ट किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, हैकिंग। ओके, हैकिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सम सिक्योरिटी होल्स इन अ कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क इन ऑर्डर टू गेन एक्सेस टू द पर्सनल और कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन। तो हैकिंग क्या है, हैकिंग एक क्या है, एक कोशिश है जिसके थ्रू क्या किया जाता है, सिक्योरिटी होल्स मतलब सिक्योरिटी के जो लूप होल्स होते हैं उनको फाइंड आउट किया जाता है कि कैसे आप एक सिस्टम को हैक कर सकते हो, अपने अंडर ले सकते हो, या कैसे आप नेटवर्क को अपने अंडर ले सकते हो इन ऑर्डर टू एक्सेस द पर्सनल, किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए या किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए। ओके, दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय क्रैकिंग द पासवर्ड। तो मोस्टली हैकिंग कैसे की जाती है, पासवर्ड्स को क्रैक करके एंड द कोड्स दैट ग्रांट एक्सेस टू द सिस्टम, या कोड्स को क्रैक करके जिसके थ्रू आप सिस्टम को एक्सेस कर सकते हो। फाइन, द हैकर इज द पर्सन हु परफॉर्म हैकिंग, और जो पर्सन हैकिंग करता है उसे क्या बोलते हैं, हैकर कहा जाता है। तो हैकिंग क्या है, एक कोशिश है जिसके थ्रू क्या किया जाता है, किसी सिस्टम को की इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जाता है या किसी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जाता है। बाय गेसिंग द पासवर्ड्स और बाय ब्रेकिंग द पासवर्ड्स और द कोड्स ऑफ द सिस्टम और द नेटवर्क। राइट, नेक्स्ट वी हैव चाइल्ड पोर्नोग्राफी। चाइल्ड इज द पर्सन हु इज बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। चाइल्ड को क्या, किसको चाइल्ड बोलते हैं, जो पर्सन 18 ईयर्स से छोटा होता है। ओके, चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज डिफाइंड एज एनी विजुअल और रिटन रिप्रेजेंटेशन इंक्लूडिंग इमेजेस, मूवीज और टेक्स्ट दैट डिपिक्ट और एडवोकेट सेक्सुअल एक्टिविटी इंक्लूडिंग सेक्सुअल मोलेस्टेशन और एक्सप्लाइटेशन ऑफ एनी वन अंडर द एज ऑफ 18। तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी क्या है, कोई भी विजुअल या रिटन रिप्रेजेंटेशन जिसके अंदर इमेज हो या मूवी हो या टेक्स्ट हो, जो किसी छोटे बच्चे को मतलब 18 ईयर से बिलो को क्या करे, शो करे। कोई भी मतलब किसी का मॉलेस्टेशन हो या किसी का एक्सप्लाइटेशन हो, वो क्या हो, ऑनलाइन प्रेजेंट किया जाए, तो वो किसके अंडर आता है, वो साइबर क्राइम के अंडर आता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एंड इंडियन पिनल कोड 1860 प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम चाइल्ड पोर्नोग्राफी। तो यहाँ पे इसके लिए हमारे पास क्या है, एक्ट है जिसके थ्रू हम इसके अगेंस्ट कंप्लेंट्स की जा सकती हैं। अकॉर्डिंग टू द न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिल सेक्शन 67 हैज बीन अमेंडेड दैट नॉट ओनली क्रिएटिंग एंड ट्रांसमिटिंग ऑब्सीन मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, मतलब ना सिर्फ क्रिएट करना और उसको लोगों तक पहुंचाना, ट्रांसमिट करना क्राइम है, बट ऑल्सो टू ब्राउज सच साइट इज एन ऑफेंस, बल्कि जो ऐसी साइट्स को ब्राउज करना भी क्राइम के अंडर आता है। तो द चिल्ड्रन शुड बी अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग। राइट, साइबर लॉ और आईटी लॉ इज रेफर टू एज द लॉ ऑफ द इंटरनेट। तो साइबर लॉ क्या है, साइबर लॉ है इंटरनेट पे जो एक कानून लागू होता है, मतलब वहां पे जो भी क्राइम्स होते हैं जिसके लिए उसके लिए जो हमने लॉज बनाए हैं उसको बोलते हैं साइबर लॉ। और आईटी लॉ, इट इज अ लीगल सिस्टम डिजाइंड टू डील विद द इंटरनेट कंप्यूटिंग साइबर स्पेस।
एंड रिलेटेड लीगल इश्यूज। तो साइबर लॉ क्या है? एक लीगल सिस्टम है जिसको डिजाइन किया गया है, जिसको बनाया गया है किससे डील करने के लिए, जो भी इंटरनेट पर या साइबर स्पेस। साइबर स्पेस क्या होता है? द वर्चुअल स्पेस क्रिएटेड बाय साइबर स्पेस मींस जो इंटरनेट पे जितना भी कम्युनिकेशन होता है, एक नेटवर्क है। तो उस नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन होता है। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है, बिजनेस कंडक्ट किया जाता है। तो वो पूरा का पूरा जो इंटरनेट पे जो स्पेस अवेलेबल है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है, सोशल डिस्कशंस होती हैं, बिजनेस किया जाता है, तो उसको बोलते हैं साइबर स्पेस। तो साइबर स्पेस में इंटरनेट पर से जो भी साइबर स्पेस से जो भी रिलेटेड लीगल इश्यूज होते हैं, उनको डील करने के लिए साइबर लॉज को क्रिएट किया गया है। साइबर लॉ एंड कंपासेस एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, ज्यूरिसडिक्शन, डेटा प्रोटेक्शन लॉस, प्राइवेसी एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो साइबर लॉस के अंदर क्या क्या आता है? बहुत कुछ आता है, लाइक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आते हैं। मतलब अगर किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को स्टील किया जा रहा है या उसके अगेंस्ट जाके कुछ वर्क हो रहा है, कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट हो रहा है, वहां पे साइबर लॉस वर्क करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट है कंपनीज में, ऑनलाइन कंपनीज में, वहां पे कुछ प्रॉब्लम है, दैट विल बी हैंडल्ड बाय द साइबर लॉ ज्यूरिसडिक्शन। डेटा प्रोटेक्शन लॉज हैं, डेटा की प्रोटेक्शन, जहाँ ऑनलाइन डेटा प्रोटेक्शन के लिए साइबर लॉज हैं, प्राइवेसी एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, प्राइवेसी के लिए और आप आपकी फ्रीडम के लिए, सो दैट यू कैन इजली यूज द ऑनलाइन स्पेस, यू कैन इजली यूज द साइबर स्पेस, उसके लिए साइबर लॉज बनाए गए हैं। द लॉज इम्प्लीमेंट फॉर साइबर सिक्योरिटी लार्जली वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड देयर रिस्पेक्टिव ज्यूरिसडिक्शन। तो जो साइबर लॉज हैं वो क्या है, वो वेरी करते हैं, मतलब वो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग साइबर लॉज हैं। और किसके अकॉर्डिंग है? वहां के ज्यूरिसडिक्शन के अकॉर्डिंग है। वहां का जो जिस कंट्री का ज्यूरिसडिक्शन जैसा है, वैसे ही वहां, मतलब साइबर जो लॉज हैं वो अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरीके से इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। उनको अलग अलग तरीके से लागू किया जाता है। द पनिशमेंट्स फॉर द सेम ऑल्सो वेरी फ्रॉम फाइन टू इम्प्रिजनमेंट बेस्ड ऑन द क्राइम कमिटेड। तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में उनकी पनिशमेंट, साइबर लॉज में जो पनिशमेंट दी गई है या फाइन दिए गए हैं, वो भी क्या है, डिफरेंट है, वो वेरी करते हैं, मतलब अलग अलग है, अलग अलग कानून है, अलग अलग जो भी है, अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग क्या है, साइबर लॉस है, और अलग अलग उसमें फाइन्स है, अलग अलग उसमें सजाएं दी जाती है। इम्प्रिजनमेंट क्या होता है? सजा देना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिटीजन्स टू नो द साइबर लॉस ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज टू मेक श्योर दे आर वेल अवेयर ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग साइबर सिक्योरिटी। तो आपको क्या करना होता है, सिटीजन्स को क्या नॉलेज होनी चाहिए? उनको अपनी कंट्रीज के साइबर लॉस पता होने चाहिए। जिससे वो अवेयर है कि जो साइबर लॉस हैं वो क्या हैं। और अगर आप उसको उसके अगेंस्ट जाते हो साइबर लॉस के, तो उसके लिए आपको क्या पेनल्टी देनी देनी पड़ सकती है। तो ये सब पता होना चाहिए। फाइन, द फर्स्ट साइबर लॉ टू एवर एग्जिस्ट वॉज कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज एक्ट इन 1986। जो सबसे पहला साइबर लॉ आया था वो क्या था, कंप्यूटर फ्रॉड और अब्यूज एक्ट था, जो 1986 में आया था। डेट प्रोहिबिटेड अनऑथोराइज एक्सेस टू कंप्यूटर्स। जो क्या करता था, अनऑथोराइज कंप्यूटर्स को अनऑथोराइज एक्सेस करना, मतलब बिना परमिशन के किसी कंप्यूटर को एक्सेस करना, एंड इलीगल यूज ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन, और डिजिटल इंफॉर्मेशन का इलीगल यूज करना, उसके लिए बनाया गया था। मतलब अगर आप किसी कंप्यूटर्स को बिना परमिशन के एक्सेस कर रहे हो, या फिर डिजिटल इंफॉर्मेशन को, मान लो बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन है कंट्रीज की, बहुत ही क्रूशियल इंफॉर्मेशन है, अगर आप उसको क्या कर रहे हो, उसको इलीगली आप यूज कर रहे हो, तो वो किसके अंडर आता है, कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज एक्ट। जो सबसे पहला एक्ट बनाया गया था 1986 में।
नाउ वी हैव इम्पोर्टेंस ऑफ साइबर लॉज. ओके, साइबर लॉज की क्या इम्पोर्टेंस है? इट कवर्स ऑल ट्रांजेक्शन ओवर इंटरनेट. तो इंटरनेट पे जितने जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो साइबर लॉ के अंडर आता है. ओके, इट कीप्स आई ऑन ऑल एक्टिविटीज ओवर इंटरनेट. इंटरनेट पे जो कुछ भी हो रहा है, उसके ऊपर ये पूरी अपना पूरा उसको देखता है. वॉट एवर इज गोइंग ऑन, आप जो भी एक्टिविटी होती है इंटरनेट पर, वो साइबर लॉज उसको पूरा जज करता है. राइट, इट टचेस एवरी एक्शन एंड एवरी रिएक्शन इन साइबर स्पेस. तो जो भी एक्शन रिएक्शन वॉट एवर इज गोइंग ऑन इज अंडर द आई ऑफ साइबर लॉज. ओके, हाउ टू फाइल अ साइबर क्राइम कंप्लेंट ऑनलाइन इन इंडिया. अगर आपको साइबर क्राइम कंप्लेंट करनी है इंडिया में तो आप कैसे करोगे ऑनलाइन? ओके, अ साइबर क्राइम कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड यूजिंग नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल ऑफ इंडिया. तो आप नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे जाओगे, ठीक है, और उसकी वेबसाइट का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है आपको, https://cybercrime.gov.in. ओके, सो इन ऑर्डर टू फाइल द साइबर क्राइम कंप्लेंट यू कैन गो टू दैट पर्टिकुलर वेबसाइट. फाइन, साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर. अगर आपको कॉल करना है तो साइबर क्राइम का हेल्पलाइन नंबर भी है. साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर इज 155260. ओके ओके, नाउ वी हैव नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल ऑफ इंडिया. दिस पोर्टल इज एन इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू फैसिलिटेट विक्टिम्स कंप्लेनेंट्स टू रिपोर्ट साइबर क्राइम कंप्लेंट्स ऑनलाइन. ओके, तो ये हमारा एक पोर्टल है, मतलब पोर्टल क्या होता है, वेबसाइट है. ओके, जो इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या की आपको प्रोवाइड की है, ठीक है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, साइबर क्राइम्स कंप्लेंट फाइल कर सकते हो. फाइन, दिस पोर्टल कैटर्स फॉर ऑल टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम. तो यहाँ पे इस पोर्टल में आप किसी भी तरह की साइबर क्राइम की कंप्लेंट सेंड कर सकते हो, ऑनलाइन कंप्लेंट आप फाइल करा सकते हो, ठीक है. कंप्लेंट्स इंक्लूडिंग ओके, साइबर क्राइम कंप्लेंट्स इंक्लूडिंग कंप्लेंट्स पर्टेनिंग टू किस किस तरह की, ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी, अगर चाइल्ड पोर्नोग्राफी उसके अगेंस्ट आप करवा सकते हो कंप्लेंट, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट एंड अदर साइबर क्राइम्स सच एज मोबाइल क्राइम्स, ऑनलाइन एंड सोशल मीडिया क्राइम्स, ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड्स, रैंसमवेयर, हैकिंग, क्रिप्टो करेंसी. ओके, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड क्राइम है. ओके, एंड ऑनलाइन साइबर ट्रैफिकिंग. तो किसी भी तरीके का साइबर क्राइम है, ओके, आप उसके अगेंस्ट अपनी कंप्लेंट फाइल करा सकते हो बाय द पोर्टल ऑफ नेशनल साइबर क्राइम. ओके, नाउ वी हैव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, और वी कैन से आईटी एक्ट 2000. ओके, तो ये क्या है, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, आल्सो नोन एज ITA 2000 और IT एक्ट, इज एन एक्ट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट नोटिफाइड ऑन 17 अक्टूबर 2000. ओके, तो ये जो IT एक्ट है, ठीक है, वो पार्लियामेंट में कब नोटिफाई किया गया था, 17 अक्टूबर 2000 में. इट इज प्राइमली लॉ इन इंडिया डीलिंग विद साइबर क्राइम एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. तो ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है वो किस लिए बनाया गया है, ये डील करता है साइबर क्राइम से एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से. इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मीन्स जो भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रही है, जो भी बिजनेस किया जा रहा है ऑनलाइन, ओके, उससे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. फाइन, इट कंसिस्ट ऑफ 94 सेक्शन. इस एक्ट के अंदर 94 सेक्शन है. डेटा डिवाइडेड इंटू 13 चैप्टर्स एंड 4 स्केड्यूल्स, जो कि 13 चैप्टर्स और 4 स्केड्यूल्स में डिवाइड किए गए हैं. फाइन, पर्सन्स ऑफ अदर नेशनलिटीज कैन ऑल्सो बी इंडिक्टेड अंडर द लॉ इफ द क्राइम इन्वॉल्व अ कंप्यूटर और नेटवर्क लोकेटेड इन इंडिया. जो अदर दूसरी कंट्रीज के लोग हैं वो भी इस के अंडर आएंगे, उनको भी इस लॉ के अंडर, वो भी इस लॉ के अंडर आते हैं अगर वो क्राइम जो कर रहे हैं वो कहाँ, वो किस से कर रहे हैं, ऐसे कंप्यूटर से या नेटवर्क से जो इंडिया के अंदर प्रेजेंट है, जो इंडिया के अंदर लोकेटेड है, ठीक है, जो इंडिया के अंदर है. फाइन, ओके,
ओके, सो आईटी एक्ट के अंदर जो कुछ लॉज आते हैं वहाँ यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे। द साइबर लॉ इन इंडिया एंड प्रोविजंस फॉर लीगल एक्शन एंड पनिशमेंट हैव बीन एक्सप्लेन इन नटशेल इन द बिलो गिवन टेबल, राइट। तो जो आईटी एक्ट के अंदर जो कुछ सेक्शन है यहाँ पे उसका डिस्कशन हम लोग करेंगे, ठीक है। नाउ द सेक्शन इज 67A, राइट। पब्लिशिंग इमेजेस ऑफेंस, ये सेक्शन है, देन दिस इज द ऑफेंस। इसके अंदर ऑफेंस क्या है? पब्लिशिंग इमेजेस कंटेनिंग सेक्सुअल एक्ट्स, अगर आप इस तरीके की इमेजेस को पब्लिश करते हो, ठीक है, ये ऑफेंस है आपका। तो पेनल्टी क्या होगी? इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 इयर्स एंड और फाइन अप टू 10 लाख रुपीज। फाइन, या तो इम्प्रिजन, या तो आपको कैद होगी 7 साल की, या फिर आपको 10 लाख रुपीज का फाइन देना होगा। फाइन, देन वी हैव 67B, पब्लिशिंग चाइल्ड पोर्न और प्रीडेटिंग चाइल्ड ऑनलाइन। ओके, तो चाइल्ड पोर्न पब्लिश करना या फिर चिल्ड्रन को ऑनलाइन फंसाना, ठीक है, फंसा के उनसे कुछ गलत काम करवाना, ठीक है, इस ऑफेंस की पेनल्टी क्या है? इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 इयर्स एंड और फाइन अप टू 10 लाख ऑन फर्स्ट कन्विक्शन। मतलब 5 इयर्स की आपको इम्प्रिजनमेंट होगी और या फिर आपको 10 लाख रुपीज का फाइन देना पड़ेगा फर्स्ट टाइम, अगर आपने ये क्राइम किया है फर्स्ट टाइम। ओके, इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 इयर्स एंड और फाइन अप टू 10 लाख ऑन सेकेंड कन्विक्शन, और अगर आपने वही क्राइम सेकेंड टाइम रिपीट किया है तो आपको 7 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट होगी, कैद होगी, और या फिर आपको 10 लाख रुपीज का फाइन फिल करना होगा। ओके, सेक्शन 67C, फेलियर टू मेंटेन रिकॉर्ड्स बाय इंटरमीडियरी शेल प्रिजर्व एंड रिटेन रिकॉर्ड्स फॉर ड्यूरेशंस एज प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तो यहाँ पे अगर गवर्नमेंट के क्रूशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जो उन्होंने क्या दिया है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स हैं जो उन्होंने किसी कंपनी को क्या मेंटेन करने के लिए दिए हैं, ओके, तो अगर वहां पे वो फेल हो जाती है, फेलियर टू मेंटेन रिकॉर्ड्स बाय इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज कौन होते हैं? मीडिएटर्स, एजेंट्स। तो कुछ ऐसी कंपनीज हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको बहुत ही क्रूशियल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन प्रिजर्व करने का या मेंटेन करने का जो वर्क दिया गया है, अगर वो उसमें फेल हो जाते हैं तो उसके लिए क्या है पनिशमेंट, क्या है पेनल्टी? इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 इयर्स, या तो 3 साल की इम्प्रिजनमेंट, ओके, या फिर 2 लेक्स का फाइन। नाउ वी हैव सेक्शन 68, ओके, इसमें ऑफेंस क्या आता है? फेलर और रिफ्यूजल टू कंप्लाई विद द ऑर्डर्स। जो आईटी एक्ट के अंदर लॉज दिए गए हैं, ऑर्डर्स दिए गए हैं, अगर कोई भी उनको क्या करता है, उनको लागू नहीं करता है, उनका पालन, कंप्लाई मीन्स पालन करना, उनका पालन नहीं करता है, तो इस केस में क्या होगा? इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 इयर्स, 7 साल की या तो कैद या फिर पॉसिबल फाइन, जो भी पॉसिबल फाइन हो सकता है वो, ठीक है। नाउ वी हैव सेक्शन 69, फेलियर रिफ्यूजल टू डिक्रिप्ट डेटा। अब यहाँ पे अगर किसी ने किसी ऑर्गेनाइजेशन का क्रूशियल या बहुत इंपॉर्टेंट डेटा क्या कर दिया है? एनक्रिप्ट कर दिया। एनक्रिप्ट मतलब उसको कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, ओके, एंड अब वो क्या करता है, उसको रिफ्यूज कर देता है डिक्रिप्ट करने के लिए, ओरिजिनल डेटा में कन्वर्ट करने के लिए उसको रिफ्यूज कर देता है, ओके। तो इस केस में क्या है दैट ये एक क्राइम है कि आप किसी का डेटा स्टील करके उसको डिक्रिप्ट, उसको सॉरी एनक्रिप्ट करो। एनक्रिप्ट मतलब उसको कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट करो, और अगर आप उसको डिक्रिप्ट नहीं करते हो तो या दिस इज आल्सो अ क्राइम, दिस इज एन ऑफेंस, ओके। तो इसके लिए पेनल्टी क्या है? इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 इयर्स, 3 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट और फाइन अप टू 1 लाख, या फिर 1 लाख का फाइन। फाइन, नाउ सेक्शन 70, सिक्योरिंग एक्सेस और अटेम्प्टिंग टू सिक्योर एक्सेस टू अ प्रोटेक्टेड सिस्टम। अगर आप किसी प्रोटेक्टेड सिस्टम को क्या करते हो, एक्सेस कर लेते हो, मतलब किसी कोई इंपॉर्टेंट सिस्टम डिवाइस है, आप उसमें बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, उसको क्या करते हो, एक्सेस कर लेते हो, अपने अंडर ले लेते हो, या फिर उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हो, ओके, तो उसके लिए क्या है पेनल्टी? इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 इयर्स, 10 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट है या फिर फाइन है, ओके। नाउ वी हैव
नाउ वी हैव सेक्शन 71, हूएवर मेक्स एनी मिस रिप्रेजेंटेशन टू और सप्रेसेस एनी मटेरियल फैक्ट फ्रॉम द कंट्रोलर और द सर्टिफाइंग अथॉरिटी फॉर ऑब्टेनिंग एनी लाइसेंस और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट. अगर आप क्या करते हो, आप फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हो, ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट का मिस रिप्रेजेंटेशन करते हो इन ऑर्डर टू एक्सेस द इन ऑर्डर टू एक्सेस एनी लाइसेंस, आप कोई लाइसेंस लेने के लिए, ऑनलाइन लाइसेंस लेने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो वो रॉन्ग है, ठीक है, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट लेने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो कंट्रोलर को वो क्या है, रॉन्ग है, ठीक है. तो इस केस में ये क्या है, इफ यू आर गेटिंग द लाइसेंस, अगर आप लाइसेंस ले रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ रॉन्ग इंफॉर्मेशन, तो वो क्या है, क्राइम है. तो इसके लिए पेनल्टी क्या है, इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 इयर्स और फाइन अप टू 1 लाख. या तो इम्प्रिजनमेंट सजा होगी आपको, कैद होगी 3 इयर्स की, या फिर 1 लाख का जुर्माना. ओके, नाउ वी हैव आईटी एक्ट 2000 अमेंडमेंट्स. जो आईटी एक्ट में अमेंडमेंट्स किए गए थे, चेंजेस किए गए थे, वो क्या है. ओके, अ मेजर अमेंडमेंट वाज मेड टू आईटी एक्ट इन 2008. 2008 में आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में कुछ चेंजेस किए गए थे. इट इंट्रोड्यूस सेक्शन 66A. इसके अंदर 66A सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब इसमें डाला गया, विच पिनलाइज्ड सेंडिंग ऑफ ऑफेंसिव मैसेजेस. ओके, जहाँ पे सजा दी जाएगी किस चीज के लिए, अगर आप क्या करते हो, किसी को ऑफेंसिव मैसेजेस भेज रहे हो, उल्टे सीधे यूजलेस डर्टी मैसेजेस आप अगर किसी को भेज रहे हो, तो उसके लिए क्या है, आपको आपको सजा दी जाएगी. पिनलाइज का मीनिंग क्या होता है, सब्जेक्ट टू अ पेनल्टी और पनिशमेंट. या तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी या फिर आपको पनिशमेंट दी जाएगी. ओके, इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस सेक्शन 69 विच गिव अथॉरिटीज द पावर ऑफ इंटरसेप्शन और मॉनिटरिंग और डिक्रिप्शन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन थ्रू एनी कंप्यूटर रिसोर्स. अच्छा, इसमें एक सेक्शन 69 और ऐड किया गया, जिससे क्या होता है, अथॉरिटीज को पावर दी गई कि वो किसी भी इंफॉर्मेशन को, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन को इंटरसेप्ट कर सकते हो. इंटरसेप्ट मतलब उसको सीज कर सकते हो, उसको वहां से उठा सकते हो, ले सकते हो, या मॉनिटर कर सकते हो उसको, उसको देख सकते हो कि वो क्या चीज है. ओके, और किसी भी डेटा को आप डिक्रिप्ट कर सकते हो, मतलब जो इंटरनेट पे डेटा ट्रेवल करता है वो एनकोडेड फॉर्म में करता है, मतलब कोडेड फॉर्म होती है, तो आप उसको डिक्रिप्ट करके आप पता लगा सकते हो कि क्या मैसेज है, क्या चीज है. ओके, और किसी भी कंप्यूटर रिसोर्स में, मतलब आपको अगर जरूरत है, मतलब कोई क्राइम हो रहा है मान लो इंटरनेट के थ्रू, तो आप इंटरनेट से किसी भी डेटा को इंटरसेप्ट कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो, डिक्रिप्ट करके पता लगा सकते हो कि क्या चीज हो रही है. फाइन, नाउ अमेंडमेंट्स ऑल्सो कंटेन पेनल्टीज फॉर चाइल्ड पोर्नोग्राफी, साइबर टेररिज्म एंड वॉयरिज्म. ओके, तो यहाँ पे पेनल्टीज को ऐड किया गया चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए, साइबर टेररिज्म के लिए, मतलब इंटरनेट पे जो इंटरनेट के थ्रू जो टेरर फैलाया जाता है उसके लिए, एंड वॉयरिज्म मतलब जो इंटरनेट पे पोर्न मटेरियल अवेलेबल होता है उसके लिए. फाइन, द एक्ट वॉज पास्ड इन दिसंबर 2008 एंड केम इन टू फोर्स इन अक्टूबर 2009. तो ये एक्ट दिसंबर 2008 में पास किया गया था, और ये इम्प्लीमेंट कब हुआ, कभी इम्प्लीमेंटेशन इसका स्टार्ट हुआ, अक्टूबर 2009 से. ओके, वेस्ट और ई वेस्ट इज अ जेनरिक टर्म यूज टू डिस्क्राइब ऑल टाइप्स ऑफ ओल्ड एंड ऑफ लाइफ और डिस्कार्डेड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स. तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है आपका पुराना या फिर डिस्कार्डेड, मतलब खराब हो चुका या फिर जिसकी लाइफ बिल्कुल एंड हो चुकी है, ऐसा इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सामान. ओके ओके, तो यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक टू वर्ड्स यूज हुए, राइट. तो इलेक्ट्रिकल क्या होता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस ट्रांसफॉर्म इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन अदर टाइप्स ऑफ एनर्जीज सच एज हीट, लाइट, साउंड एसेक्टर. तो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मतलब चेंज कर देते हैं दूसरी एनर्जीज में, जैसे हीट हो गया, लाइट हो गया, साउंड हो गया. ओके, तो इसके एग्जाम्पल्स है आपका फैन, मोटर, जनरेटर्स, ट्रांसफॉर्मर. ओके, राइट. एंड इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रेगुलेट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑपरेशंस.
राइट तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस होते हैं, अब मैं इसको बहुत डीप में नहीं जाऊंगी, मैं इतना बता देती हूँ, वो क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिव चार्जेस, उनके फ्लो को ऑपरेट करते हैं, राइट। तो इसके अंदर हमारा आ जाता है कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स, रिमोट्स, कैमरास एक्सेट्रा, राइट। तो ऐसा इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो डिस्कार्डेड हो चुका है, जो आपके लिए यूजलेस है, ओके, सच एज हाउस होल्ड अप्लायंसेस, ठीक है, जैसे घर में यूज होने वाले सामान, ओके, मिक्सी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ऑफिस इंफॉर्मेशन, ऑफिस में यूज होने वाले आपके जो होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, लाइक वहां पे भी कंप्यूटर्स हो गए, प्रिंटर्स हो गए, स्कैनर्स हो गए, राइट। एंड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, कम्युनिकेशन के लिए जो आप मोबाइल फोन्स यूज करते हो, फोन, लैंडलाइन फोन्स यूज होते हैं, एंटरटेनमेंट एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, एंटरटेनमेंट के लिए आपका टीवीज हो गए, टेलीविजन हो गए, राइट। तो ये जो आपके डिस्कार्डेड हो चुके हैं, लाइटनिंग इक्विपमेंट्स, जो लाइटनिंग के लिए आप लाइट्स यूज करते हो, वो इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टूल्स, ओके, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक टूल्स जो आप यूज करते हो, इलेक्ट्रिकल टॉयज होते हैं, एंड लेजर, स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशनल इक्विपमेंट्स दैट आर पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी, वो सारे इंस्ट्रूमेंट, वो सारे आर्टिकल्स जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होते हैं, राइट, वो उनका वेस्ट मटेरियल कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, या हम उसको बोलेंगे ई वेस्ट। चार्जर्स हो गए, ओके, ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, राइट। ई वेस्ट कंटेन बोथ वैल्यूएबल एंड हजार्डस मटेरियल्स दैट रिक्वायर स्पेशल हैंडलिंग एंड रिसाइकलिंग मेथड्स। तो ये जो ई वेस्ट होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, वैल्यूएबल चीजें भी होती है, और बहुत ही क्या होता है, हजार्डस मीन्स जो नुकसान करते हैं, ऐसा मटेरियल भी होता है। तो उसकी उस जो ई वेस्ट होता है उसकी एक स्पेशल हैंडलिंग चाहिए होती है, मतलब उसको एक अच्छे तरीके से हैंडल किया जाए, और उसके जो रिसाइकलिंग मेथड है वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से रिसाइकल किया जाना चाहिए ई वेस्ट को, ओके। सम ऑफ द कॉमन ई वेस्ट आइटम्स आर, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुआ है ई वेस्ट आइटम्स का, कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, हार्ड ड्राइव, फैंस, माइक्रोवेव, प्रिंटर, टेलीविजन सेट्स, वॉशिंग मशीन एंड रेफ्रिजरेटर्स, ओके। तो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बहुत सारे होते हैं, तो जब वो यूजलेस हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, डिस्कार्डेड हो जाते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बन जाते हैं, ओके। ओके, नाउ वी हैव ई वेस्ट हजार्ड्स, मतलब ई वेस्ट के क्या नुकसान होते हैं, ओके। ऑल इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इज मेड अप ऑफ डेडली केमिकल्स सच एज लेड, कैडमियम, बेरिलियम, मर्करी एसेट्रा, ओके। तो जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है वो कुछ बहुत ही डेडली केमिकल्स से बनता है, ठीक है, जिसमें लेड है, कैडमियम है, बेरिलियम है, आपका मर्करी है, ओके। डिस्पोजिंग ऑफ गैजेट्स एंड डिवाइसेस इम्प्रॉपरली इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ दीज डेंजरस केमिकल्स कॉन्टेमिनेटिंग द सॉयल, पॉल्यूटिंग द एयर एंड लीचिंग इन टू वॉटर बॉडीज। तो ये क्या कह रहा है कि अगर आपने इन गैजेट्स को या डिवाइसेस को अच्छे ढंग से क्या किया, रिसाइकल नहीं किया, ठीक है, इनका डिस्पोजल मतलब उनको आपने डिस्पोज करना, उनको एक तरीके से डिस्कार्ड, मतलब जैसे डिस्पोज करते हैं, रिसाइकल करते हैं, या कहीं पे हम उसको फेंक देते हैं, ठीक है, या डिस्पोजल कर देते हैं, तो यहाँ पे अगर आपने इनप्रॉपर तरीके से किया है तो क्या होगा, इसके जो डेंजरस केमिकल्स है वो क्या करेंगे, सॉयल को कॉन्टेमिनेट कर देंगे, मीन्स सॉयल को प्रदूषित कर देंगे, राइट, पॉल्यूटिंग द एयर पॉल्यूशन क्रिएट करेंगे, ओके, एंड लीचिंग इनटू वाटर बॉडीज। लीचिंग क्या होता है, लीक हो जाना, ड्रेन अवे, ठीक है, तो वाटर बॉडीज के अंदर वो ड्रेन हो जाएंगे, राइट। तो इनको बहुत ही एक प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करना चाहिए ई वेस्ट को, ओके। व्हेन ई वेस्ट इज डिपॉजिटेड इन अ लैंडफिल इट टेंड्स टू लीच व्हेन वाटर पासेस थ्रू इट। समटाइम्स क्या करते हैं हम लोग, लैंडफिल मीन्स क्या होता है, गड्ढे खोद के वहां पे ई वेस्ट को क्या कर देते हैं, वहां पे दबा देते हैं, ओके। तो अगर आपने क्या किया, ई वेस्ट को लैंडफिल के अंदर गड्ढों के अंदर खोद के दबा दिया, तो इट टेंड्स टू लीच, तो वहां से क्या हो सकता है, उसके जो केमिकल्स है वो लीच हो सकते हैं, लीच मतलब वो लीक हो सकते हैं व्हेन वाटर पासिस थ्रू इट, जब जब उसके अंदर से पानी
जो इंटरनल वाटर होता है, जमीन के नीचे का पानी होता है, अगर वो उसके अंदर से पास होगा तो वो पानी क्या होगा, पॉल्यूटेड हो जाएगा। ओके, पिकिंग अप ट्रेसेस ट्रेस एलिमेंट्स, और उसके जो जमीन के अंदर जो वाटर होता है, ओके, वो उसके अंदर से पास होगा तो उसके केमिकल्स को अपने साथ ले लेगा, उसके जो एलिमेंट्स है उसके ट्रेसेस अपने साथ ले लेगा, तो वाटर पॉल्यूटेड हो जाएगा, राइट। द कॉन्टेमिनेटेड लैंडफिल वाटर देन रीचेस नेचुरल ग्राउंड वाटर, और जो कॉन्टेमिनेटेड मतलब जो पॉल्यूटेड लैंडफिल वाटर है वो कहाँ पहुंचेगा, नेचुरल ग्राउंड वाटर के अंदर वो मिक्स हो जाएगा, विद इंक्रीज टॉक्सिक लेवल्स एंड कैन बी वेरी हार्मफुल इफ इट एंटर्स एनी ड्रिंकिंग वाटर सोर्स। और वो जो ग्राउंड वाटर है अगर वो ड्रिंकिंग वाटर सोर्स में मिक्स हो जाता है, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर सोर्स क्या होता है, जैसे वेल्स होते हैं, ठीक है, वहां से लेते हैं, ट्यूब वेल्स होते हैं, ओके, तो जो अंडरग्राउंड वाटर्स होता है उसको अगर वो उसमें जाके मिक्स हो जाता है और वो ड्रिंकिंग वाटर सोर्स है हमारा, तो क्या होगा, ये जो इतने ज्यादा पॉइजनस जो केमिकल्स है वो क्या होंगे, ड्रिंकिंग वाटर में मिक्स हो जाएंगे। ओके, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। When open air burning and acid bath are used to recover valuable materials from e-waste, हम क्या करते हैं, e-waste में से जो एक valuable चीजें होती है उनको निकालने के लिए क्या करते हैं, या तो उनको खुले में बर्न कर देते हैं, ओपन एयर बर्निंग, ओके, या फिर एसिड्स का यूज करते हैं जिससे कि उसका वैल्यूएबल मटेरियल अलग हो जाए। ओके, तो इस कंडीशन में क्या होता है, इट रिलीजेस टॉक्सिक मटेरियल्स लीचिंग इनटू द एनवायरनमेंट। ओके, तो वो ऐसा टॉक्सिक मटेरियल प्रोड्यूस करता है जो क्या होता है, वो एनवायरनमेंट में एयर में मिक्स हो जाता है, विच कैन लीड टू इरिवर्सिबल हेल्थ इफेक्ट, जिससे क्या होगा, ऐसे हेल्थ इफेक्ट्स होंगे जो इरिवर्सिबल है, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। और कौन से चीज हो सकती है इस एयर पॉल्यूशन से, क्या क्या हो सकता है, इंक्लूडिंग कैंसर्स, कैंसर हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल डैमेज, न्यूरोलॉजिकल क्या होता है, नर्व्स का डैमेज, नर्वस सिस्टम का डैमेज, ओके, डिमिनिश्ड आईक्यू, और ये जो हमारा आईक्यू लेवल होता है उसको भी क्या करता है, कम कर देता है, फाइन। तो यहाँ पे क्या है, ई वेस्ट के ये नुकसान है कि हम अगर उसको सही तरीके से रिसाइकल नहीं करते हैं, सही तरीके से उसको डिस्पोज नहीं करते हैं, तो क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। नाउ वी हैव ई वेस्ट मैनेजमेंट, ई वेस्ट को कैसे मैनेज किया जा सकता है। ओके, हियर आर सम इको फ्रेंडली वेस्ट डिस्पोजल टेक्निक्स दैट यू कैन यूज टू डिस्पोज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट लोकली। ओके, तो यहाँ पे कुछ इको फ्रेंडली टेक्निक्स बताई जा रही है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को डिस्पोज कर सकते हो, फाइन। सो फर्स्ट वी हैव गिव योर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट टू अ सर्टिफाइड ई वेस्ट रिसाइकलर, आप अपने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को सर्टिफाइड ई वेस्ट रिसाइकलर को दो। ओके, यू नीड टू फाइंड एन ई वेस्ट रिसाइकलर हु इज ऑफिशियली सर्टिफाइड बाय द बेसल एक्शन नेटवर्क, राइट। बी बैन इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिसाइकलिंग कंपनीज विच आर डेडिकेटेड टू रिसाइकलिंग ई वेस्ट इन अ सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल वे। ओके, तो आपको जो अपना ई वेस्ट है वो क्या करना है, सर्टिफाइड कंपनी को देनी है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है बेन बेसल एक्शन नेटवर्क, ठीक है, जो क्या है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, जो क्या करती है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को सेफली और रिस्पॉन्सिबली क्या करती है, उसको डिस्पोज करती है, राइट। फाइन, इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग योर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इधर उधर अगर आप फेंक दोगे तो क्या होगा, जो लोग होते हैं जो कूड़ा वगैरह उठाते हैं वो क्या करेंगे, इसको कहीं पर भी ओपन एयर बंद कर देंगे टू गेट द वैल्यूएबल थिंग्स फ्रॉम देम, ठीक है। तो इससे बेटर है कि आप इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को एक सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन को जो दो, जो उसको एक सेफ वे में क्या करे, डिस्पोज ऑफ करे, राइट। प्रिकॉशन टू टेक बिफोर डोनेटिंग और रिसाइकलिंग योर इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, आपको अपने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को डोनेट करने या रिसाइकल करने से पहले क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, अपग्रेड योर कंप्यूटर इंस्टेड ऑफ सिंपली रिप्लेसिंग इट। अगर आपका कंप्यूटर अपग्रेड हो सकता है तो आप क्या करो, उसको अपग्रेड करो, उसको रिप्लेस करने की बजाय उसको अपग्रेड करो, मतलब उसके अंदर आप क्या करो, विंडोज चेंज करा लो या उसके जो पार्ट्स हैं वो चेंज करा लो, नया लेने की बजाय आप क्या कर सकते हो, अपने अपने और कंप्यूटर को आप अपग्रेड करा सकते हो। ओके, फॉर्मेट ऑल योर पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर प्रोडक्ट्स बिफोर डिस्कार्डिंग इट। अगर आप अपने अपने किसी भी डिवाइस को क्या कर रहे हो, डिस्कार्ड कर रहे हो,
ओके उसे डोनेट कर रहे हो, तो आपके आपको क्या करना चाहिए, उसको सबसे पहले फॉर्मेट कर देना चाहिए जिससे आपकी जितनी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन हो वो सारी की सारी डिलीट हो जाए। ऐसा ना हो कि आप अपना डिवाइस दो और आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हो जाए, राइट। टेक आउट द बैटरीज फ्रॉम योर गैजेट्स बिफोर गेटिंग रिड ऑफ देम। और जब भी आप अपने डिवाइस को डोनेट करें या रिसाइकल करें तो उसमें से क्या करें, उसमें से बैटरीज निकाल लें। ओके तो यहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपको लेने हैं बिफोर डोनेटिंग और रिसाइकलिंग योर इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट वी हैव सेल ऑफ योर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। अपनी जो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है आप उसको सेल ऑफ भी कर सकते हैं, उसे बेच भी सकते हैं। ओके इंस्टेड ऑफ डिस्कार्डिंग इट, आप उसको डिस्कार्ड करने के बजाय किसी को सेल ऑफ कर सकते हैं। ओके एज द ओल्ड सेइंग गोज, वन मैंस जंक इज अनदर मैंस ट्रेजर। तो ये क्या कह रहा है कि जो एक आदमी का जंक है, जो एक आदमी के लिए कबाड़ा है, वो दूसरे आदमी के लिए खजाना हो सकता है, राइट। तो दिस कैन बी अप्लाई टू हेल्पिंग यू गेट रिड ऑफ योर ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आप इस ओल्ड सेइंग को अप्लाई कर सकते हो अपने पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स से गेट रिड मींस उनसे पीछे छुड़ाने के लिए, ठीक है। यू कैन टैप इनटू ऑनलाइन साइट्स लाइक क्रेग्सलिस्ट, ईबे और इवन रिसोर्ट टू हैविंग अ गैरेज सेल, एज दिस विल हेल्प यू टू गेट रिड ऑफ योर आउटडेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स एज वेल एज अर्निंग सम मनी। तो आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन जाके, ऑनलाइन बहुत सारी साइट्स है लाइक ईबे है, क्रेग्सलिस्ट है, ओके जिनके थ्रू आप अपने इलेक्ट्रॉनिक्स को, अपने पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान को बेच सकते हो, सेल ऑफ कर सकते हो और पैसे भी कमा सकते हो, फाइन। नाउ नेक्स्ट, डोनेटिंग योर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। आप अपने जो आपकी आउटडेटेड डिवाइसेस हैं उनको डोनेट भी कर सकते हो। ओके ओल्ड गैजेट्स दैट यू नो लॉन्गर नीड कैन बी डोनेटेड एज दे मे बी यूजफुल टू अदर्स। ओके आप अपने ओल्ड गैजेट्स अगर आपने न्यू ले लिए हैं तो आप उनको डोनेट कर सकते हो, वो किसी और के लिए काम आ सकते हैं। ओके योर ओल्ड कंप्यूटर्स मे बी यूजफुल टू आइदर एन एनजीओ और स्टूडेंट्स। आपके ओल्ड कंप्यूटर्स हैं वो किसी एनजीओ के काम आ सकते हैं, स्टूडेंट्स के काम आ सकते हैं। ओके यू शुड आस्क योरसेल्फ दीज टू क्वेश्चंस बिफोर डिस्पोजिंग ऑफ योर ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स। आप अपने इलेक्ट्रॉनिक्स को डिस्पोज ऑफ करने से पहले दो क्वेश्चंस पे ध्यान दें, दो चीजों पे ध्यान दें। इज द इलेक्ट्रॉनिक आइटम वर्किंग, क्या वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम काम कर रहा है। डज द कंप्यूटर हैव एनी ऑफ योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। और डोनेट करने से पहले या डिस्पोज ऑफ करने से पहले हमेशा ध्यान रखें कि जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। ओके लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड बिजनेसेस ऑफर इलेक्ट्रॉनिक डोनेशन प्रोग्राम्स विच यू कैन चूज फ्रॉम। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डोनेशन प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करते हैं जहाँ पे आप अपने इलेक्ट्रॉनिक सामान को डोनेट कर सकते हैं, फाइन। विजिट सिविक इंस्टीट्यूशंस, इंक्वायर अमंग्स योर गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल फॉर एनी रिसाइकलिंग प्रोग्राम दे रन, एज लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैव स्टार्टेड असाइनिंग अ सर्टेन डे एंड प्लेस फॉर एनवायरमेंटली कॉन्शियस सिटीजंस टू कम एंड ड्रॉप ऑफ देयर ई वेस्ट। ओके तो ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइजेशन सॉरी प्रोग्राम प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं कि आप एक पर्टिकुलर डे पे आके अपने इलेक्ट्रॉनिक सामान को ड्रॉप ऑफ कर सकते हैं, वहां पे आप दे सकते हैं। ओके तो आपको क्या करना है, अपने यूनिवर्सिटी स्कूल्स या जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है वहां पे आपको इसका ध्यान रखना है कि ऐसे कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस तरीके के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं जहाँ पे सिटीजन्स जाके अपने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को ड्रॉप ऑफ मतलब वहां पे दे सकते हैं, फाइन। नाउ गिव बैक टू योर इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज एंड ड्रॉप ऑफ पॉइंट। ओके अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज टेंड टू हैव एन एक्सचेंज पॉलिसी वेयर बाय दे टेक बैक योर ओल्ड गैजेट्स व्हेन यू बाय अ लेटर वर्जन। ओके समटाइम्स ऑफरिंग यू अ डिस्काउंट ऑन योर न्यू परचेजेस। तो क्या कह रहा है, गिव बैक टू योर इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज एंड ड्रॉप ऑफ पॉइंट्स। ओके तो बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज ऐसी हैं जो क्या करती हैं, आपके ओल्ड गैजेट्स को लेकर आपको न्यू वर्जन प्रोवाइड करती हैं। न्यू वर्जन अगर आप लेते ओल्ड गैजेट्स भी ले लेंगे और आपको उसका न्यू वर्जन प्रोवाइड करेंगे और ओल्ड गैजेट्स की के बेसिस पे आपको डिस्काउंट भी मिलता है आपके परचेज पर। ओके
जैसे आप फोन बाय करने गए तो कुछ कंपनीज प्रोवाइड करती है आप अपना पुराना फोन ले जाओ तो जो उस फोन का अमाउंट होता है वो कट हो जाता है न्यू फोन के अमाउंट में से, राइट। तो यहाँ पे आप अपने पुराने डिवाइस को क्या कर सकते हो, आप यू इस तरीके से डिस्पोज ऑफ कर सकते हो, राइट। अ फ्यू रिसाइकलिंग कंपनीज हैव सेटअप इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉप ऑफ इनिशिएटिव्स अलोंग विद ड्रॉप ऑफ पॉइंट्स फॉर प्रोडक्ट्स सच एज सेल फोन्स एंड टैबलेट्स आफ्टर विच दे आर रिसाइकल, ठीक है। तो बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने क्या किए हैं, सेटअप्स बनाए हैं जहाँ पे आप अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को छोड़ सकते हैं, ओके। और ये कंपनीज क्या, लाइक आपके जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं फोन्स टेबलेट्स एसेक्टा, जिनको ये कंपनीज क्या करती हैं, रिसाइकल करती हैं, ओके। यू कैन आस्क योर लोकल इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स रिगार्डिंग एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट ड्रॉप ऑफ लोकेशन। तो आप अपने आसपास की जो इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स होती है वहां से इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि किस लोकेशन पे आप अपने इलेक्ट्रॉनिक सामान को छोड़ सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, फाइन, ओके। नेक्स्ट वी हैव सेफ गार्ड बोथ द एनवायरमेंट एंड योर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तो आपको एनवायरमेंट को भी सेफ रखना है और अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को भी, ओके। इलेक्ट्रॉनिक्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर लाइफ टूडे बट द फ्लिप साइड इज द ई वेस्ट दैट कम्स अलॉन्ग विद इट। तो ये क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ओके। लेकिन इसकी फ्लिप साइड मतलब इसका अनदर एस्पेक्ट क्या है, इसकी रिवर्स साइड क्या है कि ये एक अपने साथ ई वेस्ट भी लाता है। सो मेक श्योर टू फॉर्मेट योर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बिफोर डिस्पोजिंग ऑफ। तो अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को डिस्पोज ऑफ करने से पहले हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उसमें आपकी कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं हो, वो फॉर्मेट हो, ओके। बिफोर डिस्पोजिंग ऑफ देम इन अ प्रॉपर मैनर एज द कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ नॉट डूइंग सो कैन बी पेनफुल, ओके। तो जो इसको एक प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, अदरवाइज कॉन्सिक्वेंसेस बहुत पेनफुल होते हैं। एनवायरमेंट पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, ओके, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। अवेयरनेस अबाउट हेल्थ कंसर्न्स रिलेटेड टू द यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो लोगों के अंदर एक अवेयरनेस होनी चाहिए अपनी हेल्थ को लेकर कि अगर वो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो उनको क्या क्या उनके ऊपर प्रभाव पड़ सकते हैं, फाइन। टेक्नोलॉजी हैज बिकम एन इंटीग्रल एस्पेक्ट ऑफ पीपल्स लाइफ एंड विल कंटिन्यू टू डू सो इन फ्यूचर। टेक्नोलॉजी क्या बन चुकी है, हमारी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बन चुकी है, एक अभिन्न अंग बन चुकी है, ओके। और फ्यूचर में भी ऐसा कंटिन्यू रहेगा, ओके। इफ टेक्नोलॉजी डिड नॉट एग्जिस्ट टूडे ह्यूमन वुड नॉट हैव स्मार्टफोन्स लैपटॉप आईपैड्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो ना तो हमारे पास स्मार्टफोन्स होते, ना लैपटॉप्स होते, आईपैड, सोशल मीडिया, कुछ नहीं होता, राइट। दीज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैव ऑल बीन डेवलप्ड ओवर टाइम टू इम्प्रूव एंड फैसिलिटेट पीपल्स लाइफ। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स ओवर द टाइम डेवलप हुए हैं, उन्होंने क्या किया है, हमारी लाइफ को बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की है, हमारी लाइफ को इम्प्रूव किया है, राइट। टूडे टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स पीपल विद मैनी बेनिफिट्स। टेक्नोलॉजी के बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। वी कैन यूज आर डिजिटल डिवाइसेज टू इम्प्रूव आर डाइट, ट्रैक आर फिटनेस इफर्ट्स। हम डिजिटल डिवाइसेज का यूज करते हैं अपने डाइट्स को इम्प्रूव करने के लिए, अपने फिटनेस इफर्ट्स को ट्रैक करने के लिए, ओके। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैव इम्प्रूव आर हेल्थ केयर सिस्टम। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। टेक्नोलॉजी गिव्स अ बूस्ट टू आर कॉन्फिडेंस। टेक्नोलॉजी की वजह से हम बहुत सारे एरिया से जहाँ पे हमारा क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बूस्ट हुआ है, बहुत इंक्रीज हुआ है, ओके। एजुकेशनल एक्टिविटीज कैन बी डिजाइन टेक्नोलॉजी की वजह से। आप क्या कर सकते हो, अपनी एजुकेशनल एक्टिविटीज को डिजाइन कर सकते हो। लाइक जैसे छोटे बच्चे हैं, उनको क्या होता है, मल्टीमीडिया क्लासेस में अगर पढ़ाया जाए तो दे गेट इट इजिली, उनको बहुत जल्दी से समझ में आता है, इंस्टेड ऑफ इफ यू आर राइटिंग ऑन द बोर्ड और समथिंग एल्स, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को एक लाइव एनवायरनमेंट में भी पढ़ा सकते हैं, ओके। ऑनलाइन शॉपिंग इज अवेलेबल, आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो घर बैठे। इट इज पॉसिबल टू गेट इन टच विद पीपल ओवरसीज एंड टू चैट विद देम। आप घर बैठ के कहीं भी ओवरसीज, मतलब कहीं भी किसी भी थ्रू आउट द वर्ल्ड कहीं भी किसी भी पर्सन से बात कर सकते हो, ओके। इट इज पॉसिबल टू सर्च एनी इंफॉर्मेशन एनी टाइम। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप किसी भी टाइम उसको सर्च कर सकते हो। तो बहुत सारे फायदे हैं टेक्नोलॉजी के, बट लाइक एवरी थिंग देयर आर अनडिनाइनेबल इफेक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन आर हेल्थ। बहुत सारे फायदे हैं लेकिन कुछ
कुछ अनडिनाइबल अनडिनाइबल जिनको मना नहीं किया जा सकता, ऐसे कुछ इफेक्ट्स भी पड़ते हैं टेक्नोलॉजी के हमारी हेल्थ पर अगर हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं टेक्नोलॉजी का, राइट? ओके, नाउ हियर वी हैव नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन पीपल्स हेल्थ। अगर आप बहुत ज्यादा यूज करते हो लैपटॉप्स का, आईपैड्स का, मोबाइल फोन्स का, आप बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो टेक्नोलॉजी का, तो इसका जो नेगेटिव इफेक्ट होता है वो क्या होता है लोगों की हेल्थ पर? नेक स्ट्रेन स्ट्रेन आ जाता है, नेक में विजन प्रॉब्लम, आई सेड बच्चों जो बच्चे बहुत ज्यादा मोबाइल फोन्स या यूज करते हैं उनकी क्या होती है, आंखें कमजोर हो जाती हैं, स्लीपिंग डिसऑर्डर, नींद नहीं आती, उनको एक एंजाइटी सी रहती है, स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होता है, लॉस ऑफ अटेंशन मतलब उनका अटेंशन जो होती है लेवल, कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है, इंटरनेट एडिक्शन, इंटरनेट की बहुत ज्यादा एडिक्शन हो जाती है, इमोशनल इनस्टेबिलिटी, इमोशनल वो स्टेबल नहीं रह पाते क्योंकि फैमिली टाइम वो फैमिली टाइम वो स्पेंड नहीं करते हैं, वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या रहते हैं, ऑनलाइन रहते हैं, वर्चुअल वर्ल्ड में रहते हैं, तो यहाँ पे उनकी वो इमोशनली क्या हो जाते हैं, इनस्टेबल हो जाते हैं, फेलिंग मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी होता है अगर आप बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज करोगे, मसल्स एंड ज्वाइंट पेन, अगर आप किसी भी पोस्चर में बैठ के घंटों घंटों गेम्स खेल रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, मूवीज देख रहे हो, तो क्या होगा उससे आपके मसल्स और ज्वाइंट पेन भी की भी प्रॉब्लम होती है। तो बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं टेक्नोलॉजी का अगर आप क्या करते हो बहुत ज्यादा यूज करते हो। ओके, नाउ वी हैव टिप्स फॉर यूजिंग टेक्नोलॉजी इन अ हेल्दी वे। आप टेक्नोलॉजी को एक हेल्दी तरीके से भी यूज कर सकते हो, ठीक है? तो ये उसके लिए कुछ टिप्स हैं। सम टिप्स फॉर एंश्योरिंग हेल्दी स्क्रीन टाइम इंक्लूड्स रिमूव अननेसेसरी एप्स फ्रॉम योर फोन टू प्रिवेंट यू फ्रॉम कॉन्स्टेंटली चेकिंग देम फॉर अपडेट। अपने फोन में से बहुत सारे अगर अननेसेसरी एप्स आपने इंस्टॉल कर रखे हैं तो उनको हटा दो, जिससे कि क्या होते हैं एप्स अगर आपने बहुत सारे डाले हुए हैं तो क्या होगा, तो उनके अपडेट्स आते रहेंगे, ओके, उनके नोटिफिकेशन आते रहेंगे, तो आप बार बार चेक करोगे तो क्या होगा। इसलिए आप क्या करो, यूजलेस एप्स को हटा दो, जिससे कि बहुत सारे एप्स नहीं होंगे, उनके नोटिफिकेशन नहीं आएंगे, आप बार बार उनको चेक नहीं करोगे, राइट? सेट स्क्रीन टाइम लिमिट्स एंड स्टिक टू देम। आप अपना एक टाइम सेट कर लो कि इतने टाइम तक मुझे ये यूज करना है डिवाइस, इतने टाइम तक मुझे स्क्रीन इसकी यूज करनी है, ओके, और उसी टाइम लिमिट तक आपको स्टिक रहना है, ओके, आप वही फॉलो अपना स्केड्यूल फॉलो करो। लॉग ऑफ एंड टेक रेगुलर ब्रेक्स, ठीक है? अपने डिवाइस को कुछ टाइम के लिए लॉग ऑफ करो और बीच बीच में ब्रेक्स लेते रहो, राइट? अगर आप ऑफिस वर्क कर रहे हो इवन देन यू हैव टू डू दिस, राइट? रिव्यू एंड मैक्सिमाइज योर प्राइवेसी सेटिंग्स ऑन सोशल मीडिया। अगर आप सोशल मीडिया बहुत ज्यादा यूज करते हो तो वहां पे अपनी प्राइवेसी को क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए प्राइवेसी सेटिंग को। ये नहीं कि आपने सब कुछ पब्लिक कर दिया तो एवरीबडी इज एबल टू सी व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ, राइट? बी सिलेक्टिव अबाउट वट यू वॉन्ट टू पोस्ट। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या पोस्ट कर रहे हो एंड हु यू वॉन्ट टू सी इट, और आप किसको ये दिखाना चाहते हो। समटाइम्स क्या होता है कुछ लोग कैसे भी पोस्ट डाल देते हैं तो वो क्या होता है बहुत ज्यादा उन लोगों के लिए हार्मफुल भी हो जाते हैं। फाइन, कीप मील टाइम्स गैजेट फ्री। अगर आप खाना खा रहे हैं, कुछ भी आपका ब्रंच टाइम है, आपका लंच टाइम है, आपका डिनर है, तो उसको हमेशा गैजेट फ्री रखो, ओके? कीप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आउट ऑफ योर बेडरूम, अवॉइड यूजिंग डिजिटल डिवाइस फॉर एटलीस्ट एन आवर बिफोर गोइंग टू बेड, ओके? अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को, फोन्स को अपने बेडरूम के बाहर रखना चाहिए, और अगर आप सोने जा रहे हो तो उससे एटलीस्ट 1 आवर पहले आपको क्या कर देना है, अपने डिवाइसेस को यूज करना बंद कर देना है। यूज द इंटरनेट टू स्टे कनेक्टेड बट प्रायोरिटाइज रियल वर्ल्ड रिलेशनशिप ओवर वर्चुअल वंस। तो ये क्या कह रहा है कि आप इंटरनेट से एक दूसरे से कनेक्टेड रहो, लेकिन हमेशा प्रायोरिटी किसको देनी है, जो आपके रियल वर्ल्ड में जो आपके रिलेशनशिप्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको आपको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है इंस्टेड ऑफ वर्चुअल फ्रेंड्स एंड वर्चुअल एनवायरमेंट। फाइन, ओके। इफ यू आर पेरेंट और केयर गिवर, मेनी ऑफ द सेम प्रिंसिपल अप्लाई। अगर आप पेरेंट हैं या आप केयर टेकर हैं, बच्चों को आप संभालते हैं, तो आपको यही कुछ जो रूल्स हैं वो अपने बच्चों पर भी अप्लाई करने चाहिए। सेट लिमिट्स ऑन स्क्रीन टाइम एंड रेस्ट्रिक्ट इट बिफोर बेड टाइम्स एंड ड्यूरिंग मील टाइम्स। आपको स्क्रीन टाइम पे एक लिमिट बच्चों को कहना चाहिए कि आप इतने से इतने टाइम ही मोबाइल फोन यूज कर सकते हो, या आप आईपैड्स या लैपटॉप यूज कर सकते हो, ओके? एंड बेड पे जाने से पहले या बच्चे जब खाना खाते हैं तो क्या उनको गैजेट्स का यूज करना अलाउ नहीं होना चाहिए। फाइन,
इंक्रीज इन पर्सन इंटरेक्शन ओवर ऑनलाइन इंटरेक्शन, बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन करें जिससे कि वो ऑनलाइन इंटरेक्शन कम कर सके। ठीक है, बच्चों की लाइफ में आप जितना उनसे मिक्सअप होंगे उतना ही वो वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर रहेंगे। फाइन, एनकरेज चिल्ड्रन टू हैव टेक्नोलॉजी फ्री प्ले टाइम, बच्चों को ऐसे प्ले टाइम में उनको इंडल्ज करें जो क्या हो, गैजेट्स फ्री हो, लाइक उनको पार्क ले जाएं, वहां वो खेलें। ओके, उनके साथ कुछ गेम्स प्ले करें जिससे कि वो जो टेक्नोलॉजी है, जो गैजेट्स हैं, उनसे थोड़ा दूर रहें। ओके, मेक श्योर यू हैव अवेयर ऑफ व्हाट प्रोग्राम गेम्स एंड ऐप दे आर स्पेंडिंग टाइम ऑन, और हमेशा ध्यान रखें कि जो आपके बच्चे इंटरनेट का यूज कर रहे हैं तो कौन से प्रोग्राम्स देख रहे हैं, क्या गेम्स खेल रहे हैं, कौन सी एप्स यूज कर रहे हैं। फाइन, एक्सप्लोर टेक्नोलॉजी टुगेदर विद योर चिल्ड्रन, अगर आपको कुछ भी सर्च करना है, कोई भी टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करनी है तो अपने बच्चों के साथ बैठ के एक्सप्लोर करें। फाइन, यूज अ पेरेंटल कंट्रोल ऐप एज वेल एज मैक्सिमाइज देयर एक्सपोजर टू ऑनलाइन, सॉरी मिनिमाइज देयर एक्सपोजर टू ऑनलाइन कंटेंट। ओके, जहां पे जरूरत हो पेरेंटल कंट्रोल ऐप का यूज करें जिससे आप कंट्रोल कर सकें। और क्या करना चाहिए, आप बच्चों को जो ऑनलाइन एक्सपोजर है उसको मिनिमाइज करना चाहिए, उसको कम कर देना चाहिए। फाइन, ओके, तो ओवरऑल समरी हमारी क्या है, टेक्नोलॉजी इज एन इंटीग्रल एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ। टेक्नोलॉजी एक क्या है, एक अभिन्न अंग है जिसको हम नहीं, जिसके बिना हम नहीं रह सकते। एंड देर आर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी यूज ऑन ह्यूमन हेल्थ। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी का बहुत पॉजिटिव इफेक्ट भी हमें मिलता है और नेगेटिव इफेक्ट भी मिलता है। टेकिंग सेंसिबल स्टेप्स सच एज सेटिंग लिमिट्स ऑन स्क्रीन टाइम, तो कुछ सेंसिबल स्टेप्स लेने की वजह से, लाइक लिमिट टाइम, सॉरी स्क्रीन टाइम एक लिमिटेड टाइम तक यूज करना, एंश्योरिंग करेक्ट पोस्चर, एक करेक्ट पोस्चर में रहना जब आप लैपटॉप यूज करो, आपको क्या करना है, इरेक्ट पोजीशन में रहना, ये नहीं कि आप झुक के काम कर रहे हो तो क्या होगा, इससे आपकी बैकबोन पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। टेकिंग रेगुलर ब्रेक्स टाइम टू टाइम, क्या करना है आपको, अपने गैजेट से, लैपटॉप से, आईपैड से ब्रेक्स लेना चाहिए। एंड कीपिंग एक्टिव, और अपने आप को एक्टिव कर रखना चाहिए, कैन हेल्प मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन हेल्थ। तो अगर इससे क्या होगा, जो नेगेटिव इम्पैक्ट है टेक्नोलॉजी का वो आपकी हेल्थ पे कम से कम पड़ेगा। ओके ओके एवरीवन, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।